हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वी आर लाइव विद एसएचएम का वन शॉट। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी बच्चे अभी यार यहां पे वेट कर रहे थे, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड अभी मैं सबको आगाह कर रहा था कि वन शॉट ये मिस ना करें, बिकॉज ये मेरी लाइफ का सबसे बेहतरीन वन शॉट होने वाला है और हमारे खुद के चैनल पे बच्चों, टीम उड़ान के चैनल पे, है ना। एंड सबसे बढ़िया बात यह कि अभी यार यहां पे हमारी पूरी टीम का कंट्रोल है, हमारा पूरा सिस्टम बन चुका है, जेई वन का ऐप रेडी हो चुका है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो फ्री टेस्ट होगा 15 questions का, उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो ऑन द जेई वन ऐप। बच्चों जेई वन ऐप अगर आपने इंस्टॉल नहीं करी तो मैं दिखाना चाहता हूँ यार, इतनी सुंदर ऐप है ना, वन ऑफ द मोस्ट सुंदर ऐप दैट आई हैव सीन। तो लेट मी शो यू हाउ इट लुक्स लाइक, एक मिनट रुको। सो आप यार यहाँ पे देख सकते हो बहुत बहुत अच्छी तरीके से, यस यस यस, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यार ये जेई वन की ऐप है और जेई वन की ऐप में आपको सारे टेस्ट फ्री में दे सकते हो आप यहाँ पे इस वाले सेक्शन पे, ठीक है। और उसके अलावा बताना चाहता हूँ, हमारे बैचेस जो आ रहे हैं वो सारे जीवन और जीनस बैचेस, वो आपको इस ऐप पे ही मिलेंगे। तो इंश्योर करना कि आप उसमें हमारा पार्ट बन जाओ, क्योंकि जेई 2024 को मतलब टीम उड़ान बड़े प्यार से अपने ऐप पे पढ़ाने वाली है। और सबसे बढ़िया चीज ये है कि वो क्लासेस ऐसी वाली क्लासेस होंगी बच्चों, है ना, स्मार्ट बोर्ड पे होंगी, इंटरेक्शन होगा, पोल्स, लीडर बोर्ड, सब कुछ इसी क्लास में होगा। सो दैट इज हाउ ब्यूटीफुल दैट इज, राइट, है ना, ठीक है। अब मुझे एक बार आप लोगों की चैट देखने के लिए एक बार मैं चैट ओपन कर देता हूं बच्चों, है ना, ठीक है। जस्ट गिव मी वन सेकेंड, यस यस यस, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट। तब तक लाइक कर दो और सबके साथ शेयर कर दो, लेट एवरी वन नो कि दैट नमो सर इज लाइव विद द सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है ना, एसएचएम के साथ नमो सर लाइव है, जल्दी से, है ना। अरे यार इसको बड़ा करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, रुको एक मिनट, जस्ट अ मिनट, है ना, एक मिनट, हाँ बच्चों, अरे हो जा भाई, हो जा, ये चैट देखने के पंगे हैं। हाँ ये यहां से विड्थ तो बढ़ा दी, अब ये भी बढ़ा दिया, वाओ अमेजिंग, ठीक है। सो हाय तैमूर, हाय सलीम, हाय साक्षी, हाय पीडब्ल्यू वॉरियर्स, अमेजिंग, अपना चैनल है बोल सकते हैं यार, ठीक है, थैंक यू सो मच। हाय एवरीवन फॉर अटेंडिंग द क्लास, ठीक है, हाय एवरीवन, लव यू ऑल, है ना, ठीक है, स्टार्ट करें। तो यार आपका वन शॉट ऑन सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले तो यार सारा प्यार बरस जाना चाहिए सेशन पे, बहुत अमेजिंग। पहले आपको थोड़ा सा क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ इस राइज अप सेशन का, जेई वन का राइज अप का सेशन है, इसका क्विक ओवरव्यू देख लो, बड़ा मजा आएगा। तो एसएचएम क्या होता है, कोई भी चीज ऐसे 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 करती है ना, हार्मोनिक मोशन, है ना, एक पीरियोडिक मोशन होता है, तो मल्टीपल लेवल्स ऑफ हार्मोनिक मोशन होते हैं। उसका सबसे सिंपल फॉर्म होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें फोर्स के एक्स के बराबर होता है, के एक्स की पार 3 भी हो सकता है, के एक्स की पार 5 भी हो सकता है, बट के एक्स होता है, के एक्स, है ना, जो स्प्रिंग का फोर्स होता है ना, के एक्स, वैसा अगर फोर्स है तो यार सिंपल हार्मोनिक मोशन उसको कहते हैं, ठीक है। सो दैट्स अबाउट इट। अब यार एसएचएम कौन सी चीजें करती है, हर वो चीज एसएचएम करती है जो ऐसे टू एंड फ्रो जाती है, और वो सिंपल हार्मोनिक मोशन, जैसे फॉर एग्जांपल, अब देखो यार, अब जब मैं बोलता हूं कि साउंड ट्रैवल कर रही है, मतलब यार आपका स्पीकर ऐसे ऐसे साउंड एयर मॉलिक्यूल्स को हिला रहा है, तो वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती, तो एयर मॉलिक्यूल जब हिलता है ना, तो वो आगे वाले को हिलाता है, फिर वो आगे वाला और आगे वाले को हिलाता है, तो यार ये ऐसे हिलते हिलते ये डिस्टर्बेंस यहां तक आती है और वो हमारे ईयर ड्रम को भी हिला देती है, और जब हमारा ईयर ड्रम हिल जाता है ना इनके हिलने की वजह से, तो हमें सेंसेशन होता है कि हाँ यार किसी ने कुछ बोला है, ठीक है। इज दिस क्लियर, ठीक है, समझ गए मेरी बात, आई होप दिस इज वेरी क्लियर बच्चों, आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर, मजा आ रहा है सबको। तो चलो यार ये बहुत अमेजिंग है कि विजुअलाइजेशन था, है ना, अब एयर मॉलिक्यूल्स दिखते नहीं तो दिखाना जरूरी है। अब यार चलो यार इस पे ना मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है वो इसी फिनोमेना पे है, है ना, वो इसी फिनोमेना पे है कि अगर मैं किसी एक आदमी को ऐसे फेंक दूं, प्लीज अंडरस्टैंड हम नहीं फेंकेंगे, ठीक है, बट प्लीज अंडरस्टैंड दिस, अगर कोई आदमी ऐसे टनल है, ठीक है, और मान लो कि यार यहाँ पे कोर मिसिंग है, नहीं तो वो जल जाएगा कोई भी, ठीक है ना, तो यार अगर एक इंसान ऐसे जा रहा है तो ऑब्वियसली बात है अर्थ के सेंटर तक उस पर एक फोर्स लगेगा, और ऑब्वियसली बात है जब वो इंसान यहां पहुंच जाएगा तो अर्थ के सेंटर पे यहां पे फोर्स लगेगा, इसका मतलब कोई भी अगर अर्थ के टनल में गिरता है तो इन दैट केस वो यहां तक एक्सेलरेट करेगा, फिर ये डीएक्सेलरेट करेगा, फिर वापस से रेस्ट पे आ जाएगा, तो ये ऐसे ऐसे करता रहेगा या नहीं करता रहेगा, मुझे बताओ। जब भी हम गड्ढे में गिरते हैं तो हम अर्थ के सेंटर की तरफ गिरते हैं, हर चीज अर्थ के सेंटर की तरफ गिरती है ना, ये हम सब अर्थ के सेंटर की तरफ गिरते हैं, इज दिस क्लियर। अगर यार यहां पे कोई कूदेगा तो अर्थ के सेंटर की तरफ गिरेगा, ठीक है, अर्थ के सेंटर की तरफ, तो यार अगर एक टनल बना देंगे तो आप यहां तक एक्सेलरेट करोगे और फिर इसके नीचे डीएक्सेलरेट करोगे, तो ऑब्वियसली बात है एक्सेलरेशन यहां पे जीरो एक्सेलरेशन, फिर अब अगेन अब आपकी स्पीड स्लो होगी, तो बेसिकली आप ऐसे टिंग 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 करते रहोगे। तो कितने सारे बच्चे अग्री करते हैं यार ये कुछ ऐसा होगा, कितने सारे बच्चे ये अग्री करते हैं ये सुपर कूल है या नहीं है, बताओ क्या ये सुपर कूल है या नहीं है, क्या ये अमेजिंगली कूल है। अब यार इन सब पे आएंगे, डोंट वरी, ये पूरा फिर से कराऊंगा मैं आपको एंड में,
तो जहां से शुरुआत करेंगे वहीं से एंड करेंगे। सो यार ये जो सुपर कूल चीज है इसको हम विजुलाइज करेंगे कि यार इट इज वेरी सिमिलर टू, आप अगर गिरते हो तो यार एक बहुत बड़ी स्प्रिंग यहां पे लगी हुई है और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे निकालते हैं। तो ये भी एक एसएचएम का इक्विवेलेंट होता है। कितने सारे बच्चों को मजा आ रहा है, ठीक है ठीक है, मजा आ रहा है, ऐसा होगा। पहले तो विजुलाइज करो थोड़ा बहुत, ये टू एंड फ्रो। सो बेसिकली आप इसको थोड़ा और बड़ा कर दिया दिखाने के लिए कि हाँ यार ये देखो एक स्प्रिंग वाला ही मोशन होगा, ये भी एक एसएचएम होगा। अगर कोई इंसान यहां से गिर जाएगा तो वो यहां तक गिरेगा, फिर वापस से अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, इज दिस क्लियर, मजा आ रहा है। कोई बच्चा लिख रहा है एवी लैग, एवी लैग है क्या, एवी लैग है क्या बच्चे, जल्दी से बताओ क्या कोई एवी लैग फील हो रहा है किसी को? इज देयर अ एवी लैग? ये रहा वन, ये रहा टू, ये रहा थ्री, बोलो सब सही है? ओके, एवी लैग नहीं है ना, ओके ऑसम ऑसम ऑसम। अरे हो सकता है कि तुम्हारा रिसेप्शन ऑफ लाइट एंड रिसेप्शन ऑफ साउंड में लैग हो यार, हो सकता है दिमाग की भी प्रॉब्लम हो सकती है मेरी जान। Just kidding यार, बुरा मत मानना। ओके अब जल्दी से देखो, अब जल्दी से देखो, अब दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी सिमिलर। अब अगर तुम्हें पता है मैंने पानी को थोड़ा सा ऐसे प्रेस किया तो ये ऐसे टिंग 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 करने लग जाएगा। तो बेसिकली यार ये जो सर्फेस है ना, फ्री सर्फेस एसएचएम करने लग जाएगी। यहाँ पे फ्री सर्फेस का एसएचएम, ये भी सवाल आज मैं लेके आया हूँ बेटा, है ना। तो वी विल डू दिस क्वेश्चन ऑल्सो। तो आज की क्लास फिर से सुपर कूल हो जाएगी, ये कहीं बीच में आएगा, ये भी हम करेंगे, ये वाला एग्जाम्पल भी हम करेंगे कि इसका टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे। बहुत प्यारा है, बहुत सिंपल है। एसएचएम में जो नाम है ना सिंपल हार्मोनिक मोशन, फालतू में इसको कॉम्प्लिकेट किया जाता है, इसको आपको मैथमेटिकली नहीं जबकि आपको विजुअली इसको सीखना पड़ेगा। क्या आपको सब कुछ मजा आ रहा है बच्चों, जल्दी से बताओ मजा आ रहा है यहां तक? मजा आ रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। और अगर आप हमारी J1 ऐप पे नहीं आए हो तो बताना चाहता हूं कि यार जो 15 सवाल सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड है इस बार, वो 15 सवाल तुम्हें आज के टेस्ट में मिलेंगे J1 ऐप में एज सून एज दिस क्लास गेट्स ओवर। हमारे JEE के सारे चैप्टर्स के टेस्ट वहां पे डल जाएंगे। ऑलरेडी 60 डल चुके हैं, 65 डल चुके हैं, 25 और बाकी हैं, 25 और बाकी हैं। वो 25 भी आज रात तक चले जाएंगे, आज रात या कल रात तक सारे पहुंच जाएंगे। तो JEE1 ऐप का पार्ट बन जाना, फ्री के टेस्ट पड़े हैं वहां पे, और G1 और जीनियस बैच भी वहीं पर हो रहा है, ठीक है। तो यार अब ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार इनमें एक बहुत गहरा तालमेल है। तो यार ये है एक UCM यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और यार ये है एक SHM, इनका क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? प्लीज अंडरस्टैंड, ये रिश्ता क्या कहलाता है? सर्कुलर मोशन और SHM में क्या अंतर है भाई, क्या अंतर है? ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मोशन है मेरी जान, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मोशन है। कॉम्प्लिकेटेड मोशन इसलिए क्योंकि यार देखो ये मीन पोजिशन है, यहां पे ना, यहां पे ये जो बॉक्स है सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगी इसकी, फिर ये धीमा होगा रुकेगा, है ना, ठीक है। तेज हुआ सबसे तेज, फिर रुकेगा, ब्रेक्स, एक्सेलरेट, फिर ब्रेक्स। तो मतलब घर पे भागते हैं, घर से दूर, मतलब देखो यहां पे स्कूल है, यहां पे ऑफिस है, ठीक है, जो भी समझ लो यार, है ना, ठीक है। तो बेसिकली जब हम घर के पास आते हैं तो भागते हुए आते हैं, है ना, घर से दूर जाते हैं तो थोड़ा धीरे जाते हैं, समथिंग लाइक दैट। सो इज दिस क्लियर? तो यार ये जो मोशन हो रहा है, ये वाला मोशन जो हो रहा है टिंग 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 टिंग, ये SHM है, ये UCM आपको ऑलरेडी आता है बेटा, UCM आपको ऑलरेडी आता है, ये एक पर्टिकुलर ओमेगा से हो रहा है, एक कांस्टेंट ओमेगा से हो रहा है, ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। अब यार यहां पे क्या क्या चीजें सिमिलर है, प्लीज अंडरस्टैंड क्या क्या चीजें सिमिलर है। अब अगर आप ध्यान से देखो यार, ये इसी की परछाई है, ये इसी की परछाई है, इसकी शैडो है बेटा, है ना, इसकी शैडो है। ये जो ग्रीन कलर की बॉल UCM कर रही है ना, इसकी शैडो अगर मैं यहां पे ले लूं, लेट्स यार यहां पे मैंने एक स्क्रीन लगा दी बेटा, है ना, यहां पे मैंने एक स्क्रीन लगा दी, तो यार ये इसकी शैडो है या नहीं है बताओ जल्दी से, है ना। शैडो SHM करेगी, मैं बोल सकता हूँ शैडो SHM करेगी, शैडो SHM करेगी, है ना, शैडो इसकी SHM करेगी बिल्कुल ऐसे ही। इज दिस क्लियर? कितने सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई है? जल्दी से बताओ, कैपेसिटर होगा यार, अब जल्दी से बताओ कितने सारे बच्चों को ये बात समझ में आ रही है, ठीक है ना, ये बातें समझ में आ रही है, बातें ये समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? तो इसका ओमेगा कॉन्स्टेंट है क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन है, ठीक है, तो इसका ओमेगा कांस्टेंट है। अब आपको एक और चीज पता होनी चाहिए यार, ओमेगा कांस्टेंट है, या मैं ये बोल सकता हूं इसका टाइम पीरियड और इसका टाइम पीरियड सेम है। टाइम पीरियड मतलब यार देखो, टाइम पीरियड मतलब जब ये यहां पे था यार, इसका पार्टिकल यहां पे था, ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड शैडो वाइज, जब ये यहां गया तो ये यहां गया, जब ये यहां गया तो ये यहां आया, है ना। तो यार मैं बोल सकता हूं जब ये एक गोला घूमेगा और वर्सेस जब ये एक बार ऐसे जाके फिर वापस आएगा, तो ये टाइम पीरियड सेम है, दोनों का टाइम पीरियड सेम है ना, दोनों का टाइम पीरियड सेम है मेरी जान। मैं इस एम्पलीट्यूड को ए बोल देता हूं, बुरा मत मानना, मैं इसको ए बोल देता हूं, और इसके रेडियस को मैं आर बोल देता हूं। तो यार इस शैडो के लॉजिक से मैं ये बोल सकता हूं, ये एम्पलीट्यूड इस रेडियस के बराबर है, इनका टाइम पीरियड बराबर है, इसका रेडियस इसके एम्पलीट्यूड के बराबर है, इसका रेडियस इसके एम्पलीट्यूड के बराबर है। क्या ये बात सही है बेटा, क्या ये बात सही है, जल्दी से बताओ क्या ये बात सही है। अब मैं एक और चीज बताना चाहता हूं बच्चों, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी
एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। फ्रीक्वेंसी देखो, टाइम पीरियड सेम है तो फ्रीक्वेंसी बराबर है इनके, इसकी फ्रीक्वेंसी अगर म्यू है तो इसकी भी फ्रीक्वेंसी न्यू है, ठीक है, दोनों की फ्रीक्वेंसी न्यू है, ठीक है, दोनों की फ्रीक्वेंसी एफ बी बोल सकते हो, वन बाय टी होता है ना फ्रीक्वेंसी। तो यार ये तो आपको पता ही है, आपको तो ये पता ही है यार कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है ना, फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट वन बाय टी, वन बाय टी, ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी विल बी ऑल्सो इक्वल टू, अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको ध्यान से देखना बेटा, इसको ध्यान से देखना, एंड फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो इक्वल टू ओमेगा बाय टू पाई, ठीक है, ओमेगा बाय टू पाई, ये सारे रिलेटेड है बेटा, ये सारे के सारे रिलेटेड है, देखो ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, अगर कोई भी एक बराबर होगा तो सारे बराबर होंगे। तो अब मैं ये भी बताना चाहता हूं, इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, वो इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इज दिस क्लियर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी बराबर ही होते हैं, दे आर रिलेटेबल थिंग्स, दे आर रिलेटेबल थिंग्स। वैसे मैं इसको ऐसे याद नहीं रखता यार, मैं इसको अलग तरीके से याद रखता हूं, मैं बोलता हूं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज एक एंगल मल्टीप्लाई करो 2 पाई रेडियन का और न्यू कर दो, मैं इसको ऐसे याद रखता हूं, तुम्हारी मर्जी, तुम कोई भी चीज याद रख लो, है ना, तुम कोई भी चीज याद रख लो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार ये फॉर्मूला आता कैसे है, ये सब आता कैसे, बहुत ही सिंपल सरल भाषा में समझाऊंगा, ठीक है ना। अब आपको पता है यार ये 2 पाई रेडियन है बेटा, आपको पता है यार ये 2 पाई रेडियन है, प्लीज अंडरस्टैंड मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, ये 2 पाई रेडियन है, तो मैं यार यहां पे एक सिंपल फॉर्मूला लगा सकता हूं क्या सर्कुलर मोशन का, है ना, दैट थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा इनटू टी, है ना, दिस इज वेरी सिमिलर टू डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, टाइम, ठीक है, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी, सबको पता है, ठीक है। तो मैंने बोला यार ये 2 पाई टी टाइम पीरियड में करेगा, तो आप सब बोल सकते हो हाँ ये बात तो सही है ना, एंगल एंगल ट्रेवल्ड इन टाइम पीरियड, है ना, एंगल ट्रेवल्ड इन टी इज़ इक्वल्स टू जीरो से टी इज़ इक्वल्स टू कैपिटल टी इज ओमेगा इनटू टी, ओ माय गॉड, ओ ये आ गया, ओके इसका मतलब तो यही हो गया ना, टी इज़ इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा, देखो सारे फॉर्मूले डिराइव हो गए, और टी को रख दो 1 बाई ओमेगा, 1 बाई न्यू, 1 बाई न्यू, तो ये सारे डिराइव हो गए। तो ये जो सारे फॉर्मूले होते हैं कैसे डिराइव होते हैं, है ना, आपने ऐसे किया थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी से, 2 पाई इनटू टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू योर ओमेगा, है ना, सॉरी 2 पाई, समझ गए ना, 2 पाई इज इक्वल्स टू ओमेगा इनटू टाइम पीरियड, इज दिस क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। ये समझना सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे एसएचएम में, ये चीज समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी बात समझ गए। अभी तक तो हम यहां तक खाली फील ले रहे थे कि हाँ ऐसा होगा, हाँ ऐसा भी होगा, ठीक है, फिर हमने बोला ओके फाइन, अब बहुत बहुत मस्ती हो गई है, अब बताना जरूरी है कि यूसीएम और एसएचएम में रिलेशन क्या होता है। इस चैप्टर को हम स्टार्ट ही नहीं करेंगे जब तक हम ये नहीं समझेंगे, क्योंकि तुम्हें पता है मैं नमो सर इसको मैथमेटिकली सॉल्व नहीं करते, बड़ा टफ लगता है मुझे मैथमेटिकली सॉल्व करना, मैं हमेशा इसको ऐसे ही सॉल्व करता हूं, है ना, मुझे अगर कोई बोलेगा ना, मुझे अगर कोई बोलेगा ना, ये एसएचएम के सबसे मुश्किल सवाल बच्चों को पता है कौन से लगते हैं, है ना, वो बोलते हैं कि यार अरे यार अगर एसएचएम में ना आप एक्स इज इक्वल टू जीरो से ए बाय टू जाओगे तो कितना टाइम लगेगा, मैं बोलता हूँ भाई भाई तू पागल है, ये क्यों कर रहा है, तो ये वाला क्वेश्चन कर, तो ये वाला क्वेश्चन कर, ये वाला टाइम निकाल ले, यूसीएम वाला टाइम निकाल ले, है ना, ठीक है, दिस इज व्हाट आई टेल देम। मैंने बोला यार अगर तुम्हें ये निकालना है कि ये है ना, ये अगर y इज इक्वल टू जीरो है, क्योंकि y एक्सिस में हो रहा है ना, तो उसको y इज इक्वल टू जीरो बोल दो, है ना, दिस इज y इज इक्वल टू a, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एसएचएम में कि यार, और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं जेई में भी कि यार अगर ये एसएचएम ऐसे 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 हो रहा है, तो एकदम से पूछेगा यार यहां से लेकर यहां तक का टाइम क्या है, और यहां से लेकर यहां तक का टाइम क्या है, ये लास्ट ईयर आया था, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था, प्लीज अंडरस्टैंड। और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कि यार यहां से यहां तक का टाइम और यहां से यहां तक का टाइम बराबर होगा, क्योंकि एसएचएम में ऐसा नहीं है, एसएचएम में यहां तक यहां दूर जाने पे ब्रेक्स लगते हैं, तो ये हाई स्पीड जोन है, ये लो स्पीड जोन है, तो ऑब्वियसली बात है इसमें कम टाइम लगेगा, इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, इज दिस क्लियर और नॉट, क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है एवरीवन, क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है, जल्दी से वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर दो सारे के सारे बच्चे, ठीक है। अब आपको पता है मैंने जब एसएचएम पढ़ा था तब मेरे को ये बात समझ में नहीं आई थी कि यार ये तो हमें दिखता है रियल लाइफ में भी, कितने सारे बच्चों ने अपने शेवर, है ना, लड़के लड़कों को ज्यादा पता होगा, लड़कियों को मतलब लड़कियां थोड़ी शेव करती हैं, बट लड़के शेव करते हैं, ट्रिम करते हैं, है ना, ठीक है, लड़के ट्रिम करते हैं, है ना, दाढ़ी ट्रिम करते हैं, तो कितने सारे लड़कों ने अपने ट्रिमर के साथ खेला है, मतलब खेला मतलब इन द सेंस कि तुमने उसको खोल के देखा है ना, ट्रिमर को खोल के देखा है कि हाँ यार अंदर ऐसी मोटर होती है, कितने सारे लोगों ने ऐसा किया है, सच बताओ कितने सारे लोगों ने ऐसा किया है। तो अगर आप देखोगे ये जो मोटर है, ये देखो यार यहां पे यूसीएम कर रही है, बट इसके कुछ मैकेनिकल डिजाइन की वजह से ये वाला पार्ट एसएचएम कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि दोनों रिलेटेबल नहीं होते और तुमने देखे नहीं है, तुम्हें दिख रहा है कैसे ये यूसीएम यहां पे एसएचएम करा रहा है, कैसे ये एसएचएम है ना, यूसीएम एसएचएम करा रहा है, आपकी गाड़ी भी ऐसी चलती है,
आपकी गाड़ी ऐसे चलती है जब ऐसे, आप देखो एवरीथिंग मैकेनिक्स बहुत ज्यादा सिंपल है, अगर तुम हम कॉम्प्लिकेट करते हैं। अब अगर आपको कोई बोलेगा मुझे कि एसएचएम कराना है ब्लेड को, बहुत सारे लोग सोचेंगे मैंने इसमें कंप्यूटर डाला, एक सेकंड यहां जाएगा, फिर एक सेकंड यहां आएगा, आधा सेकंड यहां जाएगा, आधा सेकंड यहां आएगा, ये तो कितना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। मैं बोलूंगा नहीं 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 यूसीएम कराओ, यूसीएम से हम बना लेंगे एसएचएम। और गाड़ी बोलती है, गाड़ी का इंजन बोलता है कि नहीं मैं पिस्टन ऐसे 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 होगा, तो यार उससे पहिया ऐसे ऐसे मूव करेगा। सिंपल एग्जाम्पल समझा रहा हूं, कितने लोगों को समझ में आई बात, कितने सारे लोगों को ये बात समझ में आई कि कितना ब्यूटीफुल है। जल्दी से बताओ, अरे यार मजा नहीं आ रहा मुझे इस क्लास में यार, कोई एनर्जी नहीं है कोई, यार चैट रेट देखो तुम्हारी, चैट जा नहीं रही तेज, ठीक है, और तुमने हार्ट्स तो दिए ही नहीं अपने टीचर को यार, ये मतलब मेरे को इतनी मेहनत करनी नहीं थी यार, मेरे को इतनी मेहनत करनी नहीं थी, मैं तो रादर शेव करने चला जाता, मैंने शेव नहीं की तुम्हारे चक्कर में, क्योंकि मैं समझाना चाहता था कि यार ये होता है इसमें, ठीक है। इज दिस क्लियर और नॉट, इज दिस क्लियर और नॉट, मजा आया। चलो एक काम करता हूं मैं, है ना, मैं तुम्हें दिखाता हूं आज, है ना, लेट मी एक्चुअली शो यू शेव, और कुछ नहीं, रुको एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन, मैं अपना फेवर लेके आता हूं और तुम्हें दिखाता हूं, आज आज बहुत कुछ होने वाला है, एक मिनट। हाँ ओके, सो एवरीवन देखो मैं दो टाइप के शेवर लाया हूं यहाँ पे, ध्यान से देखना, ठीक है, बहुत गंदा हो रहा है, ठीक है, तो माफ करना मुझे, ठीक है। तो पहले ये वाला शेवर देखते हैं, तो यार जब आप इसमें देखो थोड़ा क्लोजली मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, एवरीवन प्लीज लुक एट दिस वेरी वेरी क्लोजली, ठीक है। तो यार ये मेरा शेवर है, ठीक है, ये देखो ये शेवर है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे खोल देता हूँ, प्लेट हटा देता हूँ, तो आप लोगों को क्या ये बात दिख रही है यहाँ पे, है ना, एक मिनट रुको, क्या ये चीज दिख रही है कि इसमें एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है, नहीं दिख रही है। तो मैं काम करता हूँ, मैं इस पर फ्लैश मारता हूँ थोड़ा सा, है ना, फ्लैश मारता हूँ, इसको ध्यान से देखना, ठीक है, मैं इस पर ऐसे फ्लैश मारता हूँ, ठीक है, एवरीवन प्लीज सी दिस, है ना, मैंने इस पर फ्लैश मारा, दिख रहा है, ये देखो सर्कुलर मोशन कर रहा है, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, है ना, ये थोड़ा सा सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये यहाँ पे थोड़ा सा इस पे लाइट फेंकी, देखो हाँ ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, देख रहे हो, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, और इसकी मेक कुछ ऐसी है, इसकी मेक कुछ ऐसी है कि फिर इसके बाद ये वाली ब्लेड ऐसे ऐसे मूव करती हैं, है ना, ठीक है, लेट मी ट्राई टू शो यू, ओके, इसमें थोड़ा कम दिखाई देगा, ठीक है, बट अब रुको रुको, दूसरा दूसरा शेवर दिखाते हैं तुम्हें, है ना, ठीक है। सो बेसिकली इफ यू लुक एट दिस शेवर, अब अगर तुम इसको देखोगे, एवरीवन प्लीज सी दिस, देखो ये, हाँ दिख रहा है, ये देखो देखो दिख रहा है, अमेजिंग, ये देखो शेवर की मोटर ऐसे चलती है, शेवर की मोटर ऐसे चलती है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इसकी मेक कुछ ऐसी होती है, प्लीज रुको यार ये थोड़ा ज्यादा गंदा हो रहा है, तो मैं ऐसे दिखा नहीं सकते, ठीक है, हाँ एवरीवन प्लीज, यहाँ इसको थोड़ा साफ कर दिया मैंने, तो अब आपको ये समझाता हूं कि जब मैं ये देखो यहाँ पे यूसीएम कराता हूँ, इसका यूसीएम कराता हूँ, तो यार ये एसएचएम करेगा, ठीक है, अब इसको एसएचएम करते हुए देखेंगे, तो इसको वापस से लगाते हैं इसमें, ओके भाई लग जा, तोड़ तो नहीं दिया मैंने, हाँ हाँ नहीं रुक रुक लग रहा है, हाँ तो ये लगा दिया, अब देखो ये वाला पार्ट एसएचएम करेगा, ये वाला पार्ट नहीं, ये वाला ऊपर वाली ब्लेड देखो एसएचएम करेगी, दिख रहा है, ये देखो एसएचएम। मैं यही बोल रहा था कि कितने लोगों ने इसके साथ खेला है, समझे, ऐसे खोल के देखा है, देखो हम लोग तो यार बिल्कुल करते रहते, तो मैं यार ये दिखाना चाहता था एक रियल टाइम एग्जांपल, मतलब जहां पे तुम ये ना बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अब तुम लोगों को, आर यू अ बेटर ह्यूमन बींग, जल्दी से बताओ, आर यू अ बेटर ह्यूमन बींग, सारे के सारे बच्चे मुझे बताएंगे आर यू अ बेटर ह्यूमन बींग इसके बाद, ठीक है। तो मैंने यार एक्चुअली तुम्हें दिखाई दिया है ना, मैंने ये प्लान नहीं किया था, टू बी ऑनेस्ट ये प्लान नहीं किया था, ठीक है, नहीं तो मैं अपने शेवर्स को थोड़ा साफ करके आता, बाल ही बाल हो रहे थे उसमें, ठीक है, ओके, इज दिस क्लियर। इसीलिए मैं बोल रहा था लड़कों को तो पता ही होना चाहिए इसके बारे में, लड़कों को तो पता ही होना चाहिए, वो शेवर के साथ बहुत इधर उधर तोड़ते फोड़ते रहते हैं, तो इज दिस गुड, मजा आया। तो अब आपको समझ में आ रहा है, सर्कुलर मोशन से आप ऐसा एसएचएम भी क्रिएट करा सकते हो, और एसएचएम से आप यूसीएम भी करवा सकते हो, तो तू समझे, समझ गए तुम यार, ठीक है, समझ गए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें समझना पड़ेगा ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड है बेटा, है ना, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड है, एसएचएम और यूसीएम बहुत ही ज्यादा इंटर रिलेटेड है, इनको आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा इंटर रिलेटेड है।
और कैसे हैं कि यार ये एक यूसीएम हो रहा है बेटा, ये एक यूसीएम हो रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और यार ये यहां पे एक सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है। तो यार एवरीवन प्लीज सी अगेन, यहां पे फिर से देखिए। तो यार अगर मैं ये बोलता हूं कि यार अगर मैं यार यहां से लाइट फेंक रहा हूं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, अगर मैं यहां से लाइट फेंक रहा हूं, ठीक है, वैसे आप जनरली इसकी शैडो एक्स वाई एक्सेस पे ले लेते हो, एक्स एक्सेस पे ले लेते हो, वाई एक्सेस पे लेना बेस्ट होता है क्योंकि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हमेशा यहां से स्टार्ट होता है, हमेशा ध्यान रखना हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हमेशा यहां से स्टार्ट होता है, टी इज इक्वल्स टू जीरो से आप पार्टिकल को बोलते हो यार यहां से, और इसमें ये एस एच एम का भी वाई इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, एस एच एम का भी ये वाई इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, कितने सारे बच्चे ये बात समझ गए? ठीक है, कितने सारे बच्चे ये बात समझ गए? तो ये अरीना ऑफ एसएचएम है, इसको बना देते हैं अरीना, अखाड़ा जहां पे एसएचएम हो रहा है, खच 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 खच। और आप देख सकते हो यार इसका भी जो एम्पलीट्यूड है, इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं ना, दिस इज मीन पोजीशन, ये एम्पलीट्यूड है, ये भी एम्पलीट्यूड है, सो दिस इज ऑल्सो ए, दिस इज ऑल्सो ए, दिस एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू द रेडियस। मैंने क्या बोला था, इसका एम्पलीट्यूड इसके रेडियस के बराबर है, दोनों का टाइम पीरियड बराबर है, इसका एक गोला, इसका एक एसएचएम का, ये देखो यहां गया यहां गया वापस आया, इसका भी एक साइकिल, इसका एक साइकिल और इसका एक साइकिल सेम टाइम में हो रहा है, दिख रहा है, इसका टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड बराबर, इसका टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड बराबर, इसका एम्पलीट्यूड तो इसका रेडियस, और एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड बराबर है, तो मैंने क्या बोला था, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं, तो इसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी है वो इसकी भी टाइम पीरियड सेम है, तो इसकी भी, इसका भी दोनों सेम होगा। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी सर्कुलर मोशन में, देखो सर्कुलर मोशन में जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है ना, वही उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी होती है, वही उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी होती है, ठीक है, वही उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी होती है। इतनी सी चीज याद रहेगी, इतनी सी चीज याद रहेगी या नहीं रहेगी? और अगर मैंने लेट्स यार यहां पे स्क्रीन बना देता है ना, अभी इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, स्क्रीन बना देता, तो ये जो शैडो एसएचएम करती है यहां पे, है ना, इसकी शैडो है ना, शैडो एसएचएम करती है, यूसीएम वाले की जो शैडो है कि जब ये यहां पे होता तो शैडो यहां होती, समथिंग लाइक दैट। अब देखो ध्यान से, जब ये यहां से यहां जाता है, जब ये यहां से आ जाता है तो ये यहां से आ जाता है, जब ये यहां से आ जाता है तो ये यहां से आ जाता है, जब ये यहां से आ जाता है तो ये यहां से आ जाता है। इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर? क्या ये चीज एब्सोल्युटली क्लियर है बेटा? तो यार ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूसीएम और एसएचएम में जो सबसे मुश्किल सवाल होते हैं ना, वो ऐसे ही बनते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूं, अब कॉम्प्लिकेटेड सवाल एसएचएम में क्या बनते हैं वो बाद में देखेंगे, बट आपके लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी अभी आपको बताया। इसका रेडियस ऑफ सर्कल और इसका एम्पलीट्यूड बराबर होता है, इसका रेडियस ऑफ द सर्कल और इसका एम्पलीट्यूड बराबर होता है, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसका फेज होता है, फेज एक अलग चीज होती है, एक अलग ही कहानी है। अब मैं फेज भी समझा देता हूं, फेज इज नथिंग बट द एंगुलर पोजिशन, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जब ये पार्टिकल बेटा, ये पार्टिकल यहां से यहां जाता है, बताओ ये आज तक का मेरा सबसे बेस्ट लेक्चर है या नहीं? और वन शॉट में मैं बहुत कम टाइम में तुम्हें वो सारी चीजें बता दूंगा जिससे तुम्हारे सारे सवाल बन जाएंगे, ठीक है ना। और अगर कोई कसर रह जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीवन दान है तुम्हारे पास, तुम्हारे पास जीनियस बैच है, तुम्हारे पास जीवन बैच है, ठीक है। अब आप यहां से यहां तक आए, और अगर आपको लगे कि हिंदुस्तान का बेस्ट कॉन्टेंट है तो ही आना, ठीक है। एवरी वन प्लीज हैव अ लुक एट दिस। अगर मैं यहां से यहां जाता हूं तो मैं बोलता हूं यार ये मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, मैं इसको फेज बोल देता हूं, मैं इसको फेज बोल देता हूं, मेरी जो एंगुलर पोजीशन है उसको मैं फेज बोल रहा हूं यहां पे, उसको मैं फेज बोल रहा हूं। चलो उस लॉजिक से मेरी जान, उस लॉजिक से यार ये तो फाइव इज इक्वल टू जीरो हो गया, ये फाइव इज इक्वल टू जीरो हो गया, और ये जो एस एच एम है बेटा, है ना, ठीक है, यहां पे जो एस एच एम हो रहा है, ठीक है, ध्यान से देखो यहां पे जो एस एच एम हो रहा है, ठीक है, मैंने एस एच एम का एक अरीना थोड़ा साइड में बना दिया। तो मैं बस यही बताना चाहता हूं बच्चों, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, जब ये पार्टिकल यहां पे था तो ये यहां पे था, तो ये इसका ये वाला एस एच एम हो रहा है, ठीक है, ये यहां से यहां वापस आ रहा है, ठीक है। तो मैं यही बताना चाहता हूं, एंगुलर पोजीशन की मतलब समझना, एंगुलर पोजीशन का मतलब समझना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, जब ये y इज इक्वल टू जीरो पे है तो ये फेज, इसकी एंगुलर पोजीशन जीरो एंगल पे है ना, ठीक है। मान लो प्लीज मान लो कि यार ये अभी थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्रीज पे, पार्टिकल थीटा इज इक्वल टू, हमेशा हमेशा एस एच एम में वाई में कराता हूं, मैं एक्स में नहीं कराता, बहुत सारे बच्चे इसको एक्स से लर्न कर लेते हैं, गलत है, एक्स से मत लर्न करो, हमेशा वाई से लर्न करो, हमेशा यूसीएम ऐसे स्टार्ट कराओ, ऐसे स्टार्ट कराओगे तो वाई जीरो होगा, और तुम्हें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर सेकंड क्वाड्रेंट, फिर थर्ड क्वाड्रेंट, हमेशा एंगल यहां से मेजर करते हैं, हमारी आदत है ऐसे करना, है ना, हमारी आदत है, ट्रिग्नोमेट्री में भी यही सिखाया जाता है। तो ये एंगुलर, ये है एंगुलर पोजीशन जीरो डिग्रीज। तो कभी कभी हम बोलते हैं ना फेज ऑफ एसएचएम क्या है, फेज ऑफ एसएचएम, कभी कभी ये सवाल आता है ना, व्हाट इज द फेज ऑफ एसएचएम, तो वही बताना चाहता हूं, ये है फाइव इज इक्वल टू जीरो वाली पोजीशन, है ना, ये है फाइव इज इक्वल टू जीरो वाली पोजीशन, लेट्स से ये वन है, ये वन है, उसके बाद ये पार्टिकल लेट्स से यार यहां आ जाता है ना, ये पार्टिकल यहां आ जाता है, अब ये 90 डिग्रीज पे है, मतलब इसकी शैडो यहां पे है ना, तो इसको टू लिख दो, यहां पे फाई क्या हो जाएगा बेटा, 90 डिग्रीज या पाई बाय टू,
है ना, 90 डिग्रीज या पाई बाय टू, तो ये वाली पोजीशन होती है फेज में, फेज में भी बोल सकता हूं, है ना। अपना एसएचएम अभी फेज जीरो पे है, है ना, फेज 90 डिग्रीज पे है। अब देखो 90 डिग्रीज मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीम है ना, अगर यहां से स्टार्ट किया तो 90 डिग्रीज पॉजिटिव एक्सट्रीम है। उसके बाद जब ये पार्टिकल यहां आ जाता है, प्लीज अंडरस्टैंड, ये पार्टिकल यहां आ जाता है ना, ठीक है, इसको फालतू में बच्चे रटते हैं, ठीक है। इफ इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन इट इज जीरो डिग्रीज, इफ इट इज गोइंग टुवर्ड्स द ओरिजिन देन इट इज पाई और 180 डिग्रीज। अब आप देखो इसकी एंगुलर पोजिशन क्या होगी बेटा, यहां पर ये 3 कर दो इसको, इसकी एंगुलर पोजिशन होगी पाई, है ना, जीरो से पाई 180 डिग्रीज। तो ये वाली एंगुलर पोजिशन क्या होगी बेटा, ये वाली एंगुलर पोजीशन होगी पाई 180 डिग्रीज, जीरो 90 डिग्रीज 180 डिग्रीज। फिर जब ये यहां पे आएगा तो ऑब्वियसली बात है ना, यहां से लेकर यहां तक 270 डिग्रीज। तो जब ये इसका पार्टिकल यहां पे होगा, लेट्स कॉल दिस फोर, लेट्स कॉल दिस आल्सो फोर्थ पोजीशन, यहां पे मैं बोलूंगा फाई इज इक्वल्स टू 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 या 270 डिग्रीज जो भी होता है ना, ठीक है, 3 पाई बाय 2। और फिर ये वाला पोजीशन हो जाएगा 2 पाई, वापस से जब ये सेम आ जाएगा 2 पाई की साइक्लिसिटी होती है, 2 पाई जीरो के बराबर ही हो जाता है, 360 डिग्रीज इज अगेन बैक टू जीरो। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर, क्या ये बातें क्लियर हैं, क्या ये बातें क्लियर है, क्या ये बातें क्लियर है? क्योंकि देखो जो एसएचएम के सवाल होते हैं ना, कभी कभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एसएचएम में कि दो एसएचएम हो रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, कभी कभी ऐसे सवाल आते हैं दो एसएचएम हो रहे हैं सेम एम्पलीट्यूड के, सेम फ्रीक्वेंसी के, सेम एम्पलीट्यूड के सेम फ्रीक्वेंसी के दो एसएचएम हो रहे हैं, कभी कभी ऐसे सवाल आते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि दोनों पार्टिकल्स है ना ओरिजिन में जब मिलते हैं तो यार ये यहां जा रहा होता है और यार ये वाला यहां पे जा रहा होता है जब ये मिल रहे होते हैं, तो यार ये पार्टिकल्स ऐसे ऐसे एसएचएम नहीं कर रहे, ये बल्कि ऐसे ऐसे एसएचएम कर रहे हैं ना, दिस इज ऑपोजिट फेज, ऑपोजिट फेज हमेशा फेज डिफरेंस ऑफ पाई होता है, फेज डिफरेंस ऑफ पाई होता है। तो अगर ये पार्टिकल यहां जा रहे, कभी कभी ऐसे सवाल आते हैं कि ये जब मीन पोजीशन पे मिले तो यार ये यहां जा रहा था ये यहां जा रहा था, इसका मतलब यार ये कौन से फेज में, जल्दी से बताओ, ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, अभी पार्टिकल यार यहां पे ऊपर जा रहा था, ये ऊपर जा रहा था, तो ऑब्वियसली बात है इसका फेज जीरो डिग्री लिख दो आप, है ना, आप बोलो यार इसका फेज क्या है, जीरो डिग्री इसका फेज आप लिख दो, क्योंकि देखो ये नीचे जा रहा है तो यार ये वाला पार्टिकल भी नीचे जा रहा है शेडो में, तो आप बोलोगे इसका फेज है पाए, ऑब्वियसली दिख रहा है कि इनका फेज डिफरेंस पाए है, फेज डिफरेंस पाए मतलब ऑपोजिट फेज, साथ में मतलब फेज इज इक्वल टू जीरो। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज मैंने बहुत आसान तरीके से समझाई है, और मैं जानता हूं भी बहुत सारे बच्चे मुझे दुआएं दे रहे होंगे क्योंकि आपने इस चीज को रटा था, क्योंकि मैंने भी अपने टाइम में इस चीज को रट लिया था, क्योंकि इतना अच्छा लगता था रटना यार, है ना, कॉस पाई इज माइनस वन ऑपोजिट हो जाते हैं ये वो, कितने बच्चों को अच्छा लग रहा है कि फेज और ये सारी चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है। एंगुलर स्पीड ऑफ सर्कुलर मोशन, इसका एंगुलर स्पीड, इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना, क्योंकि सर्कुलर मोशन का भी तो कुछ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी तो एक पीरियोडिक मोशन है, उसका भी तो टाइम पीरियड है, उसका भी तो फ्रीक्वेंसी है, उसका भी तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो अगर दोनों का टाइम पीरियड सेम है तो दोनों का एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम होगा, और इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसके एंगुलर वेलोसिटी के बराबर ही तो होता है। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है बच्चों, जल्दी से बताओ मजा आ रहा है, इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर? अब हम ये डिराइव करेंगे, मैं आपको बता देता हूं यार, ये जो आपको रटा दिया जाता है कि y = a sin omega t, ये फॉर्मूले कैसे आते हैं, अब मैं आपको ये एक सेकंड में ये डिराइव कराऊंगा वन शॉट। इसका मतलब ये नहीं कि ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, अब सवाल करते हैं, मैं तुम्हें जेई के सवाल कराऊंगा, जेई मेंस और एडवांस के सवाल कराऊंगा, और इतनी आसानी से कराऊंगा कि मजा आ जाएगा। सो यू आर ऑल्सो गोइंग टू एंजॉय द सेशन, आपको ये नहीं लगेगा कि आप जेई लेवल का, इंस्टेंट मैं तो चैलेंज करता हूं, अगर कोई नीट का बच्चा भी है ना तो वो भी अटेंड करे, उसको यहां पे ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे कल मैंने इंस्टाग्राम लाइव किया था, वहां पे एक बच्ची आई थी, उसका नाम था खुशी, वो एक्चुअली नीट एस्पिरेंट है, वो हमें फॉलो करती है, जेई को फॉलो करती है फॉर फिजिक्स, तो आप देख सकते हैं यार ये पावर है हमारे कंटेंट की, ठीक है। अब जल्दी से देखो, अब ध्यान से देखो, इक्वेशन ऑफ एसएचएम, इक्वेशन ऑफ एसएचएम का क्या मतलब है, इक्वेशन ऑफ एसएचएम का मतलब ये है सर कि जब ये ऐसे 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 जा रहा है तो आपको ये बात तो पता ही है, नमो सर आपको ये बात तो पता ही है कि यार ये वाला पोजिशन है, ये जब पार्टिकल यहां पर वाई इक्वल टू जीरो है, ये पोजिशन, ये वाला पोजिशन क्या है, वाई इक्वल टू प्लस है, ठीक है, ये वाला पोजीशन क्या है सर, ये है y is equals to minus है, तो चलो आपने y एक्सिस पे लिख दिया, वेरी नाइस, है ना, और ये एक सर्कुलर मोशन, तो मैंने बोला कि मैं यहां पे दोनों चीजें कराता हूं, तो मैंने बोला कि मैं यहां पे दोनों चीजें कराता हूं, मैं ग्रीन से यूसीएम करा रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने बोला मैंने ग्रीन से यूसीएम कराया, ग्रीन से मैंने यूसीएम कराया, और जो रेड है बेटा, है ना, जो ये रेड है यहां से यहां आया, ठीक है, जब ये यहां पे था और जब ये यहां पे था, ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जब ये, तो ये रेड से मैं करा रहा हूं एसएचएम, रेड से मैं करा रहा हूं एसएचएम, ये यहां से यहां गया, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है, ये जब यहां से यहां गया एसएचएम में, ये यहां से यहां गया, तो रेड से मैं दिखा रहा हूं एसएचएम, रेड से मैं दिखा रहा हूं एसएचएम, स्पेस को बचाने के लिए मैंने वहां पे स्क्रीन नहीं बनाई,
स्पेस को बचाने के लिए मैंने वहां पे स्क्रीन नहीं बनाई, मैंने तो बस ये बोला कि मैंने यहां से रेड लाइट फेंकी तो यहां पे रेड शेडो बनी, और बेसिकली मैंने बोला यही मेरा स्क्रीन है, मैंने बोला ये वाई एक्सिस ही मेरा स्क्रीन है, वाई एक्सिस को ही मैंने स्क्रीन लिया, तो इसका मतलब जब पार्टिकल यहां पे आएगा तो मैं लाइट यहां से फेंक रहूंगा, पार्टिकल जब यहां पे आएगा तो मैं लाइट यहां से फेंक रहूंगा। कितने सारे लोगों को ये बात विजुअलाइज हो गई, कितने सारे बच्चों का दिमाग चमक चुका है यहां पे, इज दिस क्लियर? तो आप जब यहां से लाइट फेंक रहे हो मेरी जान, जब आप यहां से लाइट फेंक रहे हो मेरी जान, आप देख रहे हो कि यार ये पार्टिकल का शैडो यहां बना, जब ये यहां आया तो इस पार्टिकल का शैडो यहां बना, मैंने एक गलती कर दी, ये यूसीएम है तो उसको ग्रीन में बनाओ, पार्टिकल ग्रीन कलर का, लाइट में रेड फेंक रहा हूं, है ना, रेड लाइट ग्रीन लाइट, आओ नाचो मेरे साथ, क्या था, आओ खेलो मेरे साथ, है ना, ठीक है, एग्जैक्टली दैट। तो ये ग्रीन पार्टिकल यहां पे रेड शैडो मार रहा है या जो भी शैडो मार रहा है, ठीक है ना, तो आपको पता है शैडो एसएचएम कर रही है और ये यूसीएम कर रहा है, बहुत ही सिंपल बात है। अब इसको मैं कहता हूं जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ये कौन सा एसएचएम है मेरी जान, ये वो एसएचएम है जो यहां से स्टार्ट नहीं हो रहा है ना, एसएचएम में हमेशा ना स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम देखा करो एसएचएम में, है ना, ये मीन पोजीशन होती है, वाई इज इक्वल टू जीरो, ये मीन पोजीशन होती है, तो आप बोलोगे खच 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 ये एसएचएम हो रहा है, एसएचएम हो रहा है, और आप बोलोगे ये यूसीएम हो रहा है, ये दोनों साथ में हो रहे हैं, देखो ये साथ में हो रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आती है, शेवर में भी दिखा दिया, बट आप ये मुझे बताओ कि यार इसमें मैं ये कैसे निकालूंगा, इसका डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैसे निकालूंगा, इसकी पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैसे निकालूंगा, क्योंकि आपको ये बात तो समझ में आ गई ना, ये एक साइनोसॉइडल कर्व होगा। मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं एक पार्टिकल को एसएचएम करा रहा हूं, प्लीज एक बात सुनना, अगर मैं एक पार्टिकल को एसएचएम करा रहा हूं, मैं ऐसे हाथ को एसएचएम ऐसे 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 करा रहा हूं, और तुम यार यहां पे पन्ने को ऐसे ऐसे, ये जो पन्ना है ना, यहां पे एक पेज है जिसको आप ऐसे एक वेलोसिटी वी से हिला रहे हो, तो आपको नहीं लगता कि इसकी वजह से एक ऐसी लाइन बन जाएगी, ठीक है, आपको ये बात मानते हो साइनोसॉइडल कर्व बन जाएगा, अगर मैं ऐसे एसएचएम कर रहा हूं और आपने बोर्ड को हिला दिया तो ऐसा कुछ बन जाएगा, ऐसा ट्राई कर सकते हो, अपनी बहन को बोलना कि वो एक है ना एक पेपर को ऐसे खींचती रहे और तुम ऐसे 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 करते रहो, ये साइन वेव बन जाएगी। अभी साइनोसॉइडल कर्व कैसे आता है वो सारी चीजें देखेंगे, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही रिलेटेबल है, मैं प्रॉमिस करता हूं। अब इसको ध्यान से देखो मेरी जान, ठीक है, नाउ हैव अ लुक एट दिस, ये जो y है ये पोजीशन ऑफ SHM है, इसको मैं बोल रहा हूं कि यार एट टाइम t इज इक्वल टू t, इसका मतलब ये है कि यार ये t इज इक्वल टू जीरो था, और ये t इज इक्वल टू t था, तो यार अब अगर ये ओमेगा से मूव कर रहा है, लेट्स से यार ये ओमेगा से मूव कर रहा है, इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ यूसीएम इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ, वो उतना डिटेल में मत जाओ, बस इतना सा बताओ t टाइम में ये ओमेगा t ट्रेवल करेगा नहीं करेगा, t टाइम में जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा थीटा ओमेगा t के बराबर होगा, ओमेगा t है ना, जीरो से t सर्कुलर मोशन ऐसे जाएगा। अब आपको बेसिकली ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है, अब ये वो वाला SHM नहीं था जो यहां से स्टार्ट हुआ था, ये वो वाला SHM है जो यहां से स्टार्ट हुआ था। अब जरूरी थोड़ी है कि जो SHM की आप बात कर रहे हो वो हमेशा अपनी मीन पोजीशन से स्टार्ट करे, है ना, ऐसे 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 स्टार्ट कर सकता था यहां से, बट यार मैं बोल रहा हूं नहीं, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला SHM यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, समझे मेरी बात, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, हो सकता है यार, क्यों नहीं हो सकता है, उसकी इनिशियल पोजीशन कुछ और थी, इज दिस क्लियर भाई, इज दिस क्लियर? मैं बोलूंगा कि ओके फाइन, दिस इज मीन पोजीशन, SHM करो, खच 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 खच, है ना, ये मीन पोजीशन है ना, ऐसे SHM करा रहा हूं मैं, हो रहा है SHM, देखो मेरे हाथ का SHM हो रहा है, बट मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि नहीं, अब मैं यहां से नहीं स्टार्ट कराऊंगा, अब मेरा मन है मैं यहां से स्टार्ट कराऊं, तो मैं ऐसे ऐसे स्टार्ट करा दिया, ठीक है, तो वही वाली बात है, इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन, ठीक है, समझ गए। अब मैं ये पोजीशन कैसे निकालूंगा भाई, बहुत ही ज्यादा सिंपल है ये पोजीशन निकालना, कैसे निकालूंगा मैं, मुझे पता है यार ये मेरा वाई है, तो मुझे पता चल गया यार ये भी वाई है, ये जो लेंथ है ये भी वाई है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, और इसका एम्पलीट्यूड ए है क्योंकि रेडियस ए के बराबर है, ठीक है, क्योंकि रेडियस आपका ए के बराबर होता है ना, यूसीएम का रेडियस इसके एम्पलीट्यूड के बराबर होता है, तो ऑब्वियस सी बात है, इन दैट केस मैं आसानी से देख सकता हूं कि यार वहां पे एक ट्राइंगल बन गया है मेरी जान, यहां पे एक ट्राइंगल बन गया, ये एंगल क्या है, इनिशियल पोजीशन फाई ओमेगा टी प्लस फाई, इसको मैं लिख दूंगा ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है, ओमेगा टी प्लस फाई लिख दिया मैंने, अब बस ट्रिग्नोमेट्री है, साइन का फंक्शन लिख दो, हो गया, है ना, ये आपका वाई है, आपको ये निकालना था, और ये ए है, ये निकालना था, साइन ऑफ दिस एंगल इज वाई बाय ए, ठीक है, या आप सिंपली ऐसा कर सकते हो कि एवरीवन प्लीज सी, या आप सिंपली ऐसा कर सकते हो कि वाई इज इक्वल्स टू, है ना, आपको पता है ये ए कॉस थीटा होता है ना, कोसाइन स्टिक्स,
आपको पता है यार, इफ दिस इज ए, दिस इज ए कॉस, ए कॉस एल्फा, लेट्स कॉल दिस एंटायर एंगल एज एल्फा, ए कॉस एल्फा, दिस इज ए साइन एल्फा, सो ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। बताओ कितने सारे बच्चों को मजा आया, कितने सारे बच्चों को मजा आया। इनिशियल एंगुलर पोजीशन इज द इनिशियल फेज ऑफ एसएचएम। तो आपने बोल दिया कि एसएचएम की इक्वेशन है, खाली विजुअली आपने लिख दिया, आपने रटा नहीं, आपने खाली विजुअली लिख दिया ये इक्वेशन, आपने खाली विजुअली लिख दिया ये इक्वेशन, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है नमो सर, इसको विजुअलाइज कराओ, नमो सर इसको विजुअलाइज कराओ, है ना, मैथमेटिकली थोड़ा कंफर्टेबल कराओ। ये तो आपने क्या लिख दिया सर, इसका इसका क्या मतलब है, इसके क्या मायने है? चलो मैं बताता हूं इसके क्या मायने है। आप लिखो y is equals to minus a, ये वो अखाड़ा है जहां पे SHM हो रहा है, खच 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 खच, है ना, ठीक है। So this is y is equals to zero, ठीक है, this is y is equals to minus a, this is y is equals to plus a, ठीक है, थोड़ा comfortable कराता हूँ इस equation के साथ। तो इसका मतलब ये है कि जब आप t is equals to zero की बात कर रहे हो, है ना, जब आप t is equals to zero की बात कर रहे हो, तो a sin phi which will be less than a, तो मतलब यहाँ पे कहीं है पार्टिकल, है ना, यहाँ पे कहीं है पार्टिकल, ठीक है, एट y is equals to a sin phi, a साइन फाइव पे पड़ा हुआ है पार्टिकल एट t इज इक्वल टू जीरो, t इज इक्वल टू जीरो पे, t को जीरो डालूंगा तो y की पोजीशन क्या आ जाएगी, a साइन फाइव। ये तो मुझे दिख भी रहा था, t इज इक्वल टू जीरो पे ये यहां पे पड़ा हुआ था, t इज इक्वल टू जीरो पे ये तो a के बराबर है, तो ये a cos phi, a sin phi, वेक्टर्स में सीखा ना, कोसाइन स्टिक साइन स्टैंड्स, कोसाइन स्टिक साइन स्टैंड्स, इज दिस क्लियर और नॉट, इज दिस क्लियर और नॉट। ये तो बात, ये बात आपको समझ में आ रही है कि हाँ y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको पता है, अब एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको पता है कि इसकी पोजीशन माइनस ए और प्लस ए के बीच में ही हो सकती है, साइन की वैल्यू प्लस वन और माइनस वन के बीच में ही हो सकती है, प्लस वन और माइनस वन के बीच में हो सकती है, तो वाई आपका लाइ करेगा माइनस ए से प्लस ए के बीच में। कितना सही है, कितना सही है, जल्दी से बताओ, साइन वेव इन्वर्टर बन गया तुम्हारा, ये तो ऐसी बोल दिया मैंने साइन वेव, बट उसमें भी साइन वेव ही होता है ना, ठीक है, ठीक है, इज दिस क्लियर एवरीवन, यहां तक की बातें समझ में आ गई। अब इसकी वेलोसिटी क्या होगी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये सारी चीजें हम निकालेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं बेटा, है ना, पोजीशन को डिफरेंशिएट करने से या डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करने से आपको हमेशा वेलोसिटी मिलती है, तो v आपको मिल जाएगा dy by dt करने से, तो dy by dt जैसे ही आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा a ओमेगा, है ना, ये सिंपल डिफरेंशिएशन है, इसको मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं क्योंकि यार ये 11th का सेकंड लास्ट चैप्टर होता है, ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया साइन का कॉस हो जाएगा, अरे यार नमो सर कैसी बातें कर रहे हो, इसलिए फिजिक्स के टीचर्स क्यों आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यार ये इसकी वेलोसिटी का फंक्शन हो गया बेटा, है ना, तो वेलोसिटी का फंक्शन, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपका आ गया यहाँ पे, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम यहाँ पे आ गया, बट एट द सेम टाइम चलो यार ये भी करो, वाई बाय ए क्या है, वाई बाय ए इज नथिंग बट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। तो साइन पता है तो कॉस पता है, ये बात समझ में आई, साइन पता है तो कॉस पता है, साइन पता है तो कॉस पता है, तो क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, दिस विल बी नथिंग बट ए ओमेगा अंडर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज वन, तो कॉस विल बी अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। तो उस लॉजिक से मैं इसको एज अ फंक्शन ऑफ वाई भी निकाल सकता हूं, ठीक है, उस लॉजिक से खाली सिंपल मैथ यूज करके वन माइनस वाई बाय ए का होल स्क्वायर करके यार ये मेरा ये क्या आ जाएगा, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको सॉल्व कर सकते हो। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि आपने एक वेलोसिटी निकाल ली एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। नमो सर यार ये इक्वेशन अच्छी नहीं लग रही, समझाओ समझाओ। अब देखो सिंपल सी बात है, पार्टिकल ऐसे ऐसे जा रहा है, जहां पे ऊपर जाता है तो रुकता है ना, मैंने क्या बोला था, ये पार्टिकल कहां पे रुक रहा था, जल्दी से बताओ ये पार्टिकल कहां पे रुक रहा था, y = a पे रुक रहा था, देखो रेस्ट, y = माइनस a पे भी रुका, y = प्लस a पे भी रुका, सबसे ज्यादा इसकी वेलोसिटी बीच में है, ठीक है, बीच में है, ठीक है, यहां पे, क्योंकि समझ गए मेरी बात, यहां पे रुका था, यहां पे वेलोसिटी जीरो है, यहां पे वेलोसिटी जीरो है, मतलब y = a पे वेलोसिटी जीरो है, y = माइनस a पे जीरो है, हां फॉर्मूला भी यही बोल रहा है, फॉर्मूला भी यही बोल रहा है, y = a डालो जीरो हो जाएगा, y = - a डालो जीरो हो जाएगा, तो v max और v minimum का फॉर्मूला भी लिख दो, v minimum एट एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगी जीरो, v max हो जाएगी एट मीन पोजीशन, दैट विल बी ओमेगा a। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी ओमेगा ए एट वाई इज इक्वल टू जीरो। देखो अगर वाई को जीरो डालोगे मतलब सबसे ज्यादा तेजी यहां पे होता है और सबसे ज्यादा धीमा है ना, ठीक है, ये मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है, ऐसे ऐसे हो रहा है, सबसे ज्यादा तेज ये यहां पे है और सबसे ज्यादा धीरे वो वहां पे ऊपर और नीचे क्योंकि वहां पे डायरेक्शन बदल रहा है। इज दिस क्लियर, बताओ नमो सर अच्छे से पढ़ा रहे हैं, अच्छे से समझ में आ रहा है, इज दिस क्लियर और नॉट,
एवरीवन, इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर और नॉट? बहुत अच्छे से समझ में आया, वॉज इट अमेजिंग और नॉट? ठीक है, अब समझ में आया? ठीक है, 12 साल ऐसे घिसा नहीं है बेटा, है ना? ठीक है, पेन बहुत घिसा है ना, जूता बहुत घिसा है, बट आई होप आपको समझ में आया इतना अमेजिंग कंटेंट बनता कैसे। आई होप आपको ये आपको नोट्स में मिलेगा बेटा, जेई वन के ऐप में आपको ये नोट्स मिलेंगे मेरे हैंड रिटन सारे। देखो मैंने कुछ नहीं कराया, मैंने लिटरली कुछ नहीं कराया, मैंने तुम्हें साइन का फॉर्मुला लिखवाया, फिर उसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल ली। अब इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर दो, चलो यहां पे इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, इस वाले पार्ट को चलो फिर से डिफरेंशिएट कर दो, एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है? तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा dv/dt। देखो इस पूरी चीज को फिर से डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि यहां पे एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, है ना? ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, और फिर वापस से साइन बन जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ SHM, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। अगर कोई पार्टिकल SHM कर रहा होता है तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें फिर से ए और साइन ओमेगा टी फिर से बन गया, ए और एक साइन ओमेगा टी फिर से बन गया, तो यार ये एक तरीके से वाई है। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि ए इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ SHM। अगर कोई भी इक्वेशन ये सेटिस्फाई कर दे ना, कोई भी इक्वेशन ये सेटिस्फाई कर दे, अगर किसी भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन इज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई, तो आप बोल सकते हो कि वो पार्टिकल SHM कर रहा है ना, वो पार्टिकल SHM कर रहा है। ये कंडीशन होती है SHM की, हमेशा ध्यान रखना, ये कंडीशन होती है SHM की, ठीक है? ओके, इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये है कि अगर आप यहां पे गए, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट y है, तो y के ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन होगा या फोर्स होगा, फोर्स एक्सेलरेशन भाई F is equals to m है। तो अगर आप यहां पे गए तो देखो फोर्स आपका पीछे लगेगा, है ना, स्प्रिंग फोर्स की तरह। स्प्रिंग मतलब स्प्रिंग यहां पे नेचुरल लेंथ पे, तुम है ना, स्प्रिंग यहां पे लगी हुई है नेचुरल लेंथ पे, अगर आप इसको ऐसे करते हो तो स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है, फोर्स यहां पे लगेगा, है ना? नेचुरल लेंथ से यहां पे गए तो ऑब्वियसली बात है फिर फोर्स यहां पे लगेगा। तो आपको ये बात समझ में आए कि हमेशा फोर्स मीन पोजिशन की तरफ लगता है। आप ये बोल सकते हो रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन ए रिस्टोरिंग, है ना, ए रिस्टोरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, ऐसे भी लिख सकते हो। क्योंकि ए रिस्टोरिंग का मतलब क्या है? रिस्टोरिंग मतलब अगर आप यहां पे गए तो वो ये वापस से रिस्टोर करना चाह रहा है, तो वो ये बोलना चाह रहा है यहां का जो रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। ए रिस्टोरिंग का मतलब ही ये है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। तो मैं इसको ऐसे याद रखता हूं, मुझे ये ऐसे याद रखना ज्यादा अच्छा लगता है। आई डोंट नो, बट हर किताब में हर लेक्चर में मैंने देखा है ऐसे ही पढ़ाया जाता है, बट मुझे ऐसे पढ़ना अच्छा नहीं लगता। मैंने तो तुम्हें ये भी बोला था कि जब भी स्प्रिंग फोर्स लगाना है दिमाग से लगाओ, लॉजिक से लगाओ, और अभी आपको समझ में आएगा इसकी पावर एज वी गो फॉरवर्ड, एज वी गो फॉरवर्ड आपको ये बातें समझ में आएंगी, ठीक है? हमेशा ध्यान रखना ये फोर्स ऑफ SHM होता है, ये फोर्स ऑफ SHM होता है। एंड बाय द वे, इज इट नॉट वेरी सिमिलर टू एम ए इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स ए इज इनवर्ट, है ना? ये ऐसा कुछ नहीं हो गया वापस से? ये भी तो एक SHM का ही इक्वेशन है, ये भी तो एक SHM का इक्वेशन है। ये क्या होता है जल्दी से बताओ? एक्सेलरेशन इज माइनस के वाई, एक्सेलरेशन इज माइनस के वाई, मास से भी मल्टीप्लाई कर दो, है ना? तो फोर्स इज इक्वल्स टू F is equals to M हो गया, तो force is equals to minus ky, y is displacement। तो यार आपको ये बात समझ में आ गई, ये भी एक equation of SHM है। But please understand, अभी ये equation ऐसी क्यों लिखी है? सर आपने तो y में बताई थी। बेटा कभी जरूरी थोड़ी है कि SHM खाली y में हो रहा हो, कभी कभी तुम्हें x में भी SHM दे दिया हो। अब तुम्हारा SHM ऐसे ऐसे हो रहा है, खच 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 खच, पहले तुम्हारा SHM ऐसे ऐसे हो रहा था, फर्क नहीं पड़ता। ये भी एक SHM है, तुम SHM को x में कराओ, तुम y में कराओ, तुम z में कराओ, फर्क नहीं पड़ता। अब अगर SHM यहां पे हो रहा है, बोलेगा नहीं मुझे x एक्सिस पे होने का है, है ना, मुझे x एक्सिस पे होने का है, ठीक है? अगर SHM को यहां पे होने का है, इस अखाड़े में SHM को होना है, तो आप बस y को x से रिप्लेस कर दोगे, वो सारी इक्वेशन, है ना, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना, तो ये सारी इक्वेशन में x आ जाएगा, ठीक है? वेलोसिटी में देखो ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि SHM x में हो रहा है। अगर आपका SHM x एक्सिस पे हो रहा है, प्लीज अंडरस्टैंड, है ना, तो आप ये इक्वेशन लिखोगे। एंड अगर आपका SHM y एक्सिस में हो रहा है, तो x की जगह y कर दो, यहां पे भी y कर दो, ठीक है? यहां पे हाँ समझ गए तुम समझ गए ना, यहां पे dx/dt हो जाएगा, यहां पे y हो जाएगा, है ना, और ये भी y हो जाएगा, ठीक है? इज दिस क्लियर? ये वो इक्वेशंस थी और ये वो इक्वेशंस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए, प्योर गोल्ड है, ये प्योर गोल्ड है। और यार यहां से आपको कुछ और चीजें भी समझ में आती हैं,
यहां पे आपको कुछ और चीजें भी समझ में आती हैं। x इज इक्वल्स टू ए, x इज इक्वल्स टू माइनस ए, थोड़ी बातें करते हैं आप लोगों के साथ। ये एक SHM हो रहा है। कभी भी आपके मन में कोई बोले ना SHM हो रहा है, इस पिक्चर को बना लेना, स्प्रिंग मास सिस्टम बना लेना, हमेशा हमेशा SHM में स्प्रिंग मास सिस्टम बना लेना अपने मन में, स्प्रिंग मास सिस्टम, खच 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 ऐसे, ये SHM हो रहा है, स्प्रिंग मास सिस्टम, स्प्रिंग मास सिस्टम, ये आपके मन में बन जाना चाहिए, ये आपके मन में बन जाना चाहिए। अब आपको पता है कि यार x इज इक्वल टू जीरो पे फोर जीरो था, एक्सेलरेशन भी जीरो था, फोर जीरो था, एक्सेलरेशन भी जीरो था, ठीक है। जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे आया तो मैक्सिमम में फोर्स, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, फोर्स एक्सेलरेशन भाई भाई, f इज इक्वल टू m, तो यार अब जल्दी से बताओ यार यहाँ पे ए मैक्स क्या होगा, ए मैक्स की वैल्यू होगी ओमेगा स्क्वायर एफ, किस डायरेक्शन में, जब यहां पे तो मैक्सिमम फोर्स यहां पे, जब यहां पे तो मैक्सिमम फोर्स यहां पे, जब यहां पे तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन यहां पे, मैक्सिमम एक्सेलरेशन यहां पे, फोर्स एक्सेलरेशन भाई भाई, f इज इक्वल टू m, ठीक है ना। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। एक मैक्सिमम एक्सेलरेशन ये होता है और मिनिमम एक्सेलरेशन मीन पोजीशन पे होता है, क्योंकि मीन पोजीशन पे ये नेचुरल लेंथ पे आ जाएगी स्प्रिंग। क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है बच्चों, क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है? यहां से आप जल्दी से निकालो, वी मैक्स क्या होगा ओमेगा ए, वी मिनिमम क्या होगा एट, है ना, ये हो जाएगा जीरो। ये बातें समझ में आ रही है, ये और ये, अब ये कहां हो रही है, ये कहां हो रही है, मिनिमम वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पे, ये एक्सट्रीम पोजीशन पे होती है, ये मीन पोजीशन पे होती है ना। एक्सेलरेशन जीरो कहां होता है, एक्सेलरेशन जीरो मीन पोजीशन पे होता है, और एक्सेलरेशन मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है। मीन पोजीशन का मतलब क्या होता है, मीन पोजीशन का मतलब क्या होता है, दिस इज द मीन पोजीशन, दिस इज द मीन पोजीशन एक्स इज इक्वल टू जीरो, दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन एक्स इज इक्वल टू ए, दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। देखो बातें करने में मजा आ रहा है, जल्दी से बताओ, अब इसको देख के तुम लोग बताओगे सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी कहां पे है, सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी यहां पे है, क्योंकि सबसे ज्यादा वेलोसिटी यहां पे है, सबसे ज्यादा वेलोसिटी यहां पे, चलो वेलोसिटी भी मार्क करेंगे, ठीक है, वेलोसिटी भी यहां पे, इसकी वेलोसिटी क्या है, वी मैक्स, यहां पे वेलोसिटी वी मैक्स है ओमेगा ए के बराबर, है ना, एक्स को जीरो रखो, यहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, यहां पे रेस्ट पे आ जाता है पार्टिकल, यहां पे भी रेस्ट पे आ जाता है। मैंने थोड़ा सा नहीं अच्छा नहीं बनाया, मेरे को थोड़ा यहां पे बनाना चाहिए था, हाँ यहां पे बनाना चाहिए था, एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है, ठीक है। ये एक पॉइंट मास होता है बेटा, है ना, तो इसको मानो ये पॉइंट मास, ये बहुत बड़ा मोटा बना दिया, ये वैसे एक पॉइंट मास है, ये पार्टिकल SHM कर रहा है, ये पार्टिकल SHM कर रहा है, ठीक है ना, तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखना। बताओ मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा था, अभी तक हमने जो बातें करी हैं बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ गई, ये क्वेश्चंस याद रहेंगे, फ्री में क्वेश्चंस करा पाऊंगा, इसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, इस फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज ऐसे कराऊंगा मैं SHM, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। पहला क्वेश्चन, और आपको बता दूं ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है बेटा, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, अब ये एडवांस में नहीं आता, अब ये मेन में आता है, यही सेम सवाल मेन में आता है, इंस्टेड इसी का छोटा भाई, इसी का बहुत छोटा सा भाई आया था पिछले साल, है ना, उसके पिछले साल, फिर उसके पिछले साल भी एक ऐसा सवाल देखने को मिला था किसी एक शिफ्ट में। अब ध्यान से देखो, है ना, 2001 में तो हर बच्चे ने जेई एडवांस में क्वेश्चन किया था, हर बच्चे ने ये क्वेश्चन किया था। मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को तुम डायरेक्टली करो, मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन को तुम डायरेक्टली करो, बिना छुए इस क्वेश्चन को करो, बिना छुए इस क्वेश्चन को करो। वो बोल रहा है कि यार देखो ये देखो मैक्सिमम पोजीशन है ना, ये अब आपको दिख रहा है ना, ये पार्टिकल को देखो, है ना, ये मोटा है ना, ठीक है, पार्टिकल को देखो। अब मैंने बोला ये इसकी मीन पोजीशन है, तो यार ये मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू जीरो, वाओ ओके सर ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये हो गई x इज इक्वल टू प्लस a, क्योंकि a है ना, समझे मेरी बात। ये वाली पोजीशन क्या है, ये वाली पोजीशन है x इज इक्वल टू a बाय टू, कहीं बीच में, मिडवे, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है, ऐसी बात नहीं है कि हाँ, वैसे यहां पे भी ये SHM यहां तक भी हो रहा है ना, अगर मैं इसको यहां तक एक्सटेंड करना चाहता हूं, कहां तक आता है, ओके ये यहां तक आता है ना, ठीक है, तो ये इसका माइनस a वाला वो पार्ट है ना, दिस इज माइनस ए वाला पार्ट, दिस इज प्लस ए वाला पार्ट, ठीक है, दिस इज जीरो, ठीक है, इज दिस क्लियर। और ये सेम चीज यहां पे भी सिमेट्रिक है, बट इसको मत देखो, वो बस तुमसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन, बस तुमसे ये पूछ रहा है मेरी जान, कि तुम जब यहां से यहां जाते हो तो मैं बोलता हूं टाइम लगता है टी वन, और जब तुम यहां से यहां जाते हो तो टाइम लगता है टी टू। वो इस पे कॉमेंट करने के लिए तुम्हें बोल रहा है, वो इस पे कमेंट करने के लिए तुम्हें बोल रहा है, वो इस पे कमेंट करने के लिए तुम्हें बोल रहा है, ठीक है। चलो नमो सर, वापस से विजुअलाइजेशन पे ले जाओ, वापस से विजुअलाइजेशन पे ले जाओ, वापस से विजुअलाइजेशन पे ले जाते हैं। यहां से लेकर यहां तक कितना टाइम लगेगा, ये तो UCM है, टी बाय फोर सर, जब ये यहां से यहां जा रहा है तो यार यहां से यहां टी बाय फोर होगा। ओ मतलब SHM में ये टी बाय फोर है, ये टी बाय फोर है, ये टी बाय फोर है, ये टी बाय फोर है ना। देखो
90 डिग्रीज टी बाय फोर टाइम लगेगा, 90 डिग्रीज टी बाय फोर टाइम लगेगा, 90 डिग्रीज कैपिटल टी बाय फोर टाइम लगेगा, कैपिटल टी टाइम पीरियड, टोटल टाइम पीरियड टी है, तो यार यहां से यहां तक टी बाय फोर, यहां क्योंकि ये यूनिफॉर्म है, तो आपने देखा जब ये यहां से यहां जा रहा है तो ये यहां से यहां जा रहा है, जब ये यहां से यहां जा रहा है तो यार ये यहां से यहां जा रहा है, जब ये यहां से यहां जा रहा है तो यार ये यहां से यहां जा रहा है, ठीक है। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई, यहां से एस एच एम में ये वाला यूनिफॉर्म है, यहां से यहां तक सेम टाइम है, फिर यहां से यहां तक सेम टाइम है, फिर यहां से यहां तक सेम टाइम है, यहां से यहां तक सेम टाइम है, कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई। बट एक प्रॉब्लम है मेरी जान, प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट होती है, अब सुनना प्रॉब्लम क्या होती है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं a बाई टू की बात करूं, यहां पे लाइन खींचो, अगर मैं a बाई टू की बात करूं तो सेम टाइम होगा क्या? ये a बाई टू है ना, प्लीज अंडरस्टैंड, ये आपका डिस्टेंस a बाई टू है, तो यार ये रेडियस a के बराबर होता है, a और a रेडियस a के बराबर होता है, तो यार ट्रिग्नोमेट्री यूज करके समझ में आता है कि यार a sin theta इज a बाई टू, a sin theta इज a बाई टू, तो उससे समझ में आता है कि थीटा इज 30 डिग्रीज। ओ माय गॉड, मतलब जब ये पार्टिकल ए बाई टू मूव करता है बीच में, तो ये यहां से यहां तक खाली 30 डिग्री जाता है, उसके बाद यहां से यहां तक 30 डिग्री, फिर यहां तक 60 डिग्रीज। ओ माय गॉड, ये तो स्कैम हो गया, मतलब ये देखो ध्यान से, है ना, तो ये लीनियर नहीं हुआ, यहां से लेकर यहां तक 30 डिग्रीज, यहां से लेकर यहां तक 30 डिग्रीज, यहां से लेकर यहां तक 60 डिग्रीज, मतलब टाइम 1:2 में होगा, समझे मेरी बात, टाइम 1:2 में होगा, इट विल नॉट बी सेम। कितने सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई, तो ये लीनियर नहीं होता। अब इस क्वेश्चन पे वापस आओ, मैं बोलता हूं जेई में इतना दिमाग नहीं लगाना तुम्हें, इट इज अ सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है, सिंगल चॉइस क्वेश्चन था, तो मैं बोलता हूं यार ये हाई स्पीड जोन है, यहां पे हाई स्पीड जोन है, यहां पे लो स्पीड जोन है, क्योंकि यार यहां पे तो रेस्ट पे आ जाता है पार्टिकल, ये लो स्पीड जोन है। मैंने आपको बताया था ना मैक्सिमम वेलोसिटी कहां होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी यहां होती है Vmax, यहां पे रेस्ट पे है ना, फिर यार यहां पे भी रेस्ट, तो यार यहां से लेकर यहां तक एक्सेलरेट करता है, तो ये हाई स्पीड जोन है, तो ऑब्वियसली बात है ये जल्दी से कवर हो जाएगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस है ना, सेम डिस्टेंस पे हाई स्पीड लो स्पीड। तो मुझे बताओ हाई स्पीड, मैं बोलूंगा यार ये हाई स्पीड होगी, सिंपल लॉजिक, हाई स्पीड लो स्पीड, लो स्पीड जोन, ठीक है, हाई स्पीड लो स्पीड, उस लॉजिक से सेम डिस्टेंस, तो आपको बोल दो कि T1 शुड बी लेस देन T2, कॉमन सेंस, दिमाग, T1 शुड बी लेस देन T2, ए ऑप्शन, मजा आया, खाली इतने से कर लिया आपने। अब रेशियो क्या होगा 1:2, रेशियो क्या होगा, अब उस पे आते हैं, T1 और T2 का रिलेशन भी निकालते हैं, इस पूरे क्वेश्चन की बैंड बजाएंगे अभी अपन, बैंड, ठीक है, ओके, बैंड बजाएंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं फिर से, है ना, अगेन ऑल्टरनेटिव तरीका, जहां पे आप रेशियो भी निकाल लोगे, ऑल्टरनेट सॉल्यूशन, ये आपको बहुत अच्छा बनाएगा, दिस विल मेक यू अ ग्रेट पर्सन, मैं फिर से बोल रहा हूं, दिस इज गोइंग टू मेक यू अ ग्रेट पर्सन, प्लीज इसको ध्यान से देखना। कितने सारे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, वीडियो को लाइक करते रहना। 2001 का एडवांस का सवाल है, आपको बताना है कि 0 से a बाई टू इसको टाइम लग रहा है, ये तो आपका पहला सवाल है T1, और a बाई टू से a लग रहा है T2, a बाई टू से a2 लग रहा है T2, T1 T2 को छोटा लो बड़ा लो मेरी मर्जी, मतलब अपनी मर्जी से जो भी लेना लो, फर्क नहीं पड़ता मुझे, ठीक है। अब मैं आपको ये क्वेश्चन फिर से करके बताता हूं, तो मैं बोलता हूं ध्यान से सुनना, ठीक है, तो जब ये पार्टिकल a बाई टू पे आया, सो दिस इज वाई, अब इसको एक्स से वाई में कन्वर्ट कर लो प्लीज, है ना, फर्क नहीं पड़ता, इसको वाई कर लो, बोल दो SHM वाई में हो रहा है, क्योंकि तुम्हें गोले मेथड से करना है, तो हमेशा चेंज कर लिया करो, गोले मेथड से करना है तो चेंज, फर्क नहीं पड़ता ना, एक्स यहाँ पे SHM हो रहा हो या यहाँ पे हो रहा हो, फर्क नहीं पड़ता, बट हमें ये अच्छा लगता है ना, तो ये वाई इज इक्वल टू जीरो है, और ये पार्टिकल जब ये बीच में आया है ना, वाई इज इक्वल टू ए बाई टू पे आया, ठीक है, तो वो ये, एवरीवन प्लीज सी दिस वेरी वेरी केयरफुली, तो बेसिकली आपका पार्टिकल यहां से यहां आया, आपका UCM यहां से यहां आया, तो आपका SHM वाला आपका यहां से यहां आया, SHM वाला a बाई टू चला, तो यार ये कितना चला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको पता है कि यार ये a बाई टू है, ये लेंथ a बाई टू है, अगर ये लेंथ a बाई टू है और ये a है, तो पहले तो एंगल निकाल लो, कितना एंगल तुमने ट्रेवर्स किया, पहले तो एंगल निकाल लो, तो उस लॉजिक से सेम
है ना, ये ट्राइंगल बन गया यहाँ पे, ए कॉस थीटा होता है, ये ए साइन थीटा होता है। तो सिंपल आपने किया ए साइन थीटा, है ना, ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए बाई टू, ये आपने ऐसे किया। फिर आपने किया साइन थीटा इज हाफ, इस साइन थीटा इज हाफ से आपको ये समझ में आ गया सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से कि यार ये 30 डिग्रीज है। अब आपको ये समझ में आ गया कि यार ये 30 डिग्रीज है। अगर ये 30 डिग्रीज है, उसके बाद क्या करना था आपको, उसके बाद आपको बताना था कि अब ये पार्टिकल यहां से यहां गया है, ठीक है, y इज इक्वल्स टू a तक गया है। तो अब आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, अब आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि भाई मुझे बस इतना बताइए कि यार यहां से लेकर यहां तक आपको टाइम लगा t1, और यार यहां से लेकर यहां तक आपको टाइम लगा t2, है ना, यहां से लेकर यहां तक टाइम t1, यहां से लेकर यहां तक टाइम t2। तो कॉमन सेंस की बात है, SHM में टाइम को रिलेट कर सकते हो, SHM में आप टाइम को रिलेट कर सकते हो। जब ये पार्टिकल यहां से यहां गया, ये यहां से यहां गया, तो इसका शैडो यहां से, शैडो है ना ये, ये यहां से आ गया, ये यहां से आ गया, ये यहां से आ गया, ये यहां से आ गया। तो कॉमन सेंस की बात है, यहां पे इसको कितना चलना पड़ेगा, 60 डिग्री चलना पड़ेगा, 60 डिग्री चलना पड़ेगा। तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, यहां पे आपको T2 टाइम लग रहा है, यहां पे T1 टाइम लग रहा है, कोई इशू की बात है ही नहीं, कोई इशू की बात है ही नहीं। आपको पता है ये तो UCM है, UCM का से टाइम निकालो, UCM से टाइम निकालो। आप बोलोगे कि ओमेगा इंटू T1, ओमेगा इंटू T1 30 डिग्रीज या पाई बाय सिक्स, 30 डिग्रीज, ये तरीका अच्छा होता है पाई बाय सिक्स वाला, क्योंकि डिग्रीज में हम डील नहीं करते, है ना, पाई बाय सिक्स कर दिया। फिर आपने बोला ये थे, है ना, फिर आपने बोला ओमेगा, ओमेगा यहां से ओमेगा इंटू टी टू, ओमेगा इंटू टी टू, है ना, बिकॉज आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया, ये वाला थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ठीक है। तो ओमेगा इंटू टी टू इज 60 डिग्रीज या पाई बाय थ्री, या पाई बाय थ्री। अब आपके पास दो इक्वेशन दो वेरिएबल आ गए, मैथमेटिकली निकाल लो रेशियो, दो इक्वेशन दो वेरिएबल आ गए, मैथमेटिकली रेशियो निकाल लो, मैथमेटिकली रेशियो निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकाल लो निकाल लो निकाल लो, ठीक है। तो निकालो T1 by T2 is 1 by 2, is 1 by 2, और हाँ यहां यहां से आपको क्या ये क्या दे रहा था, T1 by T2 is 2 by 1 दे रहा था ये, तो ये तो नहीं है, ये इक्वल भी नहीं है, ये वाला ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला ऑप्शन ही सेटिस्फाई कर रहा है। आपको यार यहां से देख के क्या पता चल रहा है, यहां से आपको देख के पता चल रहा है T1 is less than T2, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं यार, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती है, तो इसलिए मैं थोड़ा इसको छेड़ना चाहता हूं थोड़ा सा, बट यार इसमें कई सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं, कई सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जहां पर यह चीज रटा दी जाती है कि बेटा रट लो, यहां से लेकर यहां तक कितना टाइम लगता है, फिर यहां से लेकर यहां तक कितना टाइम लगता है। तो ये तो आपको पता है यार, ये टोटल टाइम टी बाय फोर होता है, है ना, क्योंकि यार यहां से लेकर यहां तक टी बाय फोर होगा, कैपिटल टी बाय फोर। तो वो रटा देते हैं कि यार ये और ये वाला टाइम लर्न कर लो, ये वाला टाइम भी लर्न कर लो, तो वो टाइम आ जाता है यार, कॉमन सेंस है, ये निकालने से आ जाता है। क्योंकि आप देखो क्या करना है आपको, अगर आपको टी वन निकालना ही है, अगर कोई पीछे पड़ जाए कि मुझे कैपिटल टी में निकालो, अगर इसका पूरा टाइम पीरियड टी है, इसका पूरा टाइम पीरियड टी है, या इसका पूरा टाइम पीरियड टी है, यहां से लेकर टाइम टी बाय फोर है, तो टी बाय फोर का क्या फ्रैक्शन होगा ये, अगर मुझे वो निकालना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला फॉर्मूला बताया था ना मैंने आपको, एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं, मैंने क्या बोला था, ओमेगा क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट एंगल इंटू फ्रीक्वेंसी, एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज एंगल इंटू फ्रीक्वेंसी, या इसको मैं लिख सकता हूं टू पाई अपॉन टी, या वो फॉर्मूला याद रख लो कि ओमेगा इंटू टाइम पीरियड इज टू पाई, तुम्हारी मर्जी जैसे तुम याद रखना चाहते हो। तो मैं बोलता हूं कि जब आप ओमेगा को ये रखोगे तो आपको मिल जाएगा, है ना, यहां पे भी रख दो यहां पे भी रख दो, वो वाला तरीका वो भी बहुत अच्छा तरीका है। तो देखो ये टी वन आप निकाल लोगे यहां से, तो ये क्या हो जाएगा, टू पाई बाय टी वन निकाल के दिखा देता हूं, बाकी दूसरा वाला खुद ही निकाल लेना, टू पाई बाय कैपिटल टी इंटू टी वन इज पाई बाय सिक्स मेरी जान, ठीक है। तो देखो ये रटा देते हैं, मुझे अभी भी आज भी रटा हुआ नहीं था, टी वन इज टी बाय ट्वेल्व, तो टी वन कितना आ गया, टी बाय ट्वेल्व, तो ये आ जाता है टाइम t बाय ट्वेल्व, और ये आ जाएगा इसका डबल, है ना, ये आ गया t बाय ट्वेल्व और ये वो आ जाएगा उसका डबल, हाँ ये t बाय ट्वेल्व आ जाता है, ठीक है ना, यहां पे दिख नहीं रहा बट आपके नोट्स में आपको मिल जाएगा t बाय ट्वेल्व है, इज दिस क्लियर, ठीक है। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस, JEE पिछले साल, और ये एडवांस में नहीं आया, ये मेन में आया, इसी का भाई मेन में आया। तो ऐसा नहीं है कि पेपर में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए कराया जा रहा है। क्या ये इस साल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, कतई जहर सवाल है और आराम से हो जाएगा आपसे। पार्टिकल एग्जीक्यूट्स एसएचएम बिटवीन माइनस ए से प्लस ए, इफ द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू गो फ्रॉम जीरो से दिस इज टू सेकेंड्स, देन द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल फ्रॉम टू गो फ्रॉम हियर टू हियर इज हाउ मच, डबल आता है। अभी आपने किया है बेटा, अभी आपने किया है, फिर मत बोलना कि नहीं कराया सर, नहीं कराया, ठीक है ना,
मैं बोलता हूं इसको एसएचएम यूसीएम से ही करो, है ना, समझे मेरी बात। मैं बोलता हूं कि इसको आप वाई में करो, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसएचएम को वाई में कराओ, कोई इशू नहीं है ना, वाई में कराओ, है ना, वाई में कराओ, क्वेश्चन को पूरा वाई में कन्वर्ट कर दो, है ना। इससे फायदा क्या होगा, मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। गोला मेथड से करो, गोला मेथड से करो, हमेशा लाइफ में खुश रहोगे। गोले मेथड से करोगे तो हमेशा लाइफ में खुश रहोगे, मैं फिर से बता रहा हूं, गोला मेथड से करो, है ना। तो आप बोलो कि एस एच एम यहां पर हो रहा है, ठीक है, तो अब आप समझ गए। तो मैं बोल रहा हूं कि एस एच एम आपका रेड से हो रहा है, ठीक है, एस एच एम आपका रेड से हो रहा है। इस क्वेश्चन को कैसे करना था वही बताने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। तो आपको पता है कि यार ये आपका अरीना है जहां पे एस एच एम होगा, है ना, आप एस एच एम इस अरीना में करा रहे हो, तो यही आपकी स्क्रीन हो गई, यही आपकी स्क्रीन हो गई, ठीक है, दिस इज योर स्क्रीन। और आप लाइट दोनों तरफ से फेंक रहे हो, तो मैं बार बार दो दो फिगर नहीं बनाना चाहता। जब भी प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करना है, ऐसे सॉल्व करो, विजुअली सॉल्व करो, इसको रटो मत। पता है बहुत सारे बच्चे इसको रट लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट द इक्वेशन इज वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। इसको पता है मैथमेटिक्स, इसका किसी भी किताब में सोल्यूशन देख लो, वो ऐसे ही लिखेंगे इसको, है ना, लेट्स अज्यूम दैट द एसएचएम का इक्वेशन इज एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, फिर एक्स को रख देंगे ए बाय टू, फिर टाइम निकाल देंगे वो टी बाय ट्वेल्व या जो भी निकालते हैं। बहुत ही गलत तरीका है, बहुत ही गंदा तरीका है, वो नहीं करना है आपको। आप इसको ऐसे ही करो, आपको ये बोला जा रहा है कि आपको ये क्या बोला जा रहा है कि ये जो पार्टिकल है वो यहां से, है ना, यहां पे जब ये पार्टिकल होगा तो इसका एस एच एम वाला पार्टिकल यहां पे होगा, देखो वाई इज इक्वल्स टू जीरो पे बैठा होगा इसकी शेडो, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि यार ये ए बाई टू पे पहुंच जाता है, ठीक है, ए बाई टू, है ना, ये आपको पता है वाई इज इक्वल्स टू ए है, ये लिख दो सारी चीजें, वाई इज इक्वल्स टू प्लस ए है, और है ना ये है आपका वाई इज इक्वल्स टू ए बाई टू है, ठीक है। तो जब आपका पार्टिकल यहां पे पहुंचा तब आपको पता है ये वाला यहां पे पहुंचा, फिर जब ये वाला पार्टिकल बिल्कुल ए पे पहुंच गया तो ये रेड वाला पार्टिकल भी यहां पे इंतजार कर रहा था, ठीक है। तो ये ए बाई टू, ये ए बाई टू, तो आपको जानना है कि यार यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक टाइम क्या है, वही सेम क्वेश्चन बन गया, वही सेम क्वेश्चन बन गया। तो आप क्या करोगे, आपको पता है यार ये ए है और आपको पता है यार ये ए बाई टू है, तो ऑटोमेटिकली अब ये तो लर्न ही हो जाएगा तुमसे, ये वाला एंगल आपका 30 डिग्रीज आ जाएगा, है ना, इसको थीटा ले लो, तो आप आराम से कर दोगे ना, ए ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा, है ना, तो आप आराम से कर दोगे, ए साइन थीटा इज ए बाई टू, तो ये आपका 30 डिग्री आ जाएगा, ये आपका 60 डिग्रीज आ जाएगा। अब इसको सर्कुलर मोशन के फंडे से कर दो, 30 डिग्रीज 60 डिग्रीज 30 डिग्री 60 डिग्रीज, तो ये 2 सेकंड ले रहा है तो ये 4 सेकंड लेगा ना, डबल एंगल, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मैं बोलता हूं टाइम के लिए हमेशा ये करो, टाइम के लिए हमेशा ये करो। बताओ क्वेश्चन कैसा लगा, क्वेश्चन कैसा लगा, अच्छा लगा? कॉम्प्लिकेट करूंगा, नमो सर अभी कॉम्प्लिकेट करने वाले हैं, नमो सर कॉम्प्लिकेट करने वाले हैं, ठीक है, नमो सर कॉम्प्लिकेट करने वाले हैं क्वेश्चन को, ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करने वाला हूं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, को बहुत सिंपल तरीके से करके बताऊंगा। एसएचएम वाई में ही करना, गोला मेथड वाई में बेस्ट होता है, गोला मेथड वाई में बेस्ट होता है, ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। तो अब यह है कि एसएचएम का अखाड़ा ये रहा, एसएचएम का अखाड़ा ये रहा, मैं बोलता हूं कि एसएचएम ऐसे हो रहा है ना, एसएचएम ऐसे 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 हो रहा है, इस एसएचएम का टाइम पीरियड टी गिवन है, टी गिवन है, दिस इज गिवन टू यू, टाइम पीरियड इज टी। अब वो बोलता है कि मुझे बस इतना बता दीजिए, मुझे बस इतना बता दीजिए कि जब पार्टिकल यहां से लेकर, सुनना ध्यान से, जब पार्टिकल यहां से मिड पॉइंट पे एक्सट्रीम पे जा रहा है, मिड पॉइंट पे एक्सट्रीम पे जा रहा है, ध्यान से सुनना, टू द नेक्स्ट एक्सट्रीम, यहां तक टाइम निकालो, अब यहां तक टाइम निकालो, मतलब आपको ये पूरा टाइम निकालना है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, और ये बेसिकली ए बाई टू पे है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, आपकी हालत खराब हो जाएगी इस क्वेश्चन को करने में। मैं बोलता हूं गोला मेथड टू द रेस्क्यू, इसका गोला बनाओ, यूसीएम से करो इस क्वेश्चन को, इसका गोला बनाओ। मैं बोलता हूं ये क्वेश्चन मत करो, मैं बोलता हूं ये क्वेश्चन करो, मैं बोलता हूं ये एसएचएम का क्वेश्चन मत करो, पागल हो जाओगे तुम ये क्वेश्चन करो कि यार इसका काउंटर पार्ट, जब ये यहां पे था तो ये यहां जा रहा था, ये यहां जा रहा था उस टाइम पे गोले में, ठीक है, जब ये ऐसे गया तो गोला वाला यहां पे गया, जब ये ऐसे गया तो गोले वाला ऐसे 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 आया, तो गोला यहां तक आ गया। तो बेसिकली अब ये टाइम निकालो, है ना, ये टाइम निकालो क्या है, क्योंकि जब ये यहां से यहां तक जाएगा, ये यहां से यहां तक जाएगा, इसको करना मुश्किल है, इसको तुम्हारी किताब वाला बंदा कैसे करेगा, वो यहां से लेकर यहां तक का टाइम निकालेगा और फिर बोलेगा एज वी ऑलरेडी नो इन दिस पैराग्राफ इन दैट एक्सरसाइज दैट द टाइम टेकन फ्रॉम हियर टू हियर इज टी बाय टू। मैंने कहा क्या बकवास मेथड है यार, इसमें कोई मतलब शानदार ही नहीं है वो यार, बिल्कुल शानदार नहीं है। अब तुम ऐसे करो उसको, अब यार कितना अमेजिंग हो गया, देखो तुम ये देखो कितना अमेजिंग हो गया, क्योंकि ए बाई टू पे तुम्हें पता है यार ये ए बाई टू है, ये ए है, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगा लो, ये 30 डिग्री आता है, ये 30 डिग्री आता है, आपको पता है ना, क्योंकि वो थीटा 30 डिग्री आता है। तो अब बस खाली एंगल देख लो कितना है, तो यार यहां से लेकर यहां तक 60 डिग्रीज, यहां से लेकर यहां तक 180 डिग्रीज, तो ये 180 डिग्रीज हो गया, ये 60 डिग्रीज हो गया,
तो खुद देख लो कितना है, जल्दी से बताओ क्या हो गया। 180 प्लस 60 कितना होता है, 180 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 240 डिग्रीज। 240 डिग्रीज कवर करना है आपको, 240 डिग्रीज अपॉन 360 डिग्रीज इनटू टोटल टाइम पीरियड हो गया ना आंसर। ये आंसर है आपका, ये आंसर है भाई, ये आंसर है, डन। इतना टाइम लगेगा, इतना रेशियो लगेगा, क्योंकि 360 डिग्रीज में टी लगता है तो 240 डिग्रीज में कितना लगेगा, काम खत्म यार। एक क्वेश्चन में मैंने बहुत टाइम लगाया, मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन कराया, एक घंटा हो गया, अभी पूरा एसएचएम करा दूंगा अगले घंटे तक, अगले घंटे या उससे आधा और, बट मजा आएगा। अब सारे सवाल है, हैव अ लुक एट दिस। सर ये क्या बना दिया, ये साइनसॉइडल कर्व है। अबे भाई ये मत कर यार, मेरे साथ ये हरकत मत कर। ये दिखाया था ना ए साइन ओमेगा टी, तो ये साइन प्लस माइनस वन तक ऑसिलेट करेगा, तो ये प्लस ए से माइनस ए ऑसिलेट करेगा, तो अब आपको ये दिख रहा है कि ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। ये आईआईटी जेई का सवाल है, एंड दिस केम इन एडवांस्ड इन 2019, है ना। इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आएगा, ये मेन में भी आ जाएगा, तुम्हारे मेन में आ सकता है ऐसा सवाल, एक सेट में ऐसा सवाल आएगा, मैं बोल रहा हूं, जरूरी नहीं एक्सेलरेशन, बट कुछ ना कुछ आएगा। तो तुम्हें बताना है कि ये फोर है, तो फोर का वन थर्ड करो, तो ये तो टू हो जाएगा, फोर वन थर्ड यहाँ पे कहीं होगा, ये पार्टिकल ना, ये वाला यहाँ पे कहीं होगा, ये टू होगा, ये फोर बाय थ्री यहाँ पे कहीं होगा। तो इस पॉइंट पे आपको क्या बताना है, एक्सेलरेशन, इस पॉइंट पे आपको एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल बताना है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट दिस पॉइंट बताना है। करो, कैसे करोगे, थ्योरेटिकल हो जाओ, यहां पे ज्यादा दिमाग मत लगाओ, थ्योरेटिकल हो जाओ। x देखो, इनिशियल t इज इक्वल टू जीरो पे ये x इज इक्वल टू जीरो पे बैठा है, t इज इक्वल टू जीरो पे ये x इज इक्वल टू जीरो पे बैठा है। SHM का इक्वेशन क्या होता है, SHM का इक्वेशन होता है a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव, ठीक है। इनिशियल पोजिशन जीरो ही है, तो आपको ये पता है कि अगर मैं x को जीरो डालूंगा, t को जीरो डालूंगा, तो फाइव मेरा जीरो ही आ जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन, because of this condition, है ना। तो मैं अपनी equation इतनी सी मान लेता हूँ, मैं इतनी सी equation मान लेता हूँ, x is equal to a sin omega t। कुछ लोग तो पता होता है, कुछ लोगों को SHM अगर यहीं से start होगा, mean position से SHM start हो रहा है, तो x is equal to a sin omega t, है ना, y में y is equal to a sin omega t, अगर SHM यहाँ से start हो रहा है ना, अगर SHM यहाँ से start हो रहा है, ठीक है, और प्लस a की तरफ जा रहा है, प्लस a की तरफ जा रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि SHM यहाँ से start करते हैं, है ना, जनरली SHM ऐसे स्टार्ट होता है, ऐसे करके ऐसे आता है, प्लस ए की तरफ पहले जाता है, पॉजिटिविटी की तरफ पहले जाता है, बट कुछ लोग नेगेटिविटी की तरफ पहले जाते हैं, नेगेटिविटी, है ना, शुरुआत नेगेटिविटी से करते हैं, है ना, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, है ना, ठीक है। कुछ लोग नेगेटिविटी से शुरुआत करते हैं, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना, चलो एक काम करते हैं नेगेटिविटी, तो उससे क्या होगा, उससे नाटक होगा, तुम वापस से जीरो पे आना पड़ता है, इसमें तुम प्लस ए पे ही जाते हो। इज दिस क्लियर, माइनस ए, इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन, है ना, समझे। तो ये मैक्सिमा है, नेगेटिविटी से आप देखो, पहले नेगेटिविटी पे जाओगे, फिर वापस से जीरो होगे, फिर यहाँ पे आओगे, तो इसीलिए कहते हैं कर्म अच्छे करने चाहिए, ठीक है। इज दिस क्लियर, समझ में आ रही बात है, बातें समझ में आ रही है। तो आप यहां से जाते हो, फिर यहां पहुंचते हो, तो यार यहां, जब आप यहां से यहां जाते हो, तो इसमें फेज डिफरेंस होता है जीरो, जब आप यहां से यहां जाते हो, तो फेज डिफरेंस होता है पाए, और ये चीज मैंने आपको यहां पे सिखाई थी, ये चीज मैंने देखो आपको यहां पे बहुत इनिशियली सिखा दी थी मैंने आपको, जब आप छोटे बच्चे थे ना, तभी सिखा दी थी, ठीक है। मैंने आपको क्या दिखाया था, यहाँ पे बताया था ना, हाँ देखो, जब आप यहां से यहां जाते हो, मतलब आप यहां से यहां पहुंच जाते हो, तो दिस इज पाए पोजिशन, दिस इज पाए पोजिशन, ठीक है, यहाँ पे फाइव पाए होता है, तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू ऑलरेडी नो, ठीक है, मतलब मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ, तुम्हें ऑलरेडी आता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, मतलब अब देखो फॉर्मुला बेस्ड है, ये क्वेश्चन को फॉर्मुला बेस्ड ही करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इस पे, है ना, ठीक है। और ये साइन का ग्राफ है, तो बिल्कुल सही जा रहे हैं अपन, बिल्कुल सही जा रहे हैं, बस इसमें वैल्यूज लिखते रहो, वैल्यूज लिखते रहो। तो ये ए क्या है, ये a होता है एम्पलीट्यूड, है ना, x की मैक्सिमम वैल्यू, ये a होगा 1 सेंटीमीटर, a होगा 1 सेंटीमीटर। आई थिंक इस क्वेश्चन को हम CGS में करेंगे तो हम बड़े खुश रहेंगे, क्योंकि आंसर भी CGS में देना है, तो हम CGS को में डील करेंगे, हम CGS में डील करेंगे, तो a को 1 ही लिख दो, चलो, है ना, सेंटीमीटर मत लिखो, a इज 1, ठीक है बच्चे, a इज 1। ये टाइम पीरियड हो जाएगा क्या, ये पूरा का पूरा, जब ये यहां से लेकर यहां आ जाता है, ठीक है, समझे मेरी बात, ये पूरा एक साइन कंप्लीट हो गया, एक पूरा साइन कंप्लीट हो गया, आपको दिख रहा है ना, जब ये अपना पूरा एक सर्कल कंप्लीट करता है, तो इसका एक साइन वेव भी कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे, इसीलिए मैंने बनाया है ये, ठीक है, कि एक्स देखो वाई कैसे वेरी कर रहा है, जब वाई वैसे वेरी कर रहा है, तो उसका ग्राफ ऐसे प्लॉट हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं ये बोल सकता हूं कि ये इसका टाइम पीरियड है, ये इससे इसका टाइम पीरियड है, क्या मैं ये बोल सकता हूं, ये इसका टाइम पीरियड है, मैंने क्या बोला था, टाइम पीरियड, ये ए की थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक पता है तो सारे निकाल सकते हो,
एक पता है तो सारे निकाल सकते हो, तो कोई इशू नहीं है, निकालेंगे निकालेंगे। तो टाइम पीरियड इज 8, ठीक है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 2 पाए बाय ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा, है ना, ठीक है, वो वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो ये सारे रिलेटेबल होते हैं। तो ओमेगा क्या आ गया, ओमेगा आ गया बेटा आपका पाई बाय 4, ओमेगा आ गया आपका पाई बाय 4। तो अब आपको पता है कि आप ये डाल सकते हो, आप ये भी डाल सकते हो, आप ये ओमेगा भी डाल सकते हो, आप ए भी डाल सकते हो, है ना। तो आपके पास एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया बेटा, आपके पास एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। बट यार इसको डिफरेंशिएट करोगे, वेलोसिटी निकालोगे, इसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे, एक्सीलरेशन आ जाएगा। काइनेमैटिक्स क्यों यूज कर रहे हो, तुम्हें फॉर्मूले आते हैं, तुम्हें काइनेमैटिक्स क्यों यूज करनी है, तुम्हें क्या निकालना था, एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या था, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला था क्या, याद है ये फॉर्मूला, इसी को दो बार डिफरेंशिएट करके आता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस ओमेगा स्क्वायर क्योंकि वाई में हो रहा था, तो वाई था, एक्स में होगा तो एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आपको ये बात समझ में आ गई कि ये आपको पता है, अब आप बस इतना निकाल लो कि 4/3 पे इसका पोजीशन क्या है, 4/3 पे इसका पोजीशन क्या है, वैसे निकाल लो, ठीक है। अब आपको पता है कि यार इसका आंसर, इसका आंसर तो पॉजिटिव ही, नेगेटिव ही आना है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यहां से लेकर यहां तक तो इसका वाई पॉजिटिव होगा, तो आंसर तो नेगेटिव ही आना है, तो यार पॉजिटिव वाले हटा दो, पॉजिटिव वाले हटा दो, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, ठीक है, निकालते निकालते निकालते। तो ओमेगा तो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 16, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस पाई स्क्वायर बाय 16 इंटू एक्स, ठीक है। अब आप ये निकालना चाहते हो कि टी इज इक्वल टू 4/3 पे एक्स क्या है, ठीक है, चलो वो निकालते हैं, क्योंकि आपको निकालना है एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू 4/3 इज नथिंग बट माइनस पाई स्क्वायर बाय 16 एक्स एट टी इज इक्वल टू 4/3। इसको यूटिलाइज करेंगे, यहां पे निकालेंगे कि भाई क्या है एक्स टी इज इक्वल टू 4/3 पे, चलो इसको निकालते हैं। तो हम निकालते हैं व्हाट इज एक्स एट टी इज इक्वल टू 4/3, टी इज इक्वल टू 4/3, तो ए को डालेंगे 1, ए 1 ही है, साइन साइन पाई बाय 4 इंटू 4/3, ठीक है, पाई बाय 4 इंटू 4/3 हो जाएगा साइन पाई बाय 3, ठीक है, ये हो जाएगा, ये आ जाएगा साइन पाई बाय 3, साइन 60 डिग्री आ गया, ठीक है। तो ये आ गया √3/2, ओ माय गॉड, ये आ गया आपका √3/2, ये यहां पे डालो, आंसर निकालो क्या आ रहा है, माइनस पाई स्क्वायर बाय 16 इंटू √3/2, √3/32, √3/32। तो मेरे हिसाब से डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। कैसा था क्वेश्चन, अच्छा था, बहुत अच्छा था, सुंदर, अति सुंदर। दिमाग ज्यादा लगाना था तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दिमाग ज्यादा भी लगा सकते थे इसमें, इस क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग लगा सकते थे, इसको लिख सकते थे एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय 4 इंटू टी, है ना, फिर आप इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालते, वेलोसिटी निकाल के फिर एक्सेलरेशन निकालते, फिर टाइम लगे, आप इसको बेसिक काइनेमैटिक्स से भी कर सकते थे, एक्स पता है वी निकाल लो, वी पता है ए निकाल लो, डिफरेंशिएट कर करके। एक और क्वेश्चन आपके सामने, मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आप खुद करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2023 में आया हुआ सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी, मुझे लगता है कि ये इस बार में किसी एक अटेम्प्ट में तो आएगा ही आएगा ऐसा सवाल, किसी ना किसी एक अटेम्प्ट में आएगा ही आएगा ये सवाल। नमो सर ऐसे नहीं बोलते, प्रेडिक्टर पेपर में कितनी बार हमारे हिट हुए हैं क्वेश्चन एग्जैक्टली जैसे हम देते हैं, ऐसा ही एक सवाल, एक और ऐसा सवाल बनता है, वो मैं एनटीए के पेपर में दूंगा आज, है ना, जो हमारा जो ऐप है JEE1 ऐप में जो टेस्ट होगा उसको डाउनलोड कर लो, JEE1 ऐप बिल्कुल फ्री है, ठीक है। अब जल्दी से इसको करते हैं, एक पार्टिकल है उसका मास दे रखा है, इसको हम SI में करेंगे क्योंकि न्यूटन दे रखा है ना, तो चलो इसको हम SI में करेंगे। मास क्या दे रखा है, मास है 1/4 kg, ठीक है, मास इज 1/4, ओके 1/4 kg, तो हमने मास यहाँ पे लिख दिया, वेरी नाइस। सिंपल हार्मोनिक मोशन अंडर पीरियोडिक फोर्स, अंडर पीरियोडिक फोर्स F इज इक्वल्स टू -25x, ओके ये दे रखा है। और मैंने आपको बोला था ना कि यार कभी कभी फोर्स ऐसे दे दिया होता है, स्प्रिंग वाला फोर्स दे दिया एक तरीके से, स्प्रिंग वाला फोर्स मैंने दिखाया था ना, SHM में कभी कभी ऐसे भी दिया होता है, ऑब्वियसली बात है MA = -KX, तो A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -X, फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जैसे करना है, ऐसे दे रखा है। पार्टिकल अटेन्स इट्स मैक्सिमम स्पीड, अब इसमें यह दे रखा है कि ये SHM है, बेसिकली ये एक SHM है फॉर श्योर, ये एक SHM है ना, A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -X, ये एक SHM है, पार्टिकल अटेन्स इट्स मैक्सिमम स्पीड ऑफ इतना। अब याद है आपको एक चीज, वो हमारी बातें याद है या नहीं है,
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता था वी मैक्स का, क्या फॉर्मूला होता था इस लॉजिक से? ये कुछ कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूं मैं यहाँ पे जो तुम्हें पता होने चाहिए। ये होता है ओमेगा इंटू ए, मेरी जान, ओमेगा इंटू ए। आपसे ए ही पूछा है, आपसे ए ही पूछा है, इन्होंने आपको वी मैक्स दे दिया। देखो इस क्वेश्चन में इन्होंने आपको वी मैक्स दे दिया 4। तो बेसिकली वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं आपको ये दे दिया इन्होंने, आपको ये निकालना है और आपको ये बताना है कि क्या है, ये इसका आंसर है, ए उसका आंसर है। तो ओमेगा निकालना है, टाइम पीरियड या ओमेगा जो भी निकालना है निकालते हैं, निकाले ठीक है निकालते हैं। ये के है, ये के है, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, इतना ध्यान मत दो, सिंपल एम ए लगाओ, मास दे रखा ना, एफ इज इक्वल टू एम ए लगाओ, ठीक है, एफ इज इक्वल टू एम ए, मैथमेटिकली चलो सिंपल, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, ठीक है, दिमाग ज्यादा लगाना अलाउड नहीं है इसमें क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये इसको 1/4 डालो यहाँ पे, तो a बाय फोर, तो a आ जाएगा माइनस 100x, a आ गया माइनस 100x। इसको कंपेयर करो, याद है फॉर्मूला बताया था मैंने, माइनस ओमेगा स्क्वायर x होता है SHM का, पहले तो आपने बोला हाँ यार ये SHM है, कंपेयर करो, ओमेगा क्या आ गया, 10 आ गया, यहां से ओमेगा 10 आ गया, ओमेगा 10 आ गया। अब लाइफ मचानी लाइफ है, अब फाइनल आंसर, आंसर का टाइम आ गया, ओमेगा को डालो, ये इसको डालो 4, ओमेगा आया आपका 10, ए निकालना था, सेंटीमीटर में निकालना है क्या, 0.4 मीटर, 100 से मल्टीप्लाई करो, 100 से डिवाइड करो, 40 सेंटीमीटर इज दी आंसर, 40 सेंटीमीटर, ये न्यूमेरिकल टाइप था, 40 है आंसर, 40 है, ये देख लेना यूनिट वगैरह। बच्चों कैसा लग रहा है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते अभी तक, बताओ कोई भी क्वेश्चन मुश्किल था क्या जिसमें बहुत ज्यादा सोचने पे मजबूर कर दिया मैंने, क्या ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड SHM सिंपल, कितना सिंपल सवाल है, बट मैंने आपको इसको करने का अच्छा तरीका बताया, नॉट द रट्टू तोता मेथड, मैं चाहता ही नहीं, मुझे बहुत नफरत है उस मेथड से, T/12, T/6, क्या बकवास कर रहे हो तुम यार, नहीं करनी चाहिए वो बकवास, नेवर। ये कमेंट होमवर्क है, ये क्वेश्चन आया था JEE 2023 में, प्लीज अंडरस्टैंड, ये NTA का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NTA का, और ऐसे और क्वेश्चन दूंगा, ये तुम्हें कमेंट होमवर्क में बताना है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, है ना, कमेंट में बताना इसका आंसर क्या होगा। और JEE 1 ऐप पे ऐसे और सवाल तुम्हें मिलेंगे, JEE 1 की जो ऐप है उसमें इसका फ्री टेस्ट आने वाला है, ये जरूर कर लेना, अभी के अभी लिख दो सर हम प्रॉमिस करते हैं सारे कर लेंगे, इसमें इसका फ्री टेस्ट है, वो आपको करना है, फ्री टेस्ट है आपको करना है, ठीक है। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यहां पे गलती मत कर देना, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ये बताना है आपको, ठीक है, वी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, वी और एक्स की कोई रिलेशन याद है, ओके ये होती है क्या, ओके 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 ओके, एक फॉर्मूला लगेगा, दिमाग खुद लगाओ, इसके बाद क्या आता है ना, सर्कल आता है, एलिप्टिकल आता है, स्ट्रेट लाइन आता है, साइनसॉइडल आता है, बताओ, ठीक है। चलो अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके बाद में तुम्हें इसका एक ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा जिएगा तुम्हें, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी, प्रॉमिस तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। एक्साइटेड नहीं लग रहा यार कोई, एक्साइटेड नहीं लग रहा, थोड़ा ब्रेक चाहिए क्या, हाँ चाय शाय पी के आनी है, एक्साइटेड नहीं लग रहा यार तुम लोग, एक बार देख ले हम कितना आगे पहुंच चुके हैं, एक बार देख लेते हैं, अब तो बहुत सिंपल पार्ट बाकी बचा है, शो प्रेजेंटर व्यू, अबे भाई सारी स्लाइडें कहाँ दिखती है, ओके यहाँ दिखती है, ओके हम कहाँ पे हैं, 22 पे है ना, हमारा लेक्चर खत्म होता है, अबे भाई लोड हो जा, हाँ मतलब हो जाएगा कभी ना कभी, है ना, ठीक है। नहीं ज्यादा नहीं है, इतनी सारी स्लाइडें नहीं है, यहाँ पे खत्म हो जाएगा, तुम्हें DPP भी दिए मैंने, ठीक है, तो आई थिंक वी आर मिडवे देयर, बट अभी इंटरेस्टिंग पार्ट है, ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा, देयर इज नो ब्रेक, ठीक है, देयर इज नो ब्रेक। अब देखो ध्यान से, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी वेरिएशन इन SHM, तो अब मुझसे बस बात करना, मैं चाहता हूं तुम बस मुझसे बात करो, इसमें मुझसे बस बात करो, ठीक है, भाई एग्जिट कर, हाइड प्रेजेंटर व्यू, हाँ ठीक है, हाँ अब ध्यान से देखो, मैं काम कर रहा हूं, ओके इसमें जूम इन ऐसे नहीं होता क्या,
जूम इन कैसे करते हैं, जूम 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 जूम, एरो ऑप्शन स्क्रीन, नहीं, इसमें जूम का ऑप्शन नहीं है शायद, पहले वाले में तो हो जाता था यार। ठीक है चलो, इतने से कोई देखो, जब ये एसएचएम हो रहा है, जब ये एसएचएम हो रहा है तो हमें पता है कि मैक्सिमम स्प्रिंग खाली हो जाती है यहाँ पे, ये नेचुरल लेंथ भी है ना स्प्रिंग की, नेचुरल लेंथ है, तो स्प्रिंग की कोई पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में जाती है, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी भर गई, फिर काइनेटिक एनर्जी, फिर पोटेंशियल एनर्जी, फिर काइनेटिक एनर्जी, फिर पोटेंशियल एनर्जी। आपको ये बात पता है कि यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी होती है विच इज ओमेगा ए के बराबर, जबकि यहां पे अगर मैं बात करूं, हाँ ठीक है, ये थोड़ा सा ना छोटा बड़ा हो गया है ना, थोड़ा सा छोटा बड़ा हो गया है ना, ठीक है। मैं ये बताना चाहता था कि यार ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, थोड़ा छोटा बड़ा हो गया, कोई इशू नहीं है। क्या हम इसको ठीक कर सकते हैं? हाँ हम इसको ठीक कर सकते हैं, इरेज ऑल इंक बाई एग्जिट। अब तो मैं इसके पीछे पड़ जाऊंगा, रुको एक मिनट, थोड़ा सा ना इसके पीछे पड़ जाते हैं। अरे यहाँ पे सही दिख रहा है, नहीं यहाँ पे सही नहीं है, रुको, नहीं अभी भी ठीक नहीं है, रुको हाँ थोड़ा सा ठीक करते हैं इसको। एक मिनट रुको, हाँ ये आप कहाँ खाम कहाँ आ गए यहाँ पे, ठीक है सही है। हाँ अब इसको ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तेरे की यार, ठीक है जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, अपन को ना एक काम करना पड़ेगा, इसको हाँ इसको यहां रखना पड़ेगा, यहां तक है, रुक रुक रुक, हाँ ये रहा ना, एक मिनट रुको आप बीच में आइए सर, ठीक है चलो विल डील विद इट यार, विल डील विद इट, यहीं पर कर देंगे ठीक है ना। तो मैं जो बोलना चाहता हूं उस पे, अब उस पे गौर करना, ये एसएचएम हो रहा है, इसके साथ इन लाइन नहीं था वो, तो अब इन लाइन कर रहा हूं मैं इसको, तो यार ये इसका एम्पलीट्यूड है ए, ठीक है ध्यान से देखो, ये इसका एम्पलीट्यूड है ए, ठीक है ऑब्वियसली बात है यार, ये इसका मीन पोजिशन है, प्लीज अंडरस्टैंड, ये इसका मीन पोजिशन है एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ये एक एक्सट्रीम है, ये एक एक्सट्रीम है। अब आपको पता है ये यहां पे रेस्ट पे है, आपको पता है ये यहां पे रेस्ट पे है, आपको ये भी पता है इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी यहां पे है, मैक्सिमम वेलोसिटी बीच में है जो कि ओमेगा ए के बराबर है, जो कि ओमेगा ए के बराबर है। तो मैं यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखने वाला हूं, तो ध्यान से देखना। अब अगर मैं बोल दू इसका मास एम है मेरी जान, अगर मैं बोल दू इसका मास एम है, ठीक है इसका मास एम है और इसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के है, तो मुझे सबसे पहले आप ये बताइए कि इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है, एनर्जी क्या होगी इसकी, जल्दी से बताओ एनर्जी ऑफ एसएचएम क्या होगी, एनर्जी ऑफ एसएचएम का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एनर्जी ऑफ एसएचएम अगर मैं बोलूं यार यहां पे नेचुरल लेंथ है, यहां पे कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ना तो स्प्रिंग में है ना ये किसी टेबल पे पड़ा है जहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि यार यू नॉट इज जीरो, मतलब इनिशियल यहां पे कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ना तो स्प्रिंग में है ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ना किसी और टाइप की पोटेंशियल एनर्जी है, तो इन दैट केस मैं बोल सकता हूं यार यहां पे पार्टिकल के पास खाली काइनेटिक एनर्जी है, व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम, क्या मैं ये लिख सकता हूं हाफ एम वी मैक्स का होल स्क्वायर, ठीक है और वहां पे पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है, तो उस लॉजिक से क्या ये आ जाता है हाफ एम, और ये आपका एसएचएम मतलब वेव्स में भी बहुत हेल्पफुल होता है, तो ये फॉर्मूला याद रखोगे बच्चों, क्या ये वाला फॉर्मूला याद रखोगे, एनर्जी ऑफ एसएचएम इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा ए का होल स्क्वायर, इस पिक्चर को ध्यान रखना, इसमें सारी की सारी एनर्जी यहां पे दिख रही है तुम्हें,
यहाँ पे खाली काइनेटिक एनर्जी है, हाफ एम ओमेगा ए का होल स्क्वायर इज द एनर्जी ऑफ SHM एंड इट्स अ कॉन्स्टेंट. इज दिस क्लियर? ठीक है, अब इसको एक और तरीका याद रखने का, हाफ के ए स्क्वायर. क्यों? यहां पे ये रेस्ट पे है, यहां पे कितनी एनर्जी होगी? हाफ के ए स्क्वायर. स्प्रिंग में भर गई एनर्जी सारी की सारी. कितनी भरी? हाफ के ए स्क्वायर. क्या ये दोनों बराबर हैं? जल्दी से बताओ, क्या ये दोनों बराबर हैं? ये बात समझ में आई? तो यार ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको पता होनी चाहिए, ये गोल्ड है, यू मस्ट नो दिस. एनर्जी ऑफ SHM क्या होगी? हाफ एम ओमेगा ए का होल स्क्वायर या हाफ के ए स्क्वायर. ये के क्या है? एफ इज इक्वल टू के एक्स वाला है ना, SHM का इक्वेशन. SHM में जो फोर्स लगता है मैंने बताया था ना, SHM में जो फोर्स लगता है उसको हम ऐसे लिखते हैं, है ना. तो ये वाला के हाफ के ए स्क्वायर, इसका एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है ना, ठीक है. और ये के स्प्रिंग कॉन्स्टेंट ही होता है ना, इन द केस ऑफ अ थिंग लाइक दिस, ठीक है. तो ये हाफ के ए स्क्वायर या हाफ एम ओमेगा ए का होल स्क्वायर है ना, इजी. हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है. बट देयर इज अ बिग बट हियर. अगर मैं बात करूं ठीक है, एक्स इज इक्वल टू प्लस है, एक्स इज इक्वल टू माइनस है, दिख रहे हैं यहां तक कोई शक? ये दो पोजीशन है. अब मुझे कोई बीच में पूछ ले किसी एक एक्स पे पूछ ले, ठीक है. यहां पे मुझे बताइए कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, यहां पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है. तो मैं बोलता हूं फॉर्मूला लगाऊंगा. मैंने बोला एक्स इज इक्वल टू जीरो पे नहीं, आपने मुझसे यहां पे पूछ लिया, तो मैं बोलूंगा चलो यार यहां पे वेलोसिटी वी है और इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो क्या मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स लिख सकता हूं? जल्दी से बताइए, क्या मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स लिख सकता हूं? इसकी काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स कैसे लिखूंगा मैं? इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ एक्स. तो काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स आ जाएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ये बात समझ में आई. अब मुझे कोई पूछता है, मुझे यार यहां पे नमो सर एक और चीज बताइए, मुझे यहां पे एक और चीज बताइए, व्हाट इज द स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी? हाफ के एक्स स्क्वायर या टोटल एनर्जी जो हमेशा यही रहेगी, टोटल एनर्जी है ना, ये टोटल एनर्जी, दिस इज नथिंग बट ई टोटल ऑल्सो है ना. तो अगर कोई मुझसे बोलता है पोटेंशियल एनर्जी बताइए, तो पोटेंशियल एनर्जी मैं ऐसे निकाल सकता हूं ना, टोटल माइनस काइनेटिक ई टोटल माइनस दिस. तो यार ये पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स आ जाती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस दिस. तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा. इज दिस क्लियर बेटा जी? ठीक है, इसमें आपने किया क्या? आपने कुछ नहीं किया, आपने बोला यार ये चीज यहां पे डाल दीजिए, ठीक है, और आपने बोला यार ये चीज यहां पे डाल दीजिए. तो जब आप ये दोनों चीजें डालेंगे तो ये आ जाएगा, जब आप ये दोनों चीजें डाल देंगे ये आ जाएगा. बट कभी कभी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी बताना होता है यार, तो यार ये एक फॉर्मूला होता है, और अभी ये जेई में आया था तो इसलिए ध्यान से सुनना, ये हम हमेशा अपने नोट्स में भी कराते हैं. एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी देखेंगे. तो बेटा आपको याद है मैंने अभी बताया था एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई, इसी को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी आ जाती है ओमेगा ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, ये आ जाता है. वेरी नाइस, आई लाइक इट. अब जल्दी से बताइए, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अगर मुझे बोलते हैं कि चलो यार यहां पे टाइम जो है वो टी इज इक्वल टू टी है, ठीक है, सो अब व्हाट इज द वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम? तो वो हो जाएगा ओमेगा ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव. So kinetic energy as a function of time, ठीक है, ये के as a function of x लिख सकते हो यहाँ पे, है ना, ठीक है, as a function of time क्या हो जाएगा? half m v square, तो ये हो जाएगा half m omega square a square cos square omega t plus phi, beautiful. U क्या हो जाएगा? U as a function of time हो जाएगा total energy minus kinetic energy as a function of time, ठीक है,
काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो जब आप ये चीज इसमें डालोगे, ये चीज जब ये एफ एक्स की तरह, एफ इंटू एक्स नहीं है वो, ठीक है। तो जब आप ये चीज यहां पे डालोगे तो देखो क्या आ रहा है, ये चीज आ जाएगी आपकी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और इसमें आ जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। इंस्टेंट एक काम करता हूं मैं, इसको छोड़ देता हूं, क्योंकि यही मेरा अगला सवाल है जेई में जो आया था ना, यही मेरा अगला सवाल है। सो अगर ये आपको नहीं भी आता था ना तो भी आपको आना चाहिए, मतलब अगर मतलब आपको ये रेप्लीकेट करना आना चाहिए। तो ये मैं टीम हटा रहा हूं क्योंकि फंक्शन ऑफ टाइम बहुत सारे बच्चे इंटू टी कर देंगे, इंटू टी समझ लेंगे, ठीक है ना। तो मैं उस पार्ट को हटा रहा हूं, ये आप खुद निकाल लेना इसको। अब मैं क्वेश्चन करा रहा हूं जो क्वेश्चन आया था जेई 2023 में, लास्ट ईयर आया था ये, वन ऑफ द चैलेंजिंग क्वेश्चन था। चैलेंजिंग मतलब बच्चों से नहीं हुआ यार, कम बच्चों से हुआ, मतलब जितने बच्चों से होना चाहिए था उतने बच्चों से हुआ नहीं। ये एक न्यूमेरिकल टाइप था, मैंने इसको ऑप्शंस में कन्वर्ट कर दिया कि तुम्हारे साथ मैं गेमिफाई कर पाऊं। तो जल्दी से देखते हैं कौन कौन कर पाता है। पल्लवी, टीम उड़ान, रेखा, तो चलो हमारे जीवन जिसको कर पाते नहीं कर पाते, रोहित, हाइड्रा, यश, पल्लवी टेक, पल्लवी टीम, हाँ जल्दी से करो उसको। जनरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब इक्वेशन दे दी, वही वाली इक्वेशन जो हमें पता है। लेट टी विद द टाइम पीरियड, ओके टी विद द टाइम पीरियड भी बोल दिया। द स्लोप ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम, मतलब यू वर्सेस टाइम, ओ गॉड, मतलब ये इस ग्राफ की बात कर रहे हैं, ओ माई गॉड, ये इस ग्राफ की बात कर रहे हैं, यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, ओ माई गॉड सर, ओ माई गॉड, कैसे करेंगे इसको? मैं बताता हूं कैसे करेंगे। सबसे पहले आप बोलोगे वेलोसिटी क्या जाएगी इसकी, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है सब कुछ, वेलोसिटी हो जाएगी ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, ठीक है, ये लिख दिया आपने। फिर आप इसको काइनेटिक एनर्जी निकालोगे, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, हाफ एम बी स्क्वायर से आपने काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल ली, ठीक है। फिर आपको पता है टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम क्या होती है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, देखो ये तो आपको पता है ना, यहाँ पे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये आपको पता है, और ये आपने वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल के काइनेटिक एनर्जी निकाल ली। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी जो मैं अभी करने वाला था, तो मैं बोलूंगा टोटल एनर्जी इज दिस प्लस यू, ठीक है, सो दिस माइनस के कर दो इसमें, है ना, ठीक है, दिस माइनस के कर दीजिए। ये क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन काफी, है ना, ठीक है। अब जल्दी से देखिए, जब आप इसको करेंगे तो ये आ जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस दिस, है ना, तो मैं इसमें कर देता हूं वन माइनस कॉस स्क्वायर, यही मसाला। तो अब यार ये कितना आ रहा है, जल्दी से देखिए, ये आ रहा है आपका हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ओ माई गॉड, दिस इज द फंक्शन, यू आर टी ऐसे आते हैं, यू आर टी ऐसे आते हैं, इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर एवरीवन। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और टाइम दे रखा है तो आपको पता है यार, टी और ये ओमेगा, वैसे टी देने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ओमेगा गिवन था, टी और ये रिलेटेबल होते ना, तो आपको तो पता ही है टी क्या होता है, टी इज टू पाई बाय ओमेगा, टी इज टू पाई बाय ओमेगा, ठीक है, ये आपको पता है बिकॉज ओमेगा इंटू टाइम पीरियड इज टू पाई, ठीक है, तो यू नो दिस, ये आपको पता है। हाँ, अब जब आपके पास ये आ गया है, आपको बताना है कि यार ये जो ग्राफ होगा ये कैसा होगा, पहले तो ये समझो, ये ग्राफ मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है, क्या मैंने ये ग्राफ सही लिखा है या गलत लिखा है, सही लिखा है थिंक सो, देख लो। अब इन्होंने मुझे बोला है द स्लोप, प्लीज अंडरस्टैंड, उन्होंने मुझे बोला है द स्लोप ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ, मतलब वो डी यू बाई डी टी की बात कर रहे हैं, वो किस चीज की बात कर रहे हैं, डी यू बाई डी टी की बात कर रहे हैं, इसको ये मैक्सिमम बोल रहे हैं, इसकी ये इसको मैक्सिमाइज करना है, इस स्लोप को मैक्सिमाइज करना है। तो पहली चीज ये UT का ग्राफ है, साइन स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, साइन स्क्वायर माइनस वन से नहीं, ऐसा कुछ होता है, साइन स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, राइट, ठीक है, साइन स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा होता है या नहीं होता है, ऐसा कुछ होता है ग्राफ, है ना, साइन स्क्वायर का, ये तो एक कॉन्स्टेंट है एक तरीके से, तो ऑब्वियसली बात है कि यहां गया फिर यहां आया, ओके, सो बेसिकली आपको ये बात समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं इसकी स्लोप मैक्सिमम हुई होगी यहाँ पे ना, देखो कहीं ना कहीं इसकी स्लोप मैक्सिमम हुई होगी यहाँ पे ना कहीं इसकी स्लोप मैक्सिमम हुई होगी, डी यू बाई डी टी मैक्सिमम हुआ होगा, आपको यही निकालना है। तो मैं बोलता हूँ यार ये क्वेश्चन है ही मैथमेटिकल, आप इसको और तरीके से नहीं कर सकते, मैथमेटिकली ही करना पड़ेगा,
तो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले डी यू बाई डी टी निकाल लेते हैं, एलिफेंट इन द रूम जिसकी बात हो रही है, तो डी यू बाई डी टी क्या होगा, जल्दी से निकालो डी यू बाई डी टी, बहुत सारे बच्चे आंसर भी निकाल रहे हैं। सिक्स कैसे होगा यार, सिक्स गलत आंसर है इसका, बता दिया। डी यू बाई डी टी क्या होगा, हाफ एम, ये तो सब कॉन्स्टेंट है, इसको एज इट इज रहने दो, इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे साइन स्क्वायर तो ये हो जाएगा टू साइन ऑफ ओमेगा टी, है ना, टू साइन एक्स कॉस एक्स, है ना, टू साइन ऑफ ओमेगा टी, टू साइन ऑफ ओमेगा टी, देखो ध्यान से, टू साइन ऑफ ओमेगा टी पहले आपने एक्सपोनेंशियल किया, फिर साइन का डिफरेंशिएशन साइन ओमेगा टी का क्या होगा, कॉस ऑफ ओमेगा टी, है ना, ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, है ना, ठीक है, कॉस ऑफ ओमेगा टी, और ये एक ओमेगा से भी मल्टीप्लाई होगा, ये एक ओमेगा से भी मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो दिस विल ऑल्सो गेट मल्टीप्लाइड बाय वन ओमेगा, थोड़ा छोटे में लिखता हूं, ओमेगा, ये बात समझ में आई, ठीक है, आइए थोड़ी बहुत आइए, टू साइन एक्स कॉस एक्स, टू साइन टू एक्स हो जाता है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपने लिखा डी यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा क्यूब, हाफ एम ओमेगा क्यूब साइन ऑफ टू ओमेगा टी, यह है, इसको आपको मैक्सिमाइज करना है, यू हैव टू मैक्सिमाइज दिस। अब देखो दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ बच्चे, ये पूरा कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट है ना, ये पूरा कांस्टेंट है, इसको मैक्सिमाइज करने का है, इस प्राणी को मैक्सिमाइज करने का है, तो इसको मैक्सिमाइज कर दो ना, इसको मैक्सिमाइज कर दो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, वन, तो ये किस टाइम पे होगा, विल बी मैक्सिमम एट व्हाट टाइम, यही निकालना था, विल बी मैक्सिमम एट व्हाट टाइम, यही निकालना था, है ना, तो आपने क्या किया, सो बेसिकली आपने लिखा डी यू बाई डी टी विल बी मैक्स, विल बी मैक्स इफ इफ साइन ऑफ टू ओमेगा टी, साइन ऑफ टू ओमेगा टी इज वन, इज वन, अबे आजा आजा, हाँ इज वन, ठीक है भाई, प्रभु ओ गॉड, थक गया मैं, सच में थक गया। अब आपको क्या करना है, अब ओमेगा को लिखो टू पाई बाई टी, सुनो सुनो, इसको अगर आपको मैक्सिमाइज करना है, सबसे कम टाइम निकालना है, तो इसको कंपेयर कर दो साइन पाई बाई टू से, ठीक है, तो आपको ये करना है साइन ऑफ, या बेसिकली इसको पाई बाई टू कर दो यार, है ना, दिस व्हाट इज साइन वन, व्हाट इज दिस, दिस इज साइन ऑफ 90 डिग्रीज या साइन ऑफ पाई बाई टू, पाई बाई टू ये कर दो, है ना, तो आप करोगे टू टाइम्स, आपको इस चीज को इस चीज से कंपेयर करना है ना, टू ओमेगा टी इज इक्वल्स टू पाई बाय टू, ठीक है जी, अब जल्दी से ओमेगा, ओमेगा को क्या लिखेंगे, ओमेगा को लिखेंगे, आपको ये निकालना है ना, ओमेगा को लिखो टू पाई बाय टी, तो ये हो जाएगा फोर पाई बाय टी इंटू टी इज इक्वल्स टू पाई बाय टू, पाई पाई कैंसिल, टी आ जाएगा टी बाय एट, टी आ जाएगा टी बाय एट, ओ माई गॉड, थका दिया भाई ने, ओ गॉड थका दिया, इजी इजी था, मुश्किल नहीं था, मुश्किल नहीं था, इट वॉज अ गुड जेई एडवांस, जेई मेन प्रॉब्लम। तो अब बच्चों जल्दी से बताओ, अभी तक मैंने आपको खाली बेसिक्स कराए, बेसिक्स कराए अभी मैंने एस एच एम के, एस एच एम का टाइम निकालने का सबसे मुश्किल सवाल आता है, वो सब करा दिया, अब आसान पार्ट है, अब टाइम पीरियड वाला पार्ट है, अब सब आसान है इसके बाद, ये वाला पार्ट है ही नहीं, आप सोच लो, ये वाला सबसे ज्यादा स्कोरिंग पार्ट है, मैंने आपको सबसे टिपिकल पार्ट एसएचएम का करा दिया है, अब खाली मजे ही मजे, लाइफ में मजे ही मजे, ठीक है, सच में मजे, टाइम पीरियड निकालने के लिए कुछ नहीं है, थोड़ा सा छेड़ दो, खुद ही पता चल जाएगा टाइम पीरियड क्या है, थोड़ा सा छेड़ दो, रिस्टोरिंग फोर्स निकालो, रिस्टोरिंग फोर्स को कर दो इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, जो बताऊंगा मतलब, शांति शांति शांति, ठीक है, ठीक है सर, चलो ये करा दी, अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, टाइम पीरियड ऑफ अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, पता होना चाहिए, मैं बोलूंगा पता होना चाहिए, बकवास नहीं, मैं ऑन अ सीरियस नोट, आपको पता होना चाहिए कि ये होता है टू पाई, जितना बड़ा मास होगा है ना उतना ज्यादा टाइम पीरियड होगा, जितना बड़ा मास होगा उतना धीरे 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 करेगा, है ना, और जितना ज्यादा स्टिफ स्प्रिंग होगा उतना कम टाइम पीरियड होगा, टू पाई अंडर रूट एम बाय के, ये आपको पता ही पता होना चाहिए,
वैसे ही आपको ये भी पता होना चाहिए, यू शुड नो दिस, ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज मेंट टू बी नोन, ये टेंथ में पता होता है और ये अभी इलेवेंथ में पता होना चाहिए, टू पाई अंडर रूट एम बाय के आपको पता ही होना चाहिए। वैसे आपको ये आपको पता है डिराइव कहां, यहां पे भी कर दिया था आपने, मैंने आपको दिखाया नहीं बट ये टू पाई अंडर रूट एम बाय के आपने डिराइव कर दिया था, मैं बताता हूं कहां पे, कहां गया वो, एक पॉइंट आया था जहां पे आपने डिराइव कर दिया था इसको, मैंने बताया नहीं था आपको उस टाइम पे, हाँ बताओ कहां पे किया था, यहां पे। आप इन दोनों को कंपेयर करिए, आप इन दोनों को कंपेयर करिए, जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे ना, इन दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे तो ओमेगा आपका अंडर रूट के बाय एम आ जाएगा। मैंने क्या बोला था, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, मैंने क्या बोला था, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, मैंने बोला था ना कि ओमेगा टू पाई बाय ओमेगा इस टाइम पीरियड, आप जब इन दोनों को कंपेयर कर रहे थे तो आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गया था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गया, टाइम पीरियड आ गया, मैंने क्या बोला था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड एक दूसरे के इनवर्स है ना, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट टू पाई इनटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इज दिस क्लियर, याद रहेगा ये सब, इजी इजी था भाई, बट ये तरीका नहीं होता इसको निकालने का, आसान तरीका बताता हूं इसको निकालने का, टाइम पीरियड ऑफ अ स्प्रिंग मास सिस्टम इज ऑलवेज टू पाई अंडर रूट एम बाय टू के, फर्क नहीं पड़ता आप ऑसिलेशन छोटा छोटा कराओ या बड़ा बड़ा कराओ, इसमें फर्क नहीं पड़ता, खाली स्प्रिंग मास सिस्टम में हमेशा ध्यान रखना, हुक्स रेंज में, हुक्स रेंज में जहां पे फोर्स एफ इज इक्वल टू के एक्स लगता है या माइनस के एक्स लगता है, वहां पे टाइम पीरियड होगा टू पाई अंडर रूट एम बाय के, ये आपको पता होना चाहिए, गांठ बांध लीजिए। हां जी ओके जी आगे बढ़े, ठीक है, अब सुनना कभी भी टाइम पीरियड निकालना हो तो थोड़ा सा छेड़ दो, कभी भी टाइम पीरियड निकालना हो तो मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं, स्टेप्स बता रहा हूं, प्लीज अंडरस्टैंड, पहले डिस्टर्ब द सिस्टम, ठीक है, या डिस्टर्ब या पहले डिस्टर्ब करो, डिस्टर्ब या ऐसे मत करो, डिस्टर्ब मत करो, है ना, इसको थोड़ा सा खींच दो, है ना, सो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज डिस्प्लेस, इसको करेक्ट वर्ड ये है, डिस्प्लेस, डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट विच हैज टू डू एस एच एम, डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट बाय अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एक्स, डिस्प्लेस करो इससे, फिर आप निकालो, देन फाइंड द रिस्टोरिंग फोर्स, अगर रिस्टोर ही नहीं हो रहा मतलब एस एच एम नहीं है, हो सकता है वही जा रहा है, भारी भाड़ में ही जा रहा हो, है ना, ठीक है, फाइंड रिस्टोरिंग फोर्स, फाइंड रिस्टोरिंग फोर्स एंड देन चेक एस एच एम है या नहीं, वो चेक करो, है ना, अगर है तो F रीस्टोरिंग को लिख दो M ओमेगा स्क्वायर X के बराबर, फाइंड ओमेगा, फाइंड टाइम पीरियड, इसका स्नैपशॉट ले लो क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूं, क्योंकि मैं खुद बोलने वाला हूं व्हाट द हेल इज दिस, इसको एक बार अगर तुम्हें रखना है तो रख लो, बट मैं तुम्हें बता रहा हूं फेंक दो। एस एच एम निकालने का तरीका ये हटा रहा हूं मैं, हटा दिया, ठीक है, स्नैपशॉट ले लेना रिवाइंड करके, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाय के, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाय के, ये होता है, कैसे निकलता है, मैं बोलता हूं पहले इसको डिस्प्लेस करो, कभी भी एस एच एम निकालना है पहले डिस्प्लेस करो, ओके, डिस्प्लेस करो बाय एक्स, स्मॉल एक्स, डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेस करने के बाद फिर से फिगर बनाओ, एक बार डिस्प्लेस कर दिया तो फिर से फिगर बनाओ, क्या जा रहा है तुम्हारा, ठीक है, डिस्प्लेस किया, फिगर बनाया, फिगर बनाते ही तुमने बोला हाँ रिस्टोरिंग फोर्स है सर, आपने बोला नमो सर रिस्टोरिंग फोर्स है के एक्स के बराबर, क्योंकि ये के था ये भी के है, रिस्टोरिंग फोर्स है के एक्स के बराबर, तो मैंने बोला रिस्टोरिंग फोर्स है तो रिस्टोरिंग एक्सिलरेशन भी निकाल लो, रिस्टोरिंग फोर्स है तो रिस्टोरिंग एक्सिलरेशन भी निकाल लो, ए रिस्टोरिंग निकाल लो, तो एफ इज इक्वल टू एम ए लिखो, एफ रिस्टोरिंग इज इक्वल टू मास इंटू ए रिस्टोरिंग, ठीक है, एफ आर इज इक्वल टू एम ए आर, है ना, मैं आर ई एस नहीं लिखूंगा दोबारा, ठीक है, तो एफ रिस्टोरिंग क्या हो गया, के एक्स इज इक्वल्स टू एम ए रिस्टोरिंग, ठीक है, अब आप यहां से खुश हो गए कि ए रिस्टोरिंग इज के बाय एम टाइम्स विच इज अ कॉन्स्टेंट टाइम्स एक्स, सो अब आप खुश हो गए, इसको देख के आप खुश हो गए, यू आर हैप्पी दैट ए रिस्टोरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, मतलब ये था एस एच एम, A is directly proportional to minus x या A restoring is equals to x, समझे मेरी बात, A restoring, क्योंकि आपको पता है restoring acceleration x, आपका x क्या था बच्चे, x आपका यहां पे था,
एक्स आपका पॉजिटिव था तो रिस्टोरिंग नेगेटिव था, तो ऑब्वियस सी बात है ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसीलिए मैंने लिखा इफ ए रिस्टोरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स मतलब एस एच एम है ना। आप ये मत याद रखो कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, कुछ गधे ऐसे करते हैं है ना, ऐसा करते हैं कुछ गधे बच्चे, क्या करते हैं वो मैं बताता हूं, वो क्या करते हैं वो बोलते हैं दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव सो इन दिस डायरेक्शन द फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। पागल हो क्या यार, थोड़ा सा डिस्प्लेस करो, देखो घर की तरफ फोर्स लग रहा है क्या, घर की तरफ फोर्स नहीं लग रहा होगा तो एस एच एम कैसे होगा यार, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया फोर्स कितना लगा के एक्स के, तो आपने बोला रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन, साफ दिख रहा है ना एक्सेलरेशन, यहां पे ही फोर्स है तो यहीं पर एक्सेलरेशन होगा, ठीक है ये निकाला। तो अब आपको पता है, अब आपको पता है, प्लीज अंडरस्टैंड, आपको एक फॉर्मूला पता है एस एच एम का, क्या फॉर्मूला था एस एच एम का, एक फॉर्मूला याद है जो एक ही फॉर्मूला होता था माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, या इसका उल्टा लिखो ए रिस्टोरिंग इज नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है ना, इज ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है इससे कंपेयर करना है आपको, एस एच एम का एक ही फॉर्मूला था। तो अब आपने क्या किया, आपने बोला यार एस एच एम है, पहले तो आपने बोला हाँ एस एच एम है क्योंकि ए इज ये है तो मतलब एस एच एम है, तो इसको इक्वेट कर दो ओमेगा स्क्वायर एक्स से, अब कंपेयर कर दो या कंपेयर कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कंपेयर करने से आ जाएगा अंडर रूट ऑफ के बाय एम, ओमेगा आ गया टाइम पीरियड आ गया, ओमेगा आ गया टाइम पीरियड आ गया, मुश्किल था क्या, मुश्किल था, मुश्किल था क्या, इजी, इजी है, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को एक और तरीका बताता हूं इसको करने का। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, अगर आप कहीं से भी पढ़ोगे या किसी भी किताब में देखोगे तो आपको ये ए रिस्टोरिंग नहीं मिलेगा, तो पहले तो नेगेटिविटी वहीं पर आ जाएगी। सेकेंड, अब एक जो दूसरा तरीका है ना वो तो तुम्हें मतलब पागल कर देगा, पागल कर देगा, द सेकेंड मेथड ऑफ फाइंडिंग द सेम टाइम पीरियड है ना, एक और तरीका होता है इसको करने का, तो प्लीज अंडरस्टैंड, अब मैं आपको एक ब्लैक स्क्रीन पे ले जाके वो बता रहा हूं। दूसरा तरीका, मेथड टू इज एनर्जी मेथड, मेथड टू इज एनर्जी मेथड, एनर्जी मेथड। अब ये एनर्जी मेथड जो है ना इसको भी गलत तरीके से पढ़ाया जाता है, एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखा जाता है, फिर बोलते हैं कि एनर्जी ऑफ एस एच एम इज कॉन्स्टेंट तो डी बाई डी टी जीरो, मैंने बोलता हूं वो वहां पे तुमने वैसी क्रिएटिविटी खत्म कर दी बच्चे की। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ये हर किताब की गलती है, मतलब पूरे सिस्टम की गलती है मैं बोलता हूं। अब इसको ध्यान से देखो, एनर्जी मेथड में क्या होता है, एनर्जी मेथड में आप ये करो कि एवरीवन प्लीज सी, आपके पास ये स्प्रिंग मास सिस्टम है, तो आपने क्या किया, आपने बोला आपने इसको थोड़ा सा एलोंगेट किया x से, ठीक है आपने इसको थोड़ा सा एलोंगेट किया x से, वो उसको a बोल दो अभी के लिए, उसको आपने a बोल दिया, एवरीवन आपने उसको a बोल दिया, ठीक है आपने उसको a बोल दिया a या x बोल दिया, यार वही एम्पलीट्यूड होगा क्योंकि फिर उसके बाद वो ऐसे ऐसे करता रहेगा ना, ठीक है आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। अगर आप उसको x एलोंगेट करते हो तो वो x ही करता रहेगा, अगर आप x लेके गए और छोड़ दिया तो ऐसे ऐसे करता रहेगा एस एच एम, ठीक है उसके बाद यही अरीना हो जाएगा ना एस एच एम का, मेरी जान ये बात समझे, अगर आप x लेके गए तो फिर ये x यहां पे भी जाएगा, ठीक है समझे मेरी बात, ये x इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा, ये x इक्वल टू ए हो जाएगा, तो ये a ही है, एम्पलीट्यूड वही हो जाएगा x जो आपने डिस्प्लेस किया। एस एच एम का टाइम पीरियड निकालने के लिए डिस्प्लेस करना पड़ता है, डिस्प्लेस करना पड़ता है, उसके बाद आपने जब डिस्प्लेस किया, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ये यहां पे रेस्ट पे था, जब ये लौटेगा, प्लीज जब ये यहां से यहां लौटेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी है ना, तो आप इसको इनिशियल मार्क कर दीजिए बच्चे, आप इसको इनिशियल मार्क कर दीजिए, जब आपने इसको एलोंगेट किया ये यहां पे था है ना, आप इसको इनिशियल मार्क कर दीजिए, उसके बाद जब ये मीन पोजीशन पे आएगा, उसके बाद जब ये लौटेगा मीन पोजीशन पे, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, उसके बाद जब ये मीन पोजीशन पे लौटेगा तो इसकी वेलोसिटी होगी ओमेगा ए, ओमेगा ए, बस काम खत्म, डन 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 डन। अब आप क्या करोगे, अब आप एनर्जी, एनर्जी विजुअलाइजेशन से कर लो, अब आप खाली बोलोगे एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू एनर्जी फाइनल, यहां पे सारी की सारी एनर्जी स्प्रिंग में थी हाफ के ए स्क्वायर, उसके बाद सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक हो गई क्योंकि यहां पे तो नेचुरल लेंथ है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, इससे भी वही हो गया, इससे भी आपका ओमेगा क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ के बाय एम आ गया, देखो ओमेगा आ गया, टाइम पीरियड आ गया, टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई अंडर रूट एम बाय के, बट दिस इज अ बेटर मेथड क्योंकि इससे सारे सवाल हो जाते हैं, इससे सारे सवाल हो जाते हैं। थोड़ा सा डिस्प्लेस करो, रिस्टोरिंग फोर्स निकालो, थोड़ा सा डिस्प्लेस करो, रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन, देख लो रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स हो गया, इज दिस क्लियर, ठीक है, इज इट ओके, किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि यार नहीं यार ये बेस्ट कॉन्टेंट नहीं है,
कोई ऐसा तो नहीं है यहाँ पे जिसको ऐसा लग रहा हो कि नहीं यार ये बेस्ट कंटेंट नहीं है अभी तक जो भी पढ़ा है। नहीं आई एम वेरी वेरी सीरियस अबाउट इट, क्योंकि तुम ना अभी मैं बता रहा हूँ तुमने 3 लेक्चर्स कर लिए इन जस्ट 1 आवर 49 मिनट्स। मैंने आज तक 1 आवर 49 मिनट्स में SHM में इतनी डिटेल में इतनी सारी चीजें एक्सप्लेन कभी नहीं करी है, कभी नहीं करी है सच में। सबको अगर यकीन हो तो ही बोलना ठीक है ना कि हाँ यार ये बेस्ट है, ठीक है बेस्ट ही है ना, बिल्कुल सही बात है बेस्ट ही होना चाहिए यार, उसकी मेहनत कर रहा हूं मैं यहाँ पे। अब हम बात करेंगे 2023 के एक सवाल की, और इसको आप मैं चाहता हूं कि सारे बच्चे करें। अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया उसी पे सवाल है, उसी पे सवाल है, और अभी सारे बच्चे निकालेंगे इसका आंसर है ना। कुछ लोग गूगल भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, मिल जाएगा कहीं ना कहीं। अब लॉक ऑफ मास 2 kg इज अटैच्ड टू टू आइडेंटिकल स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट 20 Nm ईच 20 Nm ईच। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा इस क्वेश्चन में। द ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस एंड एंड्स ऑफ द स्प्रिंग्स आर अटैच्ड टू द रिजिड सपोर्ट्स। तो नेचुरल लेंथ में दोनों के दोनों है ना, दोनों के दोनों ये नेचुरल लेंथ में है, ये भी नेचुरल लेंथ में है, दोनों का दोनों आइडेंटिकल स्प्रिंग है, तो ये के है तो ये भी के है, ठीक है वेरी नाइस ओके। व्हेन द मास इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम, हाँ तो बेसिकली इसका SHM बताना है। अगर हल्का सा डिस्प्लेस किया, हल्का सा डिस्प्लेस किया तो ये टिंग 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 करेगा, इसीलिए टाइम पीरियड निकाला। इसमें भी ये था ना, हल्का सा डिस्प्लेस किया तो टिंग 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 करेगा, हल्का सा डिस्प्लेस किया तो टिंग 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 करेगा। ऑब्वियसली बात है यहाँ पे भी ऐसे होगा, हल्का सा डिस्प्लेस किया तो टिंग 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 करेगा है ना, ठीक है इज दिस क्लियर। ऐसे ऐसे होता रहेगा। तो पहले मैं बोल रहा हूँ अगर मल्टीपल स्प्रिंग्स है ना तो पहले इसका इक्विवेलेंट बना लो, हमेशा बेस्ट रहता है बेटा, हमेशा बेस्ट रहता है। इसका इक्विवेलेंट बना लो, इसको मैं लिख देता हूं के इक्विवेलेंट, और एक मास में कन्वर्ट कर लो। तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा बट लाइफ में तुम्हें ही मजा आएगा फिर, ठीक है लाइफ में तुम्हें ही मजा आएगा। और के की वैल्यू 20 है, के की वैल्यू 20 है, तो मुझे बताओ के इक्विवेलेंट क्या होगा। ऑब्वियसली बात है अगर मैं इसको एक्स से डिस्प्लेस करता हूं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, अगर मैं इसको एक्स से डिस्प्लेस करता हूं तो आपको पता है यार यहां पे भी फोर्स के एक्स लगेगा, इसका भी फोर्स के एक्स लगेगा, 2 kx लगेगा। के इक्विवेलेंट ऑब्वियसली बात है ये पैरेलल कनेक्शन होता है, ये पैरेलल कनेक्शन होता है, तो मैं 2k कर सकता हूं उसको। सो दिस इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू कि मैं ये दोनों स्प्रिंग ऐसे लगा लेता है ना, तो इसको ऐसे करके ऐसे कर लेता, तो दिस इज नॉट अ सीरीज कनेक्शन, दिस इज अ पैरेलल कनेक्शन, ये इसके बराबर है, ये सारे के सारे इक्विवेलेंट है। के ऐसे लगे, के ऐसे लगे, ये पैरेलल कनेक्शन होता है। इसमें भी अगर एक्स से डिस्प्लेस करता हूं तो kx kx 2 kx, इसको भी ऐसे डिस्प्लेस करता हूं तो इसका kx ऐसे, इसका kx ऐसे, इसका पुल फोर्स आएगा, इसका पुश फोर्स आएगा, तो दोनों का 2 kx, इस पे भी 2 kx एंड इस पे भी 2 kx आएगा, तो ये तीनों इक्विवेलेंट सिचुएशन है, ठीक है ना। सो दिस इज नॉट इक्विवेलेंट टू एक स्प्रिंग लगी है फिर एक स्प्रिंग के आगे एक स्प्रिंग लगी है, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है ना। सो ये बेसिकली ऑपोजिट ऑफ जो ये देखो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है ना, ये ऑपोजिट ऑफ रेजिस्टर होता है एंड सेम एज कैपेसिटर होता है। तो कितने सारे लोगों को ये बात समझ में आ गई कि यार ये इसकी जगह मैं इसको देखूं, आप इसको देखो ना बेटर है, इसको देखो कि यार ये 2 किलो है, ये 40 के इसकी वैल्यू, के इक्विवेलेंट की वैल्यू 40 हो गई यहां पे, और ये एम तो 2 ही है, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि व्हेन द मास इज डिस्प्लेस्ड, आपको बताना है टाइम पीरियड ऑफ इसका, टाइम पीरियड है ना, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज इतना, इसका टाइम पीरियड टी जो है ना, इसका टाइम पीरियड टी इज गिवन एज एक्स बाय रूट एक्स, मतलब पाई बाय रूट एक्स। आपको एक्स की वैल्यू बतानी है मेरी जान, एक्स की वैल्यू बतानी है। मैं बोलता हूं कॉमन सेंस से करो भाई, कॉमन सेंस से करो, इसका क्या होगा 2π अंडर रूट एम बाय के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है आपको ये पता है, इसका ये होगा, और फिर आपको यही चीज इससे इक्वेट करनी है, यही टी से इक्वेट करना है। काम खत्म करते हैं जल्दी से, दफा दफा करते हैं। तो आपने लिखा टाइम पीरियड टी इज इक्वल्स टू 2π अंडर रूट ऑफ 2 upon k इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 40, ठीक है 40 हो गया। और अगर आपको ये और सिंप्लीफाई करना है तो आप देख सकते हैं ये 20 से जाएगा, ये 20 से जाएगा, इसको अंदर ले लो 4, तो ये आ जाएगा पाए बाय रूट 5 आ जाएगा, ये पाई बाय रूट 5 है एंड आपको ये इक्वल दे रखा है पाई बाय रूट एक्स के। तो देखो आप कंपेयर कर सकते हो, एक्स की वैल्यू मेरी 5 आ रही है, क्या आपकी भी 5 आ रही है बच्चों, क्या आपकी भी 5 आ रही है, 5 आ रही है। अब मुझे बताओ नमो सर ने अच्छे से पढ़ाया, मैंने बोला ना ये पता होना चाहिए, जल्दी होता है सवाल, देखो फ्री के नंबर है यार, इतनी जल्दी केमिस्ट्री के जैसे ऑर्गेनिक के सवाल होते हैं ना उतनी जल्दी हो जाएगा ये। मैंने क्या किया, मैंने खटाक से ये किया, खटाक से मैंने ये लिखा, ये मैंने इक्वेट किया, आंसर आ गया। तो ये प्रोफिशिएंसी, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज दैट पावर। एक सवाल दो सवाल आते हैं इससे यार, इसकी एप्लीकेशन के तो आते ही आते हैं, ठीक है। हैव अ लुक एट, हाँ दिस इज होमवर्क,
अब अगर वो हो गया था तो ये तुमसे होना चाहिए, ये इसमें तुम, मैं चाहता हूं कि तुम लोग दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, ठीक है ना। और फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो मैं तो बोलता हूँ जीवन और जीनियस बैच में दोनों में मैं कराऊंगा ये SHM और अच्छे से इंटरेक्ट कर करके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आई विल बी कनेक्टेड विद यू। तो जीवन ऐप पे आप लिटरली जीनियस और जीवन बैच का पार्ट बन सकते हैं इफ यू वॉन्ट टू गो इन एक्सट्रीम डिटेल ऑफ एडवांस्ड एज वेल, ठीक है। तो ये चीज है, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। अब मैं आपको बताता हूं ये क्यों बताना इंपॉर्टेंट है, इसको डिराइव करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद फिर सवाल जो आएगा ना, फिर ये आएगा, ये सवाल कैसे करोगे, ये आया था एडवांस्ड में, ये क्वेश्चन आते हैं एडवांस में, 2009 में आया था, पिछले साल भी ऐसा एक सवाल आया था, बट ये सारे सवाल होते हैं रोटेशनल, रोटेशनल SHM से। प्लीज अंडरस्टैंड, SHM में भी एक SHM होता है और एक होता है रोटेशनल SHM, रोटेशनल SHM, रोटेशनल SHM और SHM में क्या अंतर होता है यही लिखने वाला हूं मैं यहां पे। एक SHM है और एक रोटेशनल SHM है, दोनों में अंतर यहां पे लिखेंगे, ठीक है, दोनों में अंतर यहां पे लिखेंगे, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। SHM और रोटेशनल SHM दोनों की कंडीशंस क्या क्या होती है, याद है जब मैंने रोटेशन पढ़ाया था, अगर तुम लोगों को मेरा रोटेशन याद है तो मैं बोलता था ना कि डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी हो जाता है, एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाता है, ठीक है, ये सारी चीजें याद है, ठीक है। अभी पूर्णिमा मैम कहीं गई थी, आई एम जस्ट वॉन्ट टू सी इफ मैम इज सेफ राइट नाउ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट बच्चों, ठीक है, जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन, एक बार मैम से पता कर लेते हैं अगर वो सेफ है या नहीं है, ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ जी मैम, आर यू सेफ, ओके थैंक यू, आ जाइए फिर, ठीक है, रोड क्रॉस ठीक से करना, थैंक यू सो मच। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि ये क्या ड्रामेबाज टीचर है, भाई तुम्हें पता नहीं है पूर्णिमा मैम के बारे में, ठीक है, मैंने उनकी जान बहुत बार बचाई है, ठीक है, एक बार हमारे घर के सामने, ठीक है, तो मुझे बहुत डर लगा रहता है। आज मेरी क्लास थी बट लगता है यार, हाँ ठीक है, अब सुनना ध्यान से, पूछना कभी उनसे तुम्हें ना, यहाँ पे YouTube पे मत पूछना, बैच में पूछना, बैच में तुम्हें मैम बताएंगे अच्छे से, ठीक है। तो हम ये सारी चीजें तो करते ही हैं, ये करने में हमें मजा आता है, तो अब ऑब्वियसली बात है अगर ये सारी चीजें हम करते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि SHM की कंडीशन क्या थी, याद करो SHM में हम बोलते थे कि ए रिस्टोरिंग रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। तो अब उसी लॉजिक के हिसाब से अल्फा रिस्टोरिंग हो जाएगा एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना, डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये कंडीशन समझ में आ गई, ये बातें समझ में आ गई, ये बातें समझ में आ गई, ठीक है, यही यही तो इसका बेसिस होगा, यही तो इसका बेसिस होगा, डिस्प्लेसमेंट बिकम्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी बिकम्स एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन बिकम्स एंगुलर एक्सेलरेशन, फोर्स बिकम्स टॉर्क, ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। तो अब ऑब्वियसली बात है यार, यहां पे हम रिस्टोरिंग फोर्स निकालते थे तो रिस्टोरिंग फोर्स विल बिकम रिस्टोरिंग टॉर्क, रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन विल बिकम रिस्टोरिंग एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। अब अगेन किताबों में ये नहीं लिखा जो मैंने लिखा है, मेरे को तो पॉजिटिविटी से प्यार है तो मैं नेगेटिव चीजें लिखता नहीं, किताब में अभी भी ये लिखा होगा ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, मैंने बोला महाराज क्यों। तो पहली चीज तो देखो ये ऐसे पड़ा है, इसका टाइम पीरियड निकालने के लिए इसको डिस्प्लेस तो करना पड़ेगा ना, तभी टंग 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 करेगा, तभी टाइम पीरियड की बात होगी, थोड़ा डिस्प्लेस तो करना पड़ेगा। तो यार यहां पे आप छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, हमेशा SHM में छोटा डिस्प्लेसमेंट करते हो, बड़ा डिस्प्लेसमेंट नहीं है ना, यहां पे टाइम पीरियड आप ये नहीं बोल सकते टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, है ना, ये इसके लिए वैलिड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बहुत बड़ा थीटा है, इसको आपने बहुत बड़ा थीटा दे दिया, इट इज वैलिड फॉर वेरी स्मॉल, ये यहां पे एक छोटा सा SHM कर लेता है ना, तो इट्स वेरी वैलिड फॉर वेरी छोटा सा एंगल, ये बहुत छोटा सा एंगल के लिए होता है ना, ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड। सो प्लीज अंडरस्टैंड, थीटा शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, तभी SHM होता है, अगर थीटा बहुत छोटा है तो होता है तो ही ये बॉब यहां पे SHM करता है टंग 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 टंग, या आप ये बोल सकते हो एंगल का SHM होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो, अब देखो ये चीज एंगुलर SHM कर रही है ना, एंगल इसका SHM कर रहा है, ठीक है ना, प्लीज अंडरस्टैंड दैट, ये डिफरेंस होता है इसमें,
आपको ये एनालॉजी ही पता होनी चाहिए, उससे ज्यादा आपको कुछ पता नहीं होना चाहिए ना, ठीक है। तो यार दिस इज देन ओनली इट विल बी एस एच एम, मतलब थीटा उतना छोटा हो, थीटा उतना छोटा हो दैट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। आपको पता है ना साइन एक्स इज एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल, ऐसा कुछ एक्स क्यूब एक्स की पावर फाइव ये सारे आते हैं। तो एक्स साइन एक्स इज एक्स, अगर एक्स क्यूब मतलब एक्स इतना छोटा है कि एक्स क्यूब को जीरो कर दिया, एक्स फाइव को जीरो कर दिया, टेन एक्स के फॉर्मुले में भी एक्स एक्स क्यूब एक्स की पावर फाइव ये सब आता है। तो बेसिकली जब एक्स बहुत छोटा होता है या जब थीटा बहुत छोटा होता है तो उसकी वैल्यू रेडियन में साइन थीटा और टेन थीटा के बराबर होती है, तब जाके आप ये वैल्यूज लगा सकते हो, तब जाके आप ये वैलिड कर सकते हो, तभी ये यहां पे इतना इतना अमेजिंग एसएचएम करेगा, टिंग 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 एसएचएम करेगा, ठीक है। अब ये निकालते कैसे, एक बार निकाल देता हूं कि तुम्हारे मन की मन को शांति हो जाए और तुम्हें वो प्रोसेस समझ में आ जाए, एसएचएम का टाइम पीरियड निकालने का प्रोसेस समझ में आ जाए। तो मैं यही बोल रहा हूं कि यार मैंने ना इसको डिस्प्लेस किया, फर्स्ट स्टेप मैंने क्या किया डिस्प्लेस किया। अब चलो यार यहां पे लिख देता हूं मैं स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप इज डिस्प्लेस, डिस्प्लेस है ना, फिर आपका है रिस्टोरिंग टॉर्क निकालो, है ना, रिस्टोरिंग टॉर्क निकालो, फिर रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन निकालो, अल्फा निकालो, मतलब टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, है ना, रिस्टोरिंग अल्फा निकालो, फिर रिस्टोरिंग अल्फा आ गया, रिस्टोरिंग अल्फा आ गया, और फिर इसको कर दो इक्वल टू, इसको कर दो इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा, ठीक है, ओमेगा आ गया, टाइम पीरियड आ गया, ये इसके स्टेप्स हैं, ये इसके स्टेप्स हैं। वैसे एक और चीज है, रोटेशनल एसएचएम और एसएचएम को एनालॉजी से सिखा रहा हूं, तो एक और चीज मैं बताना भूल गया था वहां पे, यहां पे ए रिस्टोरिंग क्या होता है, ए रिस्टोरिंग होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स, यहां पे अल्फा रिस्टोरिंग क्या होगा ओमेगा स्क्वायर थीटा, ठीक है, ओमेगा अल्फा मतलब एक्सेलरेशन, रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन बिकम्स रिस्टोरिंग एंगुलर एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट बिकम्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यार ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इट्स अ गुड थिंग टू नो, ठीक है, इट्स अ गुड थिंग टू नो। क्या ये बातें बातें समझ में आ गई, बांधते बांधते समझ में आ गई, ये सारी ये इंपॉर्टेंट चीजें सारी लिख दी एनालॉजी की। तो यार यहां से आप बहुत आगे बढ़ोगे लाइफ में। अब मैं ये निकाल के बताऊंगा 2 पाई अंडर रूट एल बाय, मतलब इसी प्रोसेस को यूज करके मैं बहुत आसानी से प्रूव कर दूंगा कि ये एक एंगुलर एसएचएम कर रहा है, ये एक रोटेशनल एसएचएम या एंगुलर एसएचएम कर रहा है, और इस एसएचएम का टाइम पीरियड मैं ऐसे निकालूंगा। ऐसे ही निकालो, है ना, कुछ लोग इसको वैसे भी निकाल लेते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है, मतलब लीनियर से भी निकाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं तो ऐसे निकालूंगा। अब मैं बोलता हूं कि चलो यार इसको ना एक बार डिस्प्लेस करते हैं, एक छोटे से एंगल से मैंने इसको डिस्प्लेस किया। अब ये छोटा एंगल है नहीं, बट बनाना पड़ेगा, इतना छोटा बनाऊंगा तो भाई लिखूंगा कैसे, कॉस थीटा साइन थीटा नहीं लिख पाऊंगा, है ना, ठीक है। तो मैं एक काम कर रहा हूं, सबसे पहले मैंने एक बड़ा एंगल ही बनाया, बट ये है छोटा, बड़ा एंगल बनाया बट ये है छोटा, ठीक है। सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव डिस्प्लेस्ड इट बाय थीटा, और मैंने यार यहां पे लिख दिया कि ये थीटा छोटा है, बहुत छोटा है, इट इज वेरी 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 स्मॉल, दिस थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है, वेरी नाइस। अब मैं देखता हूं कि यार इस पे रिस्टोरिंग टॉर्क क्या लग रहा है ना, डिस्प्लेस कर लिया, चलो पहली बात आपने डिस्प्लेस कर लिया, अब इस पे टॉर्क निकालते हैं बच्चे, टॉर्क निकालते हैं। अब टॉर्क निकालने के लिए आप पहले फोर्स मार्क करिए, चलो आपने ये एम जी मार्क किया, ठीक है, खच 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 खच, आपने आपको पता है यार ये एंगल भी थीटा होगा और यार ये वाला एंगल कुछ होगा, है ना, तो इस फोर्स को तोड़ दो, चलो जल्दी से इस फोर्स को तोड़ दो, आपने बोला यार ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा और यार ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा। अब आपको यार ये बात भी समझ में आ गई, यार ये तो कोई टॉर्क नहीं देगा, ये सारा टॉर्क देगा, ठीक है, तो इसकी वजह से ही एक रिस्टोरिंग अल्फा आएगा, ठीक है, ऑब्वियस बात है, क्योंकि इस पे जो टॉर्क होगा ये तो टेंशन से इक्वेट हो जाएगा ना, एवरीवन इज क्लियर अबाउट दिस, ये वाला तो टेंशन से इक्वेट हो जाएगा, है ना, तो ये यहां पे रेस्ट पे आपने इसको डिस्प्लेस किया, तो ये एम जी कॉस थीटा को तो टेंशन मार देगी, एम जी साइन थीटा इसको टॉर्क देगा। तो अब आपने क्या किया, इस पॉइंट के अबाउट, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, इस पॉइंट के अबाउट आपने, हिंज पॉइंट इज ऑलवेज द इंपॉर्टेंट थिंग, आपने लिखा रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा, यहां पे क्या लिखते थे, एफ इज इक्वल्स टू एम ए, यहां पे अपन ये लिखते थे ना एफ आर इज इक्वल टू एम ए आर, यहां पे हम लिखेंगे टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, क्योंकि और हाँ आपको पता था ना मास इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है, ठीक है, सिंपल, तो रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल्स टू मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू रिस्टोरिंग अल्फा, टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा, रिस्टोरिंग में लिख दिया आपने, ठीक है, लिखते हैं सर, सर बिल्कुल लिखेंगे अपन, क्यों नहीं लिखेंगे, तो हम लेंगे लिखेंगे एम जी साइन थीटा, हम लिखेंगे एम जी साइन थीटा, और इस लेंथ को एल मान लो, इस लेंथ को एल मान लो, है ना, एम जी साइन थीटा इंटू एल, ये टॉर्क हो जाएगा ना, एम जी साइन थीटा इंटू एल,
परपेंडिकुलर फोर्स इंटू लेंथ, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं दिस इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो भी कर सकते हो तुम्हारी मर्जी, एम जी इंटू एल साइन थीटा, कुछ लोग ऐसे भी कर सकते थे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के, है ना, ठीक है, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दिया, ये एल साइन थीटा होगा, तो एम जी इंटू एल साइन थीटा या एम जी साइन थीटा इंटू एल, जो भी तुम्हारी मर्जी है, इज इक्वल्स टू इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एम एल स्क्वायर, ठीक है, एम एल स्क्वायर इंटू अल्फा रिस्टोरिंग। अब यार यहां से होगा जादू, यहां से होगा जादू, देखो एम से एम कैंसिल हो गया, एम से एम कैंसिल हो गया, एक एल से ये एक एल कैंसिल हो गया। अब आपने एक चीज रियलाइज करी कि इसमें नमो सर अल्फा रिस्टोरिंग आ गया इक्वल टू जी जी बाय एल, बट एक प्रॉब्लम हो गई सर, यहां पे आया साइन थीटा, एक प्रॉब्लम हो गई, यहां पे आया साइन थीटा। मैंने बोला था एसएचएम कब होगा, एसएचएम तब होगा जब अल्फा रिस्टोरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, इसीलिए मैंने बोला था कि थीटा को छोटा रखना है, When theta is छोटा it is equal to sin theta। तो आपने बोला because theta is छोटा, तो आपने बोला it is equal to, it is approximately equal to g2, है ना, तो अब आप ये कर सकते हो, इसका मतलब ये एक SHM है, इसका मतलब ये एक SHM है, देखो ये ब्यूटिफुल चीज आ गई, इसका मतलब ये एक SHM है, और इसका मतलब अगर थीटा ये इसके लिए नहीं लगाते तुम 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अब तुम बोलोगे नहीं नमो सर हमने तो लैब में लगाया तो सर 30 डिग्रीज पे सर ने हमारा टी इज इक्वल्स टू 2 पाई, मतलब 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी से हमारा एक्सपेरिमेंट कराया था। बेटा होता है वो रियलिटी में नहीं होता है ना, रियलिटी में ये जो टाइम पीरियड, मतलब वो एक छोटे एंगल के लिए आप निकाल सकते हो, है ना, एक पेंडुलम में आप छोटे एंगल के लिए निकाल सकते हो, इट इज क्लोज टू दैट। मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो बहुत बहुत मतलब डेसिमल में फर्क आता है इसलिए ऐसे करते हैं, दो तीन सेकंड का फर्क आता तो नहीं करते, बट हाँ एक छोटे एंगल के लिए मतलब 10 डिग्रीज तक भी 20 डिग्रीज तक भी मतलब बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आता, इसके पास ही वैल्यू होती है, इसके पास ही वैल्यू होती है, इसलिए वो सर लोग लगा देते हैं मतलब स्कूलों में, है ना, ठीक है, इज दिस क्लियर। तो अब ये कितना प्यारा हो गया, कितना सिंपल है यार एसएचएम, है ना, कितना सिंपल है, देखो कितना सिंपल है। अब आप क्या करोगे, आपको मैंने क्या बोला था, दिस इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर थीटा कर दो, है ना, थीटा थीटा कैंसिल, ओमेगा आ जाएगा अंडर रूट ऑफ जी बाय एल, है ना, टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, बताओ मजा आया क्या, 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, ये सही तरीका होता है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम निकालने का। इसमें भी काम चोरी कर देते हैं, इसमें भी काम चोरी कर देते हैं कुछ लोग, क्या करते हैं मैं बताता हूँ, वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं चलो अपन इसके लिए निकाल लेते हैं ना, हम बोल देते, वो बोल देते हैं कि यार इसी को एसएचएम मान लेते हैं, इस अरीना को, तो ये जो फोर्स होता है ना एम जी थीटा, और ये बोलते हैं कि थीटा इज एल बाय आर, तो बेसिकली वो के एक्स वाला फॉन्ट, मतलब जो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू एम ए आर कर देते हैं, बट दैट इज नॉट द राइट वे टू डू इट। जब आप रोटेशन में कर रहे हो तो मतलब कहते ना इन रोम डू लाइक द रोमन्स डू, है ना, इन रोम डू लाइक द रोमन्स डू, इन इटली डू लाइक व्हाटएवर, यार मतलब समझ जाओ यार, है ना, ठीक है, तो वही वाली बात है, अगर हम रोटेशनल एसएचएम कर रहे हैं तो उसके फंडे लगाएं तो बेस्ट है, वैसे भी कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसे ही होगा, सेम फंडे से होगा, ये क्वेश्चन सेम फंडे से होगा, थोड़ा सा डिस्प्लेस करो, इसमें ये लिखा ना छोटा सा डिस्प्लेसमेंट पे इसका ऑसिलेशन निकालना है, ये के है, ये के है, ये एम कॉमा एल है, सेंटर में पिवटेड है, सेंटर में पिवटेड है, तो आपको पता है यार इसका एसएचएम अबाउट अबाउट दिस पॉइंट हो रहा है, खच 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 अबाउट दिस पॉइंट हो रहा है, अबाउट द हिंज हो रहा है, तो ये हिंज देवता है, हिंज के अबाउट एसएचएम हो रहा है, हिंज के अबाउट एसएचएम हो रहा है, हिंज्ड है ना ये, ठीक है, हिंज के अबाउट ये एसएसएस हो रहा है, ठीक है ना, इज दिस क्लियर, हिंज के अबाउट ये एसएसएस ऑसिलेट हो रहा है, एसएसएस ऑसिलेट हो रहा है, ठीक है, एसएसएस ऑसिलेट हो रहा है, ठीक है, हल्का सा डिस्प्लेस करोगे तो ऐसे ऐसे होता रहेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है, उसका टाइम पीरियड बताना है। बट इसमें बी वेरी केयरफुल, ये गलतियां होती है बच्चों से, ये जेई एडवांस में आया हुआ सवाल है, इन्होंने टाइम पीरियड नहीं, इन्होंने फ्रीक्वेंसी नहीं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन्होंने ये पूछा था, तो वो आपसे पूछ रहे थे कि ये क्या है, ये एक्चुअली 1/T होता है, ये आपसे पूछा गया है, प्लीज अंडरस्टैंड, टाइम पीरियड नहीं, आपसे फ्रीक्वेंसी पूछी गई है मेरी जान, आपसे फ्रीक्वेंसी पूछी गई है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी नहीं, फ्रीक्वेंसी पूछी गई है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा, ओमेगा नहीं पूछा गया, आपसे फ्रीक्वेंसी पूछा गया, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो 2 पाई अंडर रूट नहीं होगा, 1/2 पाई अंडर रूट समथिंग होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं हमारे पास, हाँ दूसरा ये नहीं, और ये होमवर्क है, ये होमवर्क, ये तो सिंपल है, सस्ता सवाल है, ये कर लोगे तो वो भी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, थोड़ा सा डिस्प्लेस करना है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा ऐसे डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है, फॉर अ स्मॉल एंगल, है ना, थीटा इज स्मॉल,
ये आपने डिस्प्लेस कर लिया, ठीक है, ये आपने डिस्प्लेस कर लिया, थीटा इज इक्वल टू स्मॉल पे आपने ये डिस्प्लेस कर लिया, ये नेचुरल लेंथ था, ये नेचुरल लेंथ था। तो जब आप डिस्प्लेस करोगे तो अब उसका एक फिगर बनाने में अपना कुछ जा नहीं रहा, ठीक है, अपना कुछ जा नहीं रहा। एक मिनट, शायद मुझे जाना पड़ेगा, एक मिनट होल्ड ऑन, क्योंकि मैम है नहीं घर पे, बेल बजिए, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, स्टार्ट करते हैं, आ गए ऑब्वियसली, ठीक है, रुको एक मिनट, आवाज तो मेरी अच्छी आ रही है ना, पहले से तो अच्छी आ रही है ना, पहले वाले स्टूडियो से तो अच्छी आ रही है ना, पहले वाला स्टूडियो से तो बहुत बेटर है हर चीज। रूल वही है, थोड़ा सा डिस्प्लेस करके, थोड़ा सा डिस्प्लेस करो, थोड़ा सा डिस्प्लेस करो, हाँ क्या हुआ, हाँ बना दो बना दो, हाँ बना दो, है ना। सुनो, उनसे फोन पे पूछ लेना खाना क्या बनाना है, ठीक। अब देखो, अभी तो अपना ही चैनल है, ये सब बातें कर सकते हैं। ये देखो, ये आपने देखा, ये आपको अल्फा रीस्टोरिंग निकालना है, अल्फा रीस्टोरिंग निकालना है, ठीक है। अल्फा रीस्टोरिंग कैसे निकालेंगे, प्लीज इसको ध्यान से देखिए, प्लीज इसको ध्यान से देखिए। तो अल्फा रीस्टोरिंग निकालने के लिए सबसे पहले एक डायग्राम बना दो, एक रफ सा फिगर बना दो छोटा सा। और अब आपको पता है ये स्प्रिंग खिंची है, तो यार अगर ये स्प्रिंग खिंची है तो यार एक फोर्स यहाँ पे आएगा के इंटू एक्स, है ना। मुझे नहीं पता यार, ये मान लो कि ये एक्स है, मान लो ये एक्स गया है यहाँ पे ना, तो ये के एक्स लग जाएगा, ये के एक्स यहाँ पे लग जाएगा। तो इसकी वजह से साफ पता चल रहा है कि यार ये एक अल्फा, ये रिस्टोर करना चाहेगा अपने आप को, ठीक है, ये एक अल्फा रिस्टोरिंग आएगा यहाँ पे। तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस ये लिखना है कि मुझे बस यार इस पॉइंट के अबाउट वही लिखना है कि टॉर्क रीस्टोरिंग इज इक्वल्स टू आई इनटू अल्फा रीस्टोरिंग अबाउट द हिंज, मैंने लिख दिया। तो अब प्लीज अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि ये बहुत छोटा है बेटा, ये बहुत छोटा है, तो आप इसको के एक्स, है ना, के एक्स इंटू एल बाई टू ही लिख सकते हो, है ना, ठीक है, आप ये लिख सकते हो इंटू एल बाई टू, और ये भी इंटू एल बाई टू हो सकता है ना। बट अब अगेन कुछ कुछ घनचक्कर आएंगे, बोलेंगे नहीं 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 ऐसे नहीं कर सकते सर, ऐसे नहीं कर सकते, आपको तो ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है, वो ऐसे बोलेंगे, बोलेंगे यार ये थीटा है, तो अब थोड़ा सा ना लगाएंगे वो लॉजिक, बोलेंगे ये थीटा है ना, इसका परपेंडिकुलर ये थीटा हो जाएगा, है ना, वो बोलेंगे इसको ऐसे करो के एक्स कॉस थीटा करो इसको, और इसको भी ऐसे करो के एक्स कॉस थीटा, ठीक है, के एक्स मत लो, के एक्स कॉस थीटा लो। तो जब वो टॉर्क लिखेंगे लोग, तो वो kx से नहीं लिखेंगे, वो kx cos थीटा से लिखेंगे। अब ये cos थीटा कैसे आया, ये थीटा है ना, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ये थीटा है, तो ये 90 ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो अब ऑब्वियसली बात है ये टोटल 90 है, तो ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो नेट रिस्टोरिंग टॉर्क लिखते हैं, ठीक है, नेट रिस्टोरिंग टॉर्क kx cos थीटा, लेट्स टेक दिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज पॉजिटिव, है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज पॉजिटिव, तो आप लिख सकते हो kx cos थीटा, के एक्स कॉस थीटा इंटू एल बाई टू, और ये टू टाइम्स कर दो, क्योंकि इसकी भी यही है के एक्स कॉस थीटा इंटू एल बाई टू, और ये दोनों के दोनों ऐसे हैं, इट्स लाइक अ कपल, ठीक है, ऐसे लग रहा है। तो ये इसका नेट टॉर्क हो गया, इसका एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व हो जाएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर इज एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व, तो इसको लिखो एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व इंटू अल्फा रीस्टोरिंग, ठीक है। तो ये लिख के मैं खुश हूँ, ये लिख के मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। चलो जो चीज़ें कट रही हैं अभी कटने दो, जो कट रही हैं उनको कटने दो। अब देखो ये थीटा छोटा है, थीटा लगभग जीरो के बराबर है, तो जब थीटा छोटा होता है तो थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा इज इक्वल्स टू टैन थीटा, एंड कॉस जीरो या कॉस वेरी छोटा एंगल इज लगभग इक्वल टू वन ओनली, लगभग, इसीलिए मैंने कोई मिलावट नहीं करी,
तो इसको लगभग इक्वल टू वन कर दो क्योंकि थीटा बहुत छोटा है, तो ये लगभग इक्वल टू वन कर दिया अपन ने, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप करोगे 12k by ml, ठीक है, इंटू एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा आर। अब एक और चीज यार, अब ये जो x है, एक और फॉर्मूला लगाओ, ये जो डिस्टेंस है l इज इक्वल टू आर थीटा में, तो आप ये कर सकते हो l बाय टू थीटा, है ना, दिस लेंथ इंटू थीटा इज x, एक ये भी रिलेशन आ जाएगा आपका l इज इक्वल टू आर थीटा वाला, है ना, ये छोटा l या l बाय टू इज इक्वल टू सॉरी मतलब दिस एक्स है ना, ये आर्क लेंथ जो होती है, आर्क लेंथ x इज इक्वल्स टू आर थीटा, है ना, तो दिस रेडियस इंटू दिस थीटा, तो इससे ये भी आ जाता है, इससे ये भी आ जाता है, तो इससे मुझे ये पता चला, चलो ये भी डाल देते हैं यहाँ पे, लेट्स यूज दिस थिंग ऑल्सो हियर, तो ये बहुत आसानी से देखो, बहुत आसानी से आ जाएगा, बहुत सिंपल लॉजिक है ये, 12k by ml l थीटा by 2, ब्यूटिफुल, ठीक है, l से l गया, ये 6 से गया, ठीक है, और ये आ गया, ओके, तो ये इसमें 6 फैक्टर वाला आएगा, मेरे हिसाब से यही आंसर होगा सी। सी कैसे आया मैं बताता हूं, अब देखो, नाउ द क्वेश्चन इज सॉल्व, अब आपको मैं बताता हूं क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ, अल्फा रिस्टोरिंग इज 6k by m into theta, इसको इक्वल कर दो, तो पहले तो आपको ये समझ में आया कि SHM है, ठीक है, पहले तो आपको ये समझ में आ गया, अबे भाई ऊपर जाता हूं, है ना, पहले तो आपको ये समझ में आया कि ये SHM है, अल्फा रिस्टोरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, तो यार यहां पे आप खुश हो गए कि यार ये एक SHM है, यहां पे आप खुश हो गए कि यार ये एक SHM है, आप कंपेयर कर दो, ओमेगा क्या है, अंडर रूट ऑफ 6k by m विच इज इक्वल्स टू 2π into frequency, है ना, ओमेगा 2π into frequency होता है, तो यार यहां से फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो यही आएगा ना, यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये होमवर्क है, मैंने बोला था ना एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें ऐसे मतलब ये वाला SHM होगा, रिमेंबर आई टोल्ड यू, नाउ वी आर डूइंग दिस क्वेश्चन। तो आई होप बच्चों आपको ये सेशन अच्छा लगा, और अगर आपको ऐसे और अतरंगी सवाल देखने जो आपके जेई में आ सकते हैं, ये सवाल पहली बार जेई में आया था, इट केम इन जेई एंड देन इट वॉज एडेड टू द नोट्स ऑफ अ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट्स of a lot of institutes, of a lot of these types of schools, जहाँ पे IIT के लिए पढ़ाया जाता है, and all of that, ठीक है, बट ये बहुत सारों में ऐड कर दिया गया था, इसमें ये बोला गया था कि यार पहले तो पानी रेस्ट पे था, फिर हमने थोड़े पानी को नीचे किया, देखो यहाँ पे पानी को नीचे किया, ये तो ये ऊपर हुआ, इम्बैलेंस की वजह से ऐसे ऐसे होने लगा, ये बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में मैंने आपको दिखाया था, इसमें ये फ्री सर्फेस SHM करेगी, इसमें ये, हेलो, SHM का टेस्ट लाइव हो चुका है ऐप पे, मैं दिखा देता हूँ बच्चों को, एक मिनट बच्चों, आप ना JEE1 की ऐप डाउनलोड कर लेना, SHM का टेस्ट लाइव हो चुका है, एक मिनट रुको मैं दिखाता हूँ कैसे, ठीक है, जस्ट अ मिनट, हाँ तो यार यहाँ पे हम आ चुके हैं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ओ माय गॉड, इतने सारे बच्चों ने रजिस्टर कर लिया अभी, ओ गॉड, अगर आप लोगों का मिस हो गया तो रजिस्टर कर लेना, हर मोमेंट पे कोई ना कोई रजिस्ट्रेशन आ रहा है बच्चों, हर मोमेंट पे, एक मिनट मैं चेक ही कर रहा हूँ अभी, एक मिनट दो मुझे, हाँ तो ये JEE1 का ऐप है, ये JEE1 का ऐप है ना, तो आप डाउनलोड कर लेना, बिल्कुल फ्री है, यहाँ पे ये जो लेफ्ट साइड, ये राइट हैंड साइड है, यहाँ पे सब कुछ फ्री है, ये बैचेस पेड है ना, तो यार इन बैचेस में अभी हमारे स्टार्ट होने वाले हैं, ये 12th और ड्रॉपर के लिए है, ये 11th के लिए है, तो यार ये बेस्ट बैचेस है क्योंकि बेस्ट टीम पढ़ा रही है इसमें, एंड ये बहुत अफोर्डेबल भी है, दे आर वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल बैचेस विद द इंटरेक्शन एंड एवरीथिंग, तो ऐसे बैचेस आपको नहीं मिलेंगे, तो ये जो टेस्ट सीरीज है ना, तो इस टेस्ट सीरीज में आपको जाना है, तो मैं अगर इस टेस्ट सीरीज में जाता हूँ तो आप देख सकते हैं टेस्ट सीरीज, फ्री चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, तो इसमें मैं फिजिक्स में जाऊंगा, फिजिक्स में अभी SHM हुआ है, तो हमने SHM, वैसे तो बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी हैं, 12th के सारे चैप्टर डल चुके हैं, इसमें SHM दिख क्यों नहीं रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, नहीं, हाँ ये रहा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो ये जरूर कर लेना, तो यार यू कैन अटेम्प्ट दिस टेस्ट, ठीक है, मैं आपको थोड़े बहुत इसके क्वेश्चंस दिखा देता हूँ, ये बिल्कुल ऐसे आएगा, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन पता है ये सब NTA डेटाबेस के क्वेश्चन है, तो प्लीज मैं इसको दिखाना नहीं चाहता, तो आई विल गो बैक, इसके 15 सवाल कर लेना, ये आपके जेई में आएंगे, इसमें से ही आएगा जो भी आएगा, ठीक है, मैं एक और चीज एक बार देखना चाहता हूँ बच्चों, जस्ट गिव मी वन सेकेंड,
यस ओ माय गॉड, काफी सारे बच्चों ने जीवन बैच तो इज ऑन फायर, आई थिंक इट इज गोइंग टू एंड, तो इसमें जल्दी से आ जाना जीवन, स्पेशली अगर कोई 12th और ड्रॉपर में है ना, तो वो उनको मेरा सजेशन है कि आप लोग आ ही जाना अगर अभी तक नहीं आए हो तो, ठीक है, नहीं तो आपको बड़ा नुकसान हो जाएगा। यू विल लिमिटेड बैच है और इसमें फायदा अनलिमिटेड है, तो देख सकते हो ऐसे ऐसे होगा। इज दिस क्लियर बेटा, इज दिस क्लियर? ठीक है, ये टेस्ट दे देना इसके बाद ही, ठीक है। अब इसको देखो, इस क्वेश्चन को करना बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मुझे अच्छा लगता है और बहुत मुश्किल नहीं है। आपने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, मैंने बोला था ना हमेशा एसएचएम में थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया करो, तो ये एक्स डिस्प्लेस करोगे तो ये एक्स ऊपर चला जाएगा वॉल्यूम कंजर्वेशन की वजह से, वॉल्यूम कंजर्वेशन की वजह से अगर आप इसको एक्स ऐसे कर दोगे तो यार ये एक्स ऊपर चला जाएगा, तो ये एक्स्ट्रा पानी अब प्रेस जो कर रहा है, देखो ये तो बैलेंस्ड है बट ये जो एक्स्ट्रा पानी जो प्रेस कर रहा है, प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो एक्स्ट्रा पानी प्रेस कर रहा है उस वो रिस्टोरिंग, इसका वेट रिस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि यहां पे तो चीजें बैलेंस्ड है, इसका जो वेट है वही रिस्टोरिंग फोर्स देगा, इसका जो वेट है, ये जो एक्स्ट्रा पानी है इसका जो वेट है वही रिस्टोरिंग फोर्स देगा, वही इसको रिस्टोर करने की कोशिश करेगा, तो यही इसका रिस्टोरिंग फोर्स देगा। बस इतना सा लॉजिक था इसका, इतना सा लॉजिक था। इस एरिया को आप ले लो ए, इस एरिया को ले लो ए, तो बस इसका वेट क्या होगा, इसका मास इंटू ग्रेविटी, है ना, मास इंटू ग्रेविटी, इस लाल वाली चीज का मास, मास होगा वॉल्यूम, मास होगा इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा, ये टोटल 2x हो जाएगा, ठीक है, x नीचे गया तो यार ये एक्स्ट्रा पानी 2x का हो जाएगा, तो 2x इंटू ए, है ना, लेंथ इंटू एरिया, लेंथ इंटू एरिया, लेंथ इंटू एरिया इसका वॉल्यूम हो गया। इसकी डेंसिटी ऑफ वाटर क्या दे रखी है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज रो, तो वॉल्यूम इंटू वॉल्यूमेटिक डेंसिटी इसका मास हो गया। कितने सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई कि मैंने रिस्टोरिंग फोर्स कैसे लिखा, कितने सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई कि मैंने रिस्टोरिंग फोर्स कैसे लिखा, जल्दी बताओ कैसे लिखा, ये बात समझ में आ गई, रिस्टोरिंग फोर्स ऐसे लिखा। अब एक और चीज है कि यार ये बहुत छोटा है, अब इस पूरी चीज का मास एम दे रखा है तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये पूरा, ये जो पूरी ट्रेन है ना, ये मास एम की ट्रेन है, तो अब आपको कुछ नहीं करना, आपको यही बोल रखा है कि इतना छोटा है कि इसका मास ये डीएम होगा, तो ये एम माइनस डीएम हो जाएगा, तो एम ही होगा एक तरीके से, ठीक है, एम ही होगा, फर्क नहीं पड़ता। बस आपने क्या किया, अब इस रिस्टोरिंग फोर्स को जो आपका 2x a रो g है उसको आपने इक्वल कर दिया मास इंटू रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन के लिए, है ना, तो आपने बोला कि जो नीचे ये पूरा का पूरा ट्रेन रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन से जो चलेगा, तो एम इंटू ए आर कर दिया, बस डन 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 मेरी जान। देखो ए आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आ गया ना, ए रिस्टोरिंग इज इक्वल टू क्या आ गया, टू ए रो जी बाय एम, ये एक कांस्टेंट है और ये एक्स हो गया, तो आपको पता चल गया कि हाँ ये तो एक एस एच एम है ना, तो अब आपने कर दिया, इसका मतलब एस एच एम में दिस, ये इनको कंपेयर कर दो, इनको कंपेयर कर दो, ओमेगा क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ टू ए रो जी बाय एम, टाइम पीरियड क्या हो गया, 2 पाए बाय ओमेगा, टाइम पीरियड क्या हो गया, 2 पाए, ऑप्शन बताइए कौन सा है, ऑप्शन बताइए क्या है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आ रहा है सबका, बी ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है, यस, हाँ, लास्ट पार्ट ऑफ एसएचएम एंड देन सम चैलेंजिंग क्वेश्चंस, लास्ट पार्ट ऑफ एसएचएम, और इसको मैं कहता हूं फेजर टेक्निक, प्लीज अंडरस्टैंड, इसको मैं कहता हूं फेजर ट्रिक या फेजर टेक्निक, इसको फेजर टेक्निक भी कहते हैं, ठीक है, ट्रिक थोड़ा सस्ता शब्द होता है तो इसलिए हमने टेक्निक बोला है, ये बहुत हेल्प करेगा, ये फेजर टेक्निक विल बी वेरी हेल्पफुल इन योर ऑल्टरनेटिंग करंट ऑल्सो, अगर ये आज सीख लोगे ना तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट वेव्स और इन सब में बहुत मददगारी होगा, मैथ्स में भी अगर तुम फेजर तुम्हें अच्छे से आता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी फेजर वेजर बहुत चलता है, ठीक है ना, तो प्लीज इसको ध्यान से देखना। तो इसमें क्या होता है, इसमें बोला जाता है कि हम दो दो जैसे दो फोर्सेस को हम ऐड करते हैं ना, वैसे दो एस एच एम को भी आप ऐड कर सकते हो, उसने बोला एक एस एच एम ये हो रहा है, ध्यान से सुनना, एक एस एच एम ये हो रहा है, इसमें एक ही कंडीशन होती है, एक एस एच एम ये हो रहा है और दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, कोहेरेंट होंगे, है ना, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, ये सेम होना चाहिए, ठीक है, ये दोनों फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, अरे यार रुको, ये दोनों फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, ये दोनों फ्रीक्वेंसी इसकी सेम होनी चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, और अलग अलग हो सकता है इनका, वो क्या बोलते हैं, इनका ये अलग अलग हो सकता है ना, एम्पलीट्यूड अलग अलग है, तो एक का एम्पलीट्यूड लेट्स से ए वन है
और एक का एम्पलीट्यूड थोड़ा बड़ा लेट से ए टू है ना, ये दोनों एस एच एम्स को अगर आप ऐड कर रहे हो सबसे पहली चीज, तो अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि हाँ यार ये एक तरीके से ये एस एच एम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला एस एच एम यार किसी एक पर्टिकुलर पोजिशन पे है तो ये शायद यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब इन दोनों एस एच एम्स को अगर आपको ऐड करना है, ठीक है ना, ये एम्पलीट्यूड आपका ए वन है, ये एम्पलीट्यूड आपका ए टू है, अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, अगर आप इनको ऐड करते हो तो ये कैसे होंगे, ठीक है। अब प्लीज अंडरस्टैंड व्हेन आई राइट ए साइन ओमेगा टी, तो ये एक वेव हो गई ना, जैसे साउंड एक वेव होती है ना, तो जैसे ये एक वेव हो गई। अब अगर एक और ऐसा एस एच एम होता सेम फ्रीक्वेंसी का, एक और ऐसा एस एच एम होता सेम फ्रीक्वेंसी का और इसमें फाइव भी जीरो होता, तो ये एक वेव इस दूसरी वेव पे ऐसे ऐड हो जाती, तो ऑब्वियसली बात है कि अगर मैं चिल्ला रहा हूं एम्पलीट्यूड से, तुम भी चिल्ला रहे हो, तो ये दोनों सचिन सचिन एक साथ चिल्ला रहे, सचिन सचिन एक साथ चिल्ला रहे, वन टू थ्री पे चिल्लाते ना हेल्प एक साथ, ठीक है। तो अगर आप एक साथ चिल्लाते हो तो बेसिकली एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाता है उस साउंड का, ठीक है। तो बेसिकली ये फेजर टेक्निक होती है, तो इसको ऐसे मत समझना कि यार दो एस एच एम पार्टिकल कर रहे हैं और हम इनका रिजल्टेंट एस एच एम क्यों निकाल रहे हैं, ठीक है। ये इसका एप्लीकेशन हम वेव्स में देखते हैं, है ना, रिजल्टेंट एस एच एम का। इसके सवाल कैसे दिखते हैं, जैसे ये एक सवाल है, ये एक ऐसा सवाल है जो आपका जेई एडवांस में आया हुआ है 2011 में, देख सकते हो आप, ठीक है, जेई एडवांस का सवाल है जेई, और ये आप देखिए, ये सारे सवाल ना, ये जो सारे सवाल थे, आई डोंट रिमेम्बर मेन में था एडवांस में था, देख लेना, आई थिंक एडवांस में था, एडवांस में बहुत सवाल आए ऐसे, ये एक सवाल है और इसको आपको सिंपली सॉल्व करना है, सिंपली सॉल्व करना है, यू जस्ट हैव टू टेल द आंसर कि क्या होगा, ये एक एस एच एम है, दूसरा एस एच एम है और ये तीसरा एस एच एम है, और इसमें ये बोला गया है कि दे आर सब्जेक्टेड टू साइनसॉइडल डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस दिस दिस, है ना, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, फिर ये बोल रहा है कि इन तीनों की वजह से मास इज ऑलवेज एट रेस्ट, मास मूव कर ही नहीं रहा, तो मास मूव कर ही नहीं रहा, मतलब वो ये बोल रहा है कि एक्स रिजल्टेंट, अगर मैं ये तीनों एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री करता हूं तो यार ये जीरो कर देता है इसको, ये जीरो कर देता है, मतलब जीरो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव या जो भी है जीरो, मतलब एम्पलीट्यूड जीरो हो जाता है, पार्टिकल हिलता ही नहीं है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अभी इस पे आएंगे, इंतजार करो, आएंगे आएंगे आएंगे, ठीक है। बट अब भी फेजर टेक्निक होती क्या है, इसको समझो, फेजर टेक्निक होती क्या है, ये आप दो के लिए या दो से ज्यादा के लिए भी लगा सकते हो। अब अगर आपको ये निकालना है, प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आपको ये निकालना है, इफ यू वांट टू फाइंड आउट एक्स रिजल्टेंट, दैट विल बी ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसमें ये फिर से सेम होगा, ये हो जाएगा रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड या रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड, जो भी तुम बोलना चाहो, है ना, ठीक है। व्हाट इज दिस, दिस इज एक्स, ये आया है एक्स वन प्लस एक्स टू को ऐड करके, ठीक है, ये एक्स आया है एक्स वन प्लस एक्स टू को ऐड करके, तो ये रिजल्टेंट, मतलब अगर मैंने इन दोनों को ऐड किया तो ये होगा, ओमेगा सेम रहेगा, अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी ओमेगा थी तो ये सेम रहेगा, और ये होगा मेरा रिजल्टिंग फेज डिफरेंस। तो मुद्दे की बात करते हैं बेटा, मुद्दे की बात करते हैं, अगर कोई मुझे बहुत सारे एस एच एम दे दे और मैं ये निकाल लूं और ये निकाल लूं तो मेरा काम हो गया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, प्लीज नो दिस फॉर अ फैक्ट, कि अगर मैं ए वन साइन ओमेगा टी, ए टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ऐड करता हूं तो वो भी एक साइनसॉइडल फंक्शन होता है। चलो एक काम करते हैं तुम्हारे लिए, एक काम करते हैं, सो वी विल डू वन थिंग, वी विल एक्चुअली गो टू डेसमॉस एंड टेस्ट इट आउट, ठीक है, डेसमॉस पे जाके इसको टेस्ट आउट ही कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स गो टू डेसमॉस, डेसमॉस डेसमॉस ग्राफिंग कैलकुलेटर या भी यूज कर सकते हो, बिल्कुल फ्री होता है, डेसमॉस पे आ गए। तो देखो डेसमॉस पे अब मैं क्या करने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, मैं सबसे पहले प्लॉट करूंगा एक साइन फंक्शन, ये मैथ्स है पूरा ना, जितने लोगों को मैथ्स पसंद है उनको बहुत मजा आएगा, तो मैंने इस पे प्लॉट किया, भाई प्लॉट हो जा, ये प्लॉट कैसे होता है भाई, ठीक है, इसमें मेरा वो चल क्यों नहीं रहा, हाँ हाँ, तो इसमें देखो मैंने टाइप किया एक नंबर फाइव, ये एम्पलीट्यूड है, उसके बाद मैंने लिखा साइन फाइव साइन, ठीक है, फाइव साइन ऑफ एक्स प्लस समथिंग, ठीक है, ये रुको रुको साइन ऑफ, है ना, तो ये लगा दिया यहां पे, इसमें मैंने लिखा साइन ऑफ ओमेगा, ओमेगा इज लेट से मेरी फ्रीक्वेंसी थ्री है, थ्री है ना, ओमेगा इज थ्री, ओमेगा टी की जगह एक्स कर देता हूँ, बिकॉज ओमेगा टी होता है ना, बट मैं एक्स कर रहा हूँ क्योंकि इसमें वेरिएबल एक्स होता है भाई, आजा,
है ना, ओमेगा एक्स, अबे यार है ना, थ्री एक्स कर देता हूं मैं, थ्री एक्स प्लस, मैं भाई प्लस का है, प्लस का है भाई तू, प्लस टू। आपको ये बात समझ में आ गई? मैंने यहां पे प्लॉट क्या किया, मैंने यहां पे प्लॉट किया कुछ ऐसा, ठीक है। और अब मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूं, ठीक है। ये एक साइनोसॉइडल फंक्शन है, मैंने इसको प्लॉट कर दिया है, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा देखो जूम इन कर लिया, तो मैंने इसको सब प्लॉट कर लिया, ये एक साइनोसॉइडल फंक्शन है। अब मैं काम करता हूं, मैं इसमें एक और फंक्शन ऐड करूंगा, मैं इसको बोल देता हूं दिस इज वाई इक्वल टू, ठीक है। हाँ चलो एंटर मारते, एंटर। अब मैं एक और फंक्शन ले रहा हूं, वाई इक्वल टू डिफरेंट एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी, थ्री सेम होना चाहिए, ठीक है। तो एक काम करता हूं, वाई इक्वल टू थ्री, नहीं अब मैं एम्पलीट्यूड ले रहा हूं सिक्स, एम्पलीट्यूड ले रहा हूं सिक्स, या छोटा एम्पलीट्यूड लेते हैं थोड़ा, है ना, छोटा एम्पलीट्यूड लेते हैं तो इसके अंदर ही रहेगा, चलो सिक्स ले लेते हैं यार, कोई नहीं है ना, डरना क्यों है, सिक्स साइन। अबे भाई क्या यार, रुको, एस आई एन, कीबोर्ड यूज कर ही लिया मैंने, साइन ऑफ, इसमें किया मैंने थ्री एक्स, थ्री एक्स, ओके, इसमें मैंने फेज डिफरेंस जीरो ही ले लिया, ठीक है। सेम फ्रीक्वेंसी डिफरेंट एम्पलीट्यूड, तो आपने देखा मैंने एक रेड ऐड किया, एक ब्लू ऐड किया, ठीक है, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ये अच्छा कर रहा हूं मैं, है ना, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड करके देखता हूं, इन दोनों को ऐड करने से क्या मुझे एक साइन फंक्शन ही मिलता है क्या, ऐसे बहुत सारे भी कर दूंगा ना तो भी साइन फंक्शन मिलेगा मुझे, ठीक है। चलो एंटर करके देखते हैं, एंटर, ठीक है, एंटर करते हैं, तो इसको पहले कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल ए कंट्रोल सी एंटर कंट्रोल वी। अब एक काम करते हैं, इसको अपन थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं वन, वन साइन एक्स, ठीक है, ये छोटा हो गया। तो आपको ये तीनों फंक्शन दिख रहे हैं, वन साइन एक्स, और इसको भी थोड़ा हिला देते हैं ना, प्लस इसका फेज डिफरेंस हिला देते हैं, इसको थ्री प्लस फोर कर देते हैं। तो आपने देखा ये सारे के सारे थोड़े हिले हुए हैं, बट ये सारे के सारे साइन फंक्शन है। अब अगर मैं इन सबको ऐड करता हूं, प्लीज अंडरस्टैंड, अगर मैं इन सबको ऐड करता हूं, ठीक है, अब मैं इन इसको इसके साथ ऐड कर दूंगा, देखो मैं कैसे ऐड करूंगा, शिफ्ट ए, ये मैंने पूरा कॉपी किया, देखो कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एक्स, और मैंने यार यहां पे ऐड कर दिया, प्लस यही चीज कंट्रोल वी कर दी, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं, और अब इसको भी ऐड कर लेते हैं, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, नहीं कंट्रोल ए नहीं, अपन को खाली वाई फिर से ऐड नहीं करना, ये वाला पार्ट अपन ने लिया और कंट्रोल एक्स किया, और यार यहां पे अपन ने क्या किया, प्लस कंट्रोल वी कर दिया, ये भी एक साइन फंक्शन है, समझे। तो जब मैंने देखो सारे साइन फंक्शन, अरे भाई, अरे भाई, हाँ, अब जब मैंने एक साइन फंक्शन सेम फ्रीक्वेंसी के ऐड किए तो साइन ही आया, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी छेड़ के देखो, फ्रीक्वेंसी छेड़ के देखो, पंगा हो जाएगा, ये बहुत स्पेशल केस है, फ्रीक्वेंसी छेड़ी, ये साइन फंक्शन लग रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, देखा पंगा हो गया। अब ये साइनोसॉइडल नहीं रहा, साइनोसॉइडल हमेशा सेम उसका होता है, साइनोसॉइडल नहीं रहा, इसको छेड़ के देखो फ्रीक्वेंसी, एक और छेड़ दी, ये मानो साइन फंक्शन नहीं है बट वहां पे दिख रहा है, ठीक है, बट थोड़ा और चेंज करके देखे, नाइन कर दिया, देखो कितना अजीब सा ही हो गया, कुछ अलग ही सा हो गया, अलग सी सीख बन गई यहाँ पे, ठीक है ना। तो बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इफ यू आर एडिंग, इसीलिए वो सवाल तुमसे आसानी पूछता है, इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, फेजर टेक्निक याद रखना हमेशा, मैथमेटिकल टेक्निक है, मैथमेटिकल टेक्निक है, वापस आ जाओ उस पर, बहुत तड़प ली है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा इसका शॉर्टकट, फेजर टेक्निक, कैसे मैं इसका एम्पलीट्यूड निकालूंगा, ठीक है। इसका टेक्निक होता है वेक्टर्स को यूज करते हैं इसमें ना, इसको वेक्टर्स को यूज करते हैं, तो ये इट इज वेरी सिमिलर टू वेक्टर एडिशन, इट इज वेरी सिमिलर टू वेक्टर एडिशन, ये वेक्टर एडिशन जैसा ही होता है। इसमें क्या करते हो, आप फेजर का एक गोला बनाते हो, गोला मतलब एक ऐसा एक ऐसा ग्राफ बनाते हो, और फिर इनके जो एम्पलीट्यूड है मेरी जान, इनके जो एम्पलीट्यूड है, तुमने लिया ये एक और लाल, लाल में ले लो, ये लिया और ये लिया, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, आपने ये दोनों चीजें ली, तो मैं काम करता हूं फेजर का जो ग्राफ है ऐसे, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, उसमें अब ये वेक्टर्स लूंगा, a1 एट एन एंगल, इसकी पोजीशन 0 डिग्रीज, ठीक है,
A1 at 0 degrees, मैंने हमेशा बोला ना, इसीलिए मैं y एक्सिस लेता हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एंगल हमेशा प्लस x के साथ मेजर करते हैं, है ना, एंगल हमेशा प्लस x के साथ मेजर करते हैं। तो यार यहाँ पे एक वेक्टर लोगे A1, A1 इज अ वेक्टर एट अ पोजिशन 0, है ना, फ्रीक्वेंसी को मत देखो, फ्रीक्वेंसी सब में सेम होनी चाहिए और रिजल्टिंग में भी सेम होगी, ठीक है। A1 आपने ले लिया 0 डिग्रीज पे, A2 आप ले लो डेल्टा डिग्रीज पे, A2 जो भी है इसका, लेट्स से यार ये कुछ ऐसा है A2, इसको आपने ले लिया डेल्टा डिग्रीज पे बेटा, इसको आपने ले लिया डेल्टा डिग्रीज पे। तो अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, ये दो ही है, इनका जो रिजल्टेंट होगा, नाउ द मेन थिंग इज कि इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ये होगा, दिस रिजल्टेंट इज द फाइनल एम्पलीट्यूड ए। तो आप ये बात समझे, अब बेसिकली ये ए क्या होगा, ए इसका वेक्टर रिजल्टेंट होगा, इसको देखो, ए इसका वेक्टर रिजल्टेंट होगा अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1A2, है ना, 2A1A2 कॉस ऑफ, है ना, कॉस ऑफ डेल्टा डेल्टा, ठीक है ना, ठीक है, कॉस ऑफ डेल्टा, ठीक है। तो ये आपने वेक्टर सम से निकाल लिया, है ना, इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, A2 को तोड़ देते, A2 cos डेल्टा, A2 sin डेल्टा, तो यार यहाँ पे हो जाता A1 plus A2 cos डेल्टा, और यहाँ पे, और फिर वो आप रेक्टेंगल लॉ लगा लेते, फिर यही आता। और अब ये फाई क्या होता है, फाई होता है इसी का पोजिशन, ये फाई होता है। अब फाई कैसे निकलेगा, फाई तो वैसे ही निकलता है, क्या कैसे निकलता है फाई, जल्दी से बताओ। ये फाई वेक्टर में सीखा था ना, वेक्टर में हमें पता था कि टैन फाई कैसे आता है, टैन फाई इज वर्टिकल कॉम्पोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट। वर्टिकल कॉम्पोनेंट क्या होगा, A2 साइन डेल्टा अपॉन A1 प्लस A2 कॉस अल्फा। कौन है, हा, हो गया क्या, ओके अब यही दे दो यार, है ना, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, और ये टैन अल्फा कैसे निकाला, आपने वेक्टर को तोड़ा, आपको पता है ना ये चीज, आपको ये बात तो समझ में आ ही गई होगी, समझदार तो आप बहुत ज्यादा हो, आपको पता है यार ये एक्स एक्सिस पे कितना होगा टोटल, एक्स एक्सिस पे हो जाएगा A1 plus A2 cos डेल्टा, है ना, ठीक है। और यार यहां पे क्या होगा, A2 साइन डेल्टा। तो यार आपको पता है यार ये जो रिजल्टेंट है वो इससे ही आ रहा है ना, दिस थिंग अपॉन दिस थिंग, ठीक है ना। तो ये तो वेक्टर में पता ही आपको, तो ये आपने कर लिया, कुछ लोग इसको भी रट लेते हैं फालतू में, वेक्टर से सीखा था। तो बेसिकली आप यही करते हो कि अगर आपको कभी रिजल्टेंट निकालना होता है कुछ SHMs का सेम फ्रीक्वेंसी का, तो आप ऐसे ऐड कर लेते हो, फेजर वाला मेथड लगा लेते हो। रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड कैसे निकालोगे, तो बेसिकली इसका मतलब यह है कि दिस विल ऑल्सो बी इक्विवेलेंट टू सम, इट विल बी इक्विवेलेंट टू सम बिगर SHM विद अ डिफरेंट पॉइंट, है ना, मतलब वो इन दोनों को ऐड करने से एक तीसरा SHM मिल जाता है, ठीक है ना, मैथमेटिकली स्पीकिंग। अब लेट्स हैव अ लुक एट दिस, अ पॉइंट मास इज सब्जेक्टेड टू टू साइमल्टेनियस साइनोसॉइडल डिस्प्लेसमेंट्स, है ना, साइनोसॉइडल डिस्प्लेसमेंट्स इन द एक्स डायरेक्शन। वन इज, ये टी हटा दो क्योंकि ये एफ एक्स की तरह है ना फंक्शन, तो एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, X2 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 2π/3, इसको ऐसे लिख लो, ये क्या 120 डिग्रीज, ये है 0 डिग्रीज और ये है फाई। अब आपको ये बताना है कि यार बी क्या होगा और फाई क्या होगा, आपको बताना है बी क्या होगा फाई क्या होगा, बी क्या होगा और फाई क्या होगा। ये तो बहुत सिंपल, ये वेक्टर का क्वेश्चन है बेटा, ये वेक्टर का क्वेश्चन है। तो आप इसको करो फेजर टेक्निक से, आप ये बोलते हो कि सारे SHMs का ओमेगा सेम है, ओमेगा ओमेगा ओमेगा, ठीक है। तो जो रिजल्टिंग SHM है X1 प्लस X2 प्लस X3, ये भी जीरो देगा, जीरो एम्पलीट्यूड का सेम SHM देगा, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस सम अदर फाई, ये फाई दे रखा है तो चलो इसको अपन बोल देते हैं फाई रिजल्टेंट, ऐसा कुछ दे देगा, बट ये जीरो देना चाहिए, ये इसका वेक्टर सम जीरो हो जाना चाहिए। तो बेसिकली इन तीनों का वेक्टर सम जीरो होना चाहिए, वही करेंगे अपन को वही करना है अब। तो देखो सबसे पहले आपने देखा ये ए है प्लस 0 डिग्रीज पे डालो, इसको 120 डिग्रीज पे डालो, है ना, ए को, तो आपने पहले ए को,
है ना, पहले वाला जो वेक्टर ए है आपने जीरो डिग्री पे डाल दिया, तो आपने ए ऐसे डाल दिया, ठीक है बहुत बढ़िया। अब आपने जो दूसरा ए है वो 120 डिग्रीज पे डाला, ठीक है, दिस इज 120 डिग्रीज, 120 डिग्रीज विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना, ये पोजिशन होती है। यहां पे आपने दूसरा ए डाला, तो ये जो तीसरा होना चाहिए इन सबका रिजल्टेंट जीरो आना चाहिए। अब वेक्टर क्या बोलता है, वेक्टर बोलता है ए ए, ये भी एक ए ही देता है। अब फोर्स एफ और एफ रूट टू एफ देते हैं, ऐसे एफ ऐसे टू एफ देते हैं, ठीक है ना, ऐसे जीरो दे देते हैं 180 डिग्रीज पे, 120 डिग्रीज पे एफ और एफ एफ ही दे देते हैं, ठीक है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब जो तीसरा होना चाहिए वो इसको कैंसिल करने वाला होना चाहिए, जो तीसरा होना चाहिए तीसरा बी है और वो एट अ पोजिशन ऑफ पाई होना चाहिए, तो बी क्या होगा, बी भी ए ही होगा, समझे मेरी बात, आई होप आप ये बात समझ गए हैं। इसको आपने ओरली कर दिया, इसको आपने ओरली कर दिया कि यार ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, पहला वाला तो ए ही होगा और ऑब्वियसली बात है बड़ा एंगल होगा तो बी ऑप्शन, ओरली कर दिया आपने एडवांस का सवाल, ओरली कर दिया आपने एडवांस का सवाल, ओरली कर दिया आपने एडवांस का सवाल, इन सबका रिजल्टेंट आपको जीरो करना है। तो पहले इन दोनों का देख लो वेक्टर सम से, है ना, ठीक है, इन दोनों का कहां पे आएगा पहले तो इसको समझो, तो इन दोनों का आएगा 60 डिग्रीज पे, 60 डिग्रीज फ्रॉम हियर इन दोनों का ए आएगा, तो ये जो ए है इस, ये बी इसको इसको एलिमिनेट करे, ये जो फाइनली बी है वो इसको एलिमिनेट करे, ये जो बी है वो इसको एलिमिनेट करे, तो बी ए के बराबर होना चाहिए, कि अगर बी ए को काटे कि सब कुछ जीरो हो जाए तो इसके बराबर होना चाहिए, और वो कहां पे होना चाहिए, 60 प्लस 180 डिग्रीज पे होना चाहिए, है ना, तो 60 प्लस ये एंगल क्या होना चाहिए, 180 डिग्रीज, ठीक है, तो ये आपका जो नया पाई रिजल्टेंट है, इसका पाई रिजल्टेंट नहीं, ये पाई पाई इसका जो ये फाई है ये होना चाहिए 60 प्लस 180 डिग्रीज, तो अगर आप इसको निकालेंगे तो ये आएगा पाए बाय 3 प्लस पाए, ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 पाए बाय 3, इजी इजी पीजी, ठीक है जी, ओके बाय। तो मुश्किल नहीं होता, वेक्टर से कितना आसान है, बट वो जानता है ये तिलमिला जाएगा, बच्चा करेगा इसको ऐड करेगा, फिर बोलेगा अरे क्या यार ये तो हो नहीं रहा मुझसे, फेजर इज द आंसर, फेजर एंड वेक्टर इज द आंसर टू सच एन इजी क्वेश्चन। मैंने बोला ये ट्रिक है, ये टेक्निक है, इसकी डेप्थ में नहीं जाना, वेव्स में इसका प्रूफ भी दिखाते हैं, एसएचएम में भी दिखाते हैं, बट ये एक वन शॉट है, मुझे पता है सवाल ऐसा ही आएगा और ऐसे ही करना है। ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसने बच्चों को हिला दिया था, 2009 का क्वेश्चन है, देख लो जल्दी से, आईआईटी का 2009 का क्वेश्चन है, बच्चों से नहीं होता ऐसा सवाल एकदम से, पहले हार मान लो, पहले बोल दो कि नहीं हो रहा नहीं हो रहा नहीं हो रहा, मैं मेथड वन से ओरली करूंगा, फिर इसका फॉर्मल मेथड भी बताऊंगा जो थोड़ा बोरिंग है, तो पहले इसको ट्राई करो तब तक मैं अपनी चाय लेके आ रहा हूं, ठीक है, एक मिनट होल्ड, आई एम जस्ट कमिंग, एक मिनट। कुछ अच्छे सवाल भी कराऊंगा, नहीं हो रहा नहीं होगा, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है, कराएंगे हम। तो पहले तो इस क्वेश्चन की एक उठो को यार, इस क्वेश्चन की कुछ भी करने से पहले हमें पहले वो लाना पड़ेगा, हाँ ठीक है ठीक है। अब सुनना सुनना सुनना, बाय द वे अगर तुम लोग इसमें मस्त होना चाहते हो, 11th के बच्चे जीनियस में आ जाए, जीनियस बैच में आ जाए, और जो जो बच्चे 11th और 12th के हैं, जो 12th और ड्रॉपर हैं वो इसमें आ जाए, क्या बोलते हैं, ये सारे बैचेस ऐप पे होंगे और मतलब स्मार्ट बोर्ड मोड पे होंगे, मतलब बिल्कुल इंटरैक्शन के साथ, एंड यू विल हैव टेस्ट सीरीज फ्री विद इट, टेस्ट सीरीज इसमें फ्री होगी, ठीक है। जस्ट अ मिनट बच्चों, एक चीज़ मैं चेक कर रहा हूँ, ओह माय गॉड, आज तो हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया है नंबर ऑफ इंस्टॉल्स का, ऐप इंस्टॉल्स हज़ारों में हो गई हैं आज, हज़ारों में, क्या बात है,
थैंक यू। आप लोग हो क्या यहाँ पे? अमित सिंह यहाँ पे है क्या? शोरायम, अनिमेश, काफी सारे बच्चे हर सेकेंड इंस्टॉल कर रहे हैं आपको, और काफी सारे बच्चे एक्चुअली जीवन तो अपने आँख पकड़ लिया, जीवन बहुत जल्दी फुल हो जाएगा आई थिंक एनी मोमेंट। तो अगर आप लोग जीवन बैच में नहीं आए हो तो उसमें पूरा सिलेबस रिवाइज होगा, तो इंश्योर करना कि आप लोग जीवन में आ जाओ। हर सेकंड बहुत सारे बच्चे आए जा रहे हैं, मतलब इट इज़ नेवर एंडिंग। ये सारे बच्चे आए हैं हमारे बैच में, ठीक है? तो चलो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एक्साइटेड हो तुम इन बैचेस को लेके? एक्साइटेड हो या नहीं हो? क्वालिटी होगी, क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी, ठीक है ना? मतलब बोलने के लिए नहीं, बेस्ट क्वालिटी। तो ये बोल रहे हैं, क्वेश्चन सिंपल है। वो बोल रहे हैं कि मैं काम कर रहा हूं, मैं ना इस मास को, ये शायद फिगर आएगा नहीं आपके पास, ये इस मास को अगर मैं ए, नहीं ये फिगर था उसमें, बट फिगर मैंने अच्छा वर्क कर दिया थोड़ा। अगर मैं ए से आगे ले जाता हूं इसको, मैं अगर ए से आगे ले जाता हूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको ए से आगे लेके जाता हूं तो पी का एम्पलीट्यूड क्या होगा? तो ये जो पी पॉइंट है इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? समझे मेरी बात? तो टेक्निकली क्या होगा, पहले तो इसको क्वेश्चन को समझो। तो थोड़ा सा ये इलोंगेट होगा, मतलब अगर ये मास यहां पे आता है, ठीक है? तो क्वेश्चन पहले समझो रियलिटी में क्या होगा, ठीक है? तो पहले तो ये थोड़ा बहुत इलोंगेट होगा, फिर ये थोड़ा बहुत इलोंगेट होगा, ठीक है? ये बात समझ में आई? तो इलोंगेशन थोड़ा सा इसमें आएगा, लेट्स से इसमें A1 आता है, लेट्स से इसमें A2 आता है, और इसमें टोटल A है। तो आपको मैं ये बोल सकता हूं कि दिस A इज नथिंग बट A1 प्लस A2। आपको बताना है कि यार ये A1 होगा ना, ये तो फिक्स रहेगा, है ना? ये तो यार यहां से फिक्स रहेगा, लेट्स से ये रिजिड है, तो यार ये तो फिक्स रहेगा, तो आपको A1 बताना है। तो बेसिकली योर क्वेश्चन इज टू फाइंड A1। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब मैं तुम्हें पागल कर देने वाला सोल्यूशन देने वाला हूं, ध्यान से सुनना, पागल कर देने वाला। मुझे एक चीज बताओ, अगर K1 K2 बराबर हो जाए, अगर K1 K2 K और K हो जाए, तो दोनों में A और A आता, A/2 A/2 आ जाता। अगर K1 K2 बराबर होते तो A/2 A/2 आ जाता। तो अगर K1 K2 बराबर होते तो A/2 आंसर होना चाहिए था। तो ये तो वैसे भी रिजेक्टेड है, ये भी रिजेक्टेड है। अगर दोनों बराबर हो जाते तो ये A/2 है, ये भी A/2 है, ये दोनों रिजेक्ट नहीं कर पाता, है ना? तो देखो दो ऑप्शन एलिमिनेशन कैसा लगा, ये तरीका कैसा लगा एलिमिनेशन का तरीका कैसा लगा? सिमेट्रिक कर दिया मैंने प्रॉब्लम को, मैंने बोला कि अगर दोनों K हो जाए, K1 K2 K, तो आंसर शुड बी A/2 A/2, दोनों में बराबर बराबर एलोंगेशन आ जाता, ठीक है? इजी। अब मैं तुम्हें पागल कर देने वाला सोल्यूशन देने वाला हूं, पागल कर देने वाला, यू विल गो मैड। दे दू, चलो दे देता हूं। मैं बोलता हूं K1 K1 इज इनफाइनाइट, लेट K1 इनफाइनाइट स्टिफनेस। तो बच्चों जल्दी से बताओ, अगर ये इनफाइनाइट स्टिफनेस का हो गया तो ये बिल्कुल स्टिफ हो गया, इनफाइनाइटली स्टिफ हो गया, आंसर क्या होना चाहिए इससे? इफ K1 इज इनफाइनाइट, एक रॉड हो गई एक तरीके से, ये इलोंगेट नहीं होगी, रिजिड रॉड हो गई, ठीक है? तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए? तो योर आंसर इज एम्पलीट्यूड ऑफ पी शुड बी 0, पी पॉइंट मूव ही नहीं करेगा, आंसर शुड बी 0। अगर K1 इनफाइनाइट है तो आंसर 0 होना चाहिए, K1 को इनफाइनाइट, और ये कोई मामूली वैल्यू है, ठीक है? पूरा एलोंगेशन इसमें ही आएगा, ए पूरा एलोंगेट यही हो जाएगा। तो यार ये तो रिजेक्ट हो गया, ये तो इनफाइनाइट दे रहा है आंसर नहीं, ये आंसर नहीं है, ये 0 दे रहा है, तो ये हो सकता है। अब ये देखो बाकी ऑप्शन देखो। एक काम करते हैं, इस ऑप्शन को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, ये वाला जो ऑप्शन है ना, इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, इसको लिख देते हैं A/1 प्लस K2/K1, है ना? ओके, ठीक है, और इसको ऐसे लिख देते हैं A/K1/K2
के वन बाय के टू प्लस वन, ठीक है। तो एक काम करते हैं, तो अगर ये के वन इनफाइनाइट है तो यार ये ए हो जाएगा, तो यार ये भी रिजेक्ट हो गया, सी तो आउटराइट नहीं है। अगर के वन इनफाइनाइट होगा तो यार ये चीज जीरो हो जाएगी और आंसर ए हो जाएगा, इसमें आंसर ए आ रहा है। और ये अगर आप देखते हो के वन इसमें इनफाइनाइट है तो ये इनफाइनाइट प्लस वन हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो यार एक तो ये है एक ये है, ये दो ऑप्शन बचते हैं, ठीक है, ये दो ऑप्शन बचते हैं, बढ़िया ऑप्शन बचते हैं। तो यार या तो आंसर बी है या डी है, या तो आंसर बी है या डी है। थोड़ा और दिमाग लगाते हैं, थोड़ा और दिमाग लगाते हैं, दिमाग लगाया ना, थोड़ा और दिमाग लगाते हैं। दो ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है। अब मैं बोलता हूं, सुनना ध्यान से, इफ के वन इज जीरो, इज लगभग जीरो, मतलब इतना बहुत हल्की सी स्प्रिंग है, मतलब के वन इज सो लेंदा पेंदा, यही पूरा हो जाएगा एलोंगेट, है ना, पूरा एलोंगेट यही हो जाएगा, और ये एक प्रॉपर है स्प्रिंग, है ना, ठीक है। तो उसमें अगर तुम ए एलोंगेट करोगे ना तो यार ये स्टिफ रहेगी और ये बहुत बहुत ज्यादा लाइट है, मतलब इट्स लाइक अ रबर बैंड, इट्स लाइक अ बहुत पतला सा रबर बैंड, है ना। तो अब ये स्प्रिंग तो लोहे की है ना, ये तो अच्छा खासा स्टिफनेस है और इसका स्टिफनेस कुछ है ही नहीं, तो ये पूरा ही एलोंगेट हो जाएगा, पूरा का पूरा एलोंगेशन इसमें आ जाएगा ए, है ना, तो ये पॉइंट पूरा आगे आ जाएगा, ठीक है। इफ के वन इज जीरो आंसर इज ए, कितने सारे बच्चों को ये चीज चमक गई, नहीं ये बहुत हाई लेवल थिंकिंग है बेटा, ये बहुत ये IITian थिंकिंग है, तो आंसर इज ए। वैसे इसका सोल्यूशन दूंगा मैं तुम्हें, डोंट वरी, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये एडवांस वाली चीजें होती है, ठीक है ना, तो इसका आंसर ही हो जाएगा। बट ये मैंने तुम्हें बहुत सिंपल कर दिया, अगर के वन जीरो है, 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 तो आंसर इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, तो आंसर ए होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। अगर के वन जीरो है, अगर के वन जीरो है, अगर के वन जीरो है, तो आंसर ए होना चाहिए, डी इसका करेक्ट आंसर है, डी फॉर दिल्ली, IIT दिल्ली जाना है तुम्हें, ठीक है, पॉल्यूशन बहुत है सर, बॉम्बे भेजो समझ गए। अभी मैंने एक न्यूज पढ़ी थी, सच में इज इट ट्रू, मुझे कंफर्म करके बताना कमेंट्स में, दिल्ली में 11.8 इयर्स ऑन एन एवरेज कम हो जाएंगे, द प्रिंट ने छापा था, दिल्ली नोएडा गुड़गांव में रहने से 12 साल एज के कम हो जाते हैं, ऐसा कुछ है क्या? वैसे भी मुझे जीने का कोई बहुत ज्यादा शौक नहीं है, बहुत ज्यादा लंबा नहीं जीना, बट स्टिल आस्किंग, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ इट। सोल्यूशन कैसा लगा, सोल्यूशन कैसा लगा? मुझे लग रहा है कि ये नहीं करना चाहिए था, शायद इससे डायरेक्टली हो जाता, अगर मैं खाली K1 को जीरो लेता, K1 को जीरो लेता तो आंसर ए होना चाहिए, तो ये रिजेक्ट हो जाता, ओके, K1 को जीरो लेता तो ये रिजेक्ट हो जाता, K1 को जीरो लेता तो ये भी रिजेक्ट हो जाता, K1 को जीरो लेता तो ये भी रिजेक्ट हो जाता, हाँ तो ये वाला ले लो, ये बेटर सोल्यूशन है, ये बेटर सोल्यूशन है बेटा, ये बेटर, इनफाइनाइट वाला मत लो, K1 को जीरो ले लो, बेटर ये है, बाप लेवल, ठीक है ना। मैं बहुत सारे मेथड निकाल सकते हो, बहुत सारे मेथड, मैंने तो ये वाला लेने की जरूरत नहीं है, बेटर है ये ले लो, ठीक है। अब हम इसका फॉर्मल सोल्यूशन देखते हैं, फॉर्मल सोल्यूशन, सर ये बहुत मस्ती हो गई सर, सॉल्व करके दिखाओ सर, बहुत मस्ती हो गई, हाँ देखते हैं, रिलैक्स्ड रिलैक्स्ड, नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ पी का आपको बताने कितना आगे जाएगा, तो मैं बोलता हूं कि जब कोई बात बिगड़ जाए, मतलब ये देखो बिगड़ गई ये बात, आप इसको ए लेके जा रहे हो, तो इसको ए लेके जाने में आपने रियलाइज किया कि यहाँ पे एलोंगेशन ए वन आया और इसमें एलोंगेशन ए टू आया, दूसरी स्प्रिंग में ए टू आया, कितने सारे बच्चे मानते हैं, इसमें ए वन आया, इसमें ए टू आया, टोटल ए वन प्लस ए टू ए ही होगा, आपने 10 सेंटीमीटर खींचा, एलोंगेट किया, तो ऑब्वियसली बात है शायद इसमें 2 आया, इसमें 8 आया, इसमें 3 आया, इसमें 7 आया, ओवरऑल एलोंगेशन 10। तो एक एक मैथमेटिकल रिलेशन ये बन गई, ए इज इक्वल्स टू ए वन प्लस ए टू, एक रिलेशन ये बन गई, और ऑब्वियसली बात है जितना एलोंगेशन इसका होगा उतना ही तो पी आगे बढ़ेगा, पी इसी की तो चोच है, मतलब पी इसी की तो पूछ है, एक तरीके से पी इसी की तो पूछ है, तो बेसिकली ये जितना आगे जाएगा उतना ही तो इसका एलोंगेशन है, तो बेसिकली योर आंसर इज ए वन, योर आंसर इज ए वन, योर आंसर इज ए वन, एलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग, एक एक रिलेशन ही आ गया। सेकेंड रिलेशन आता है,
ज्यादा मुश्किल नहीं है बट सोचने वाली चीज होती है, एडवांस्ड एडवांस लेवल होता है सोचने वाला। ये पॉइंट अगर रेस्ट पे है और ये मासलेस पॉइंट है एक तरीके से, तो इस पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए क्योंकि मासलेस पॉइंट है। चलो रेस्ट मत लो, मासलेस पॉइंट है हर एक पॉइंट पे, मतलब एक्सेलरेट भी कर रहा होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मासलेस पॉइंट है, ये एलोंगेटेड है, तो यार यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा वो इसके इस मासलेस पॉइंट के लिए इक्वेशन लिख सकते हो, के टू ए टू, ये एलोंगेटेड है तो खींच रही है, ये भी एलोंगेटेड है तो ये भी खींच रही है, के वन ए वन, तो ये बराबर होना चाहिए। तो दूसरा रिलेशन आ जाता है के वन ए वन इज इक्वल टू के टू, कर लो दुनिया मुट्ठी में, डन। फिजिक्स ओवर मैथ स्टार्ट, फिजिक्स ओवर मैथ स्टार्ट। वन एंड टू, वन एंड टू से अब आप निकालिए, वन एंड टू से निकालिए, अब आपको ए टू से कोई मतलब ही नहीं है, तो ए टू को ले लीजिए के वन बाय के टू इंटू ए वन, इसको यहां पे डालिए, आंसर आएगा ए इज इक्वल्स टू ए वन प्लस के वन बाय के टू इंटू ए वन, ठीक है। सो ए वन को कॉमन लीजिए, के वन प्लस के टू बाय के टू इज इक्वल्स टू ए के टू ए, इजी, ठीक है जी। अब तुम बोलोगे सर ये तो इतना सिंपल सवाल था, तो आपने वैसे क्यों बताया, मैं तुम्हें बताता हूं, दिमाग नहीं चलता यार, जेई में मेरा ही नहीं चलता था, मैं फिजिक्स में इतना अमेजिंग था भाई, मेरा दिमाग नहीं चलता था, ये मैं इस क्वेश्चन को करके आता, मैं 100% फोड़ के आता इस क्वेश्चन को, अगर कुछ भी नहीं होता ना तो मैं वैल्यू ले लेता, मतलब मैं उस टाइप का इंसान था, मतलब मेरा दिमाग बहुत तेज चलता था फिजिक्स में, ठीक है ना, तो मैं वैल्यू लेके कर लेता, मैं तुम्हें इतनी सारी चीजें बता दी, अगर दोनों बराबर है तो आंसर ए बाय टू, अगर ये जीरो तो आंसर ये है ना, अगर ये इनफाइनाइट तो आंसर ये है ना, ठीक है। तो मैंने इतनी सारी चीजें, मैंने अपना दिमाग कितना चला लिया, तो ये चलाना सिखा रहा था, इसीलिए मैंने एक मेथड वन बताया, इसके मेथड मैंने एक्चुअली इसके तीन मेथड बता रखे हैं इससे पहले भी, ठीक है, अपने सेशंस में। तो अब एटलीस्ट अभी जितने बच्चों ने ग्रेविटेशन पढ़ा होगा, ये ग्रेविटेशन प्लस एसएचएम का प्रॉब्लम है, बट जिन लोगों ने एसएचएम पढ़ा होगा उन लोगों ने ये तो रियलाइज कर लिया होगा कि भाई इस बंदे में, ये जो आगे खड़ा है ना, इस पे कुछ बात है। इतना अगर तुम्हें लगा तो मैं सक्सेसफुल हूँ, आई एम रियली हैप्पी इफ यू कुड फील दैट। अगर कोई बच्चा पहली बार आया और उसको लगा कि हाँ यार बंदे में दम है, ठीक है ना, तो मैं बोलता हूँ यार एक चीज सुनना, ये तो खाली एसएचएम है, अगर आपको पूरा लेट्स से पूरा 11th का सिलेबस ऐसे ही पढ़ना है, इतनी स्मार्टनेस के साथ पढ़ना है और इंडिया के बेस्ट टीचर्स के साथ पढ़ना है 11th, तो जीनियस में आ जाओ, और अगर पूरा 11th और 12th पढ़ना है तो जीवन बैच में आ जाओ, ठीक है ना। जीवन बैच ही कहाँ मिलेंगे, आपको J1 की ऐप पे मिलेंगे, तो मतलब मिस मत करना, बस यही है, तुम्हारा बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा, नहीं तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा भाई, है ना, मैं सच बता रहा हूँ, ईश्वर को साक्षी मान के बता रहा हूँ, बहुत मेहनत जा रही है इस बैच में, क्योंकि हमारा पहला बैच है, इट इज ऑल अबाउट J1 एंड द रेप्यूटेशन ऑफ दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म, इतनी अमेजिंग ऐप बनाई है, हर चीज पे ध्यान गया यार, लोगो असम है ना, आपका ऐप ऑसम, आपके टेस्ट ऑसम, एनटीए का पूरा पैटर्न है ना, ये कुछ क्वेश्चंस है जिसकी वजह से मैं बोलता हूं कि हाँ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट आई लव, ये मैं बोलता हूं इसकी वजह से रिस्पेक्ट। अब मैं आपको बताऊंगा बट इसके क्वेश्चन को जल्दी कैसे करना है, रिस्पेक्ट फॉर एनटीए या जेई, जेई के लिए रिस्पेक्ट बढ़ाते हैं ये सारे सवाल, और बाय द वे ये लास्ट ईयर का सवाल है, लास्ट ईयर का सवाल है, ये मेन का क्वेश्चन था, है ना, तो एडवांस का मत समझ लेना, बट रिस्पेक्ट आता है ऐसे सवाल से, रिस्पेक्ट आता है, ऐसा सवाल जब हमें करना पड़ता है ना पेपर डिस्कशन में तो हमें अच्छा लगता है, अरे यार क्या क्वेश्चन सॉल्व किया, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, हाउ मेनी, और ये अप्रॉक्सीमेट आंसर आता है इसमें, मतलब अच्छा खासा निकालना पड़ता है, मैं तुम्हें बताऊंगा जिसमें तुम्हें कोई अप्रॉक्सीमेशन नहीं लेना पड़ेगा, मैं वैसा तरीका बताऊंगा, ठीक है ना। बट पहले मैंने तुम्हें क्या बोला था, मैं सेशन एंड करूंगा तो मैं इसके साथ करूंगा, याद है क्वेश्चन स्टार्ट किया था, जहां से स्टार्ट करा था वहीं पर एंड करूंगा, मैंने बोला था ना, मेरा सेशन सेशन नहीं होता, कहानी होती है, वीव करनी पड़ती है पूरी। अब आगे जब तुम गिरते हो तो अब आपको पता है यार यहां पर ग्रेविटी ज्यादा होती है, यहां पर ग्रेविटी थोड़ी कम हो जाती है, ये बिल्कुल सेंटर में ग्रेविटी जीरो होती है, आपको ये बात पता है कि हाँ यार अगर आप यहां पे होते हो तो आप पे ज्यादा फोर्स लगता है, यहां पे थोड़ा कम फोर्स लगता है, यहां पे जीरो फोर्स लगता है, बिल्कुल स्प्रिंग की तरह। फिर आप यहां पे होते तो आप यहां पे गिरते, यहां पे गड्ढे वाला बंदा यहां पे गिरता है तो यहां पे फोर्स ऐसे लगता है। कितने सारे बच्चे इस चीज से अग्री करते हैं कि फोर्स ऐसा 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 लगता, कितने सारे बच्चे ये अग्री करते हैं फोर्स ऐसा 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 लगता,
कितने सारे लोगों को ये फॉर्मूला याद है, जी इन ग्रेविटी इनसाइड वॉज जी एम एक्स बाय आर क्यूब, कितने लोगों को ये फॉर्मूला याद है? कितने लोगों को ये फॉर्मूला याद है कि अगर ये लेट्स से सेंटर से ये एक्स डिस्टेंस पे है, अगर ये सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे है तो इस पे एम जी इन ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, एम जी इन वाला फॉर्मूला लग जाएगा, एम जी इन इस पे एक रीस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा यहाँ पे, है ना, ये इस पे जो फोर्स होगा वो एम जी इन के बराबर हो जाएगा। कितने सारे लोगों को ये बात समझ में आ गई, ये इस पे रीस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा। तो ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो क्या हो जाएगा, एम इन टू जी इन लिख देता हूं, तो यार ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो हो जाएगा जी एम एम अपॉन आर आर क्यूब, ये कांस्टेंट है ना, इन टू एक्स। कितने सारे लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि ये एक एस एच एम होगा, अभी तुम्हें समझ में आएगा। यार ये फोर्स तो एक स्प्रिंग की तरह नहीं होगा, ये एक ऐसी स्प्रिंग की तरह नहीं होगा क्या? अगर लेट्स से यार यहां पे एक स्प्रिंग होती, ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ये इसकी नेचुरल लेंथ है, लेट्स से ना ये इसकी नेचुरल लेंथ है या मीन पोजीशन है, ठीक है, इसको नेचुरल लेंथ नहीं बोलते क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी ग्रेविटी बहुत ज्यादा नाटक है, तो ये इसकी मीन पोजीशन होती है। अगर मैं बोलता यार ये इसका x इक्वल टू जीरो है सेंटर, ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि यार यहाँ पे अगर ये होता तो इस पे एक फोर्स लगता के एक्स, यहाँ पे लगता के एक्स, इसका जो एक्सेलरेशन होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ये बातें समझ में आ रही है? तो मैं ये बोल सकता हूं कि यार यहां पे एक स्प्रिंग के बराबर है एक तरीके से, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि एक स्प्रिंग के बराबर है, ये एक स्प्रिंग मास सिस्टम के बराबर है कोई भी इंसान। और मैंने बोला था देखो खाली स्प्रिंग मास में ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है कि एस एच एम छोटा होना चाहिए, यहां पर एस एच एम बड़ा भी हो सकता है, स्प्रिंग मास में एग्जैक्ट आता है ना, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ये होता है और अर्थ में तो हो जाता है, सच में हो जाता है। इसमें देखो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आ गया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आ गया, और अगर आप ए रिस्टोरिंग निकालेंगे है ना, तो ये एम इंटू ए रिस्टोरिंग, तो ये आ जाएगा जी एम एम अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ योर मास ऑल्सो। आपको ये बात भी समझ में आ गई, ओ गॉड, अब आपको ये बात भी समझ में आ गई, अरे तेरी ओ तेरी ओ तेरी ओ तेरी, ये बात समझ में आई कि ए रिस्टोरिंग तो यही आ गया भाई, यही आ गया। तो बेसिकली ये क्या था, ये स्प्रिंग कांस्टेंट था। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि कौन सी स्प्रिंग लगाऊं यहां पे, तो मैंने बोला ये जो स्प्रिंग तुमने लगाई है ना, तो ये है तुम्हारी जी एम, है ना, के एक्स होता है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट के एक्स होता है, तो मैंने बोला जी एम एम अपॉन आर क्यूब, तो स्प्रिंग कांस्टेंट ये है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट लगाओ तो बेसिकली यही फोर्स लगेगा यहां पे, फोर्स जीरो लगेगा और डिपेंडिंग ऑन आप कौन से एक्स पे हो वो फोर्स लग जाएगा रिस्टोरिंग टुवर्ड्स द सेंटर। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई मीन पोजीशन सेंटर पे, तो यार ये एक स्प्रिंग मास की तरह हो गया, स्प्रिंग मास की तरह हो गया। टाइम पीरियड स्प्रिंग मास का क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एम बाय के, ये होता है एम बाय के। और यार यहां पे अब तुमने रियलाइज किया, यहां पे अब तुमने रियलाइज किया, या तुम ऐसे कर सकते हो या तुम ऐसे ऐसे कर सकते हो। अब तुम्हें पता है कि हाँ यार यहां पे ए रिस्टोरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो आपको पता चल गया कि ए रिस्टोरिंग क्या हो गया, ए रिस्टोरिंग इज ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, और वहां से ओमेगा तुम्हारा आ गया अंडर रूट ऑफ जी एम बाय आर क्यूब, ओ धत्तेरे की। और टाइम पीरियड एक आदमी का जो गिर जाए स्टनल में वो हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा, या 2 पाई अंडर रूट ऑफ जी सॉरी है ना आर क्यूब अपॉन जी एम। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई, ये तो बहुत सिंपल हो गया यार, ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल हो गया। एस के क्या बोल रहे हो तुम, तनीषा बत्रा जी क्या हो गया, एस के एस के व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एस के, एस के क्या है, हाँ क्या एवरीथिंग इज ओके, माय लैपटॉप इज अबाउट टू डाई, डोंट वरी, हाँ चार्ज कर लो भाई। चैट आई नीड सम चैट, आई नीड सम रिस्पॉन्स। भाग्यवर्धन साई हाइड्रा यश स्वयं श्री तनीषा तानिश बत्रा, जल्दी से थोड़ा इंटरैक्ट करिए भाई लोगों। ओके टॉप चैट से मैंने लाइव चैट नहीं किया था ना, हाँ ये इसलिए भी मुझे ना थोड़ा सा आज बेटर, ये यूट्यूब में यही पंगा रहता है यार चैट का, इसीलिए प्लेटफॉर्म की चैट बेटर रहती है, वो सामने दिख जाती है, ठीक है ग्रेट। तो ये आपको समझ में आ गया ना, तो बेसिकली आपको पता चल गया स्प्रिंग कौन सी लगानी है, टाइम पीरियड क्या होगा, तो आपको ये बात तो पता चली गई इतनी सारी चीजें बताने पर,
तो उसने बोला द मास, अब देखो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि जो बंदा एस एच एम कर रहा है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, है ना, द मास ऑफ द पार्टिकल इज इतना, तो इन्होंने मास दे रखा है 0.1 या 1/10 kg, इसको हम एसआई में करेंगे। और ये क्वेश्चन भी तो वही है कि यार अर्थ पे एक होल बना दिया डायमीटर पे, क्वेश्चन यही तो है कि अर्थ पे एक होल ऐसे आपने बना दिया और एक इंसान इस पे एस एच एम कर रहा है, एक इंसान को ही गिराया ना, एक सॉलिड स्फीयर को यहां से गिराया, तो ये बेसिकली यार यहां पे एस एच एम करता रहेगा, एस एच एम करता रहेगा। और अभी हमने यही वाला एस एच एम के बारे में डिस्कस किया कि इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2π, और यही टाइम पीरियड दे रखा है एक तरीके से ना, इसका टाइम पीरियड क्या होता है 2π r³/gm। इसमें ग्रेविटेशन की नॉलेज बहुत हेल्प करेगी, और मैं इस बार पता है लास्ट ईयर ने प्रूव कर दिया कि ग्रेविटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ग्रेविटेशन से आ रहे 2-3 सवाल, फिर ये क्वेश्चन भी ग्रेविटेशन से रिलेटेड, और ग्रेविटेशन के सारे सिंपल सवाल। मैंने एक चीज बताई थी याद है, g = gm/r, मेरा पहला वन शॉट था gm/r², इसको लगभग 10 ले लिया करो, ग्रेविटी के बराबर है ना gm/r², और r क्या होता है 6400 किलोमीटर। ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन नहीं है बट लगी, हाँ दे रखिए, ठीक है 6400 किलोमीटर है ना, तो किलोमीटर मतलब ये SI में ये होगा। इस नॉलेज को यूज करके आपको बताना है टाइम पीरियड क्या है, यही निकालना है आपको, आपको बताना है टाइम पीरियड इन आवर्स क्या है, आवर्स एंड मिनट्स है ना, टाइम पीरियड ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल विल बी हाउ मच, ठीक है। तो अब हम टाइम पीरियड निकालते हैं बेटा यार यहाँ से ना, तो अब अगर मुझे बोला टाइम पीरियड निकालो, तो चलो मैंने 2π लगा दिया यहाँ पे, और मैंने यार ये कर दिया r/gm/r² को 10 लिख दूंगा मैं, है ना, देखो थोड़ा जल्दी हो जाएगा मेरा, है ना, तो उसको मैंने 10 लिख देना है, ठीक है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, अब मेरा आंसर यार यहाँ पे आएगा, फाइनल आंसर मेरा मैं ब्लू में निकालूंगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो मेरा टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2π 6400 किलोमीटर, तो 6400 और किलो को लिख दो 10³, और इसको लिख दो 10, तो ये हो जाएगा 100, ठीक है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा 2π, ये हो जाएगा 880 इंटू 80 सेकेंड, 80 नहीं सॉरी 800 सेकेंड इंटू 800 सेकेंड, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, इंटू 800 सेकेंड हो रहा है यार। तो अब यार इसको पहले मिनट में करके देखते हैं, मिनट में है ना, तो ये बहुत ज्यादा नहीं जा रहा है, ये बहुत ज्यादा नहीं जा रहा, बहुत ज्यादा सेकंड नहीं हो रहे, तो यार ऐसा नहीं है कि ये तो बहुत बड़ा हो गया, ये तो 24 आवर्स, क्योंकि आपको पता है 24 आवर्स में 84,000 सम इतने सेकंड होते हैं, उतना तो नहीं जा रहा सेकंड, है ना, थोड़ा कम जा रहा है, तो ये एक घंटा समथिंग ही होना चाहिए। तो एक घंटे के हिसाब से यार ये लगभग 84 मिनट से आपके सामने दिख रहे हैं, 84 मिनट है, और ये आपके 100 मिनट है, 100 मिनट एंड ये ऐसा कुछ है, तो आई एम लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दैट। तो यार अगर मैंने इसको ऐसा किया तो 2π × 800/60 मिनट करते, पहले मिनट में कैलकुलेट करते हैं, इसको मिनट करते हैं, तो मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि यार इसका आंसर 2 होगा। क्यों, देखो एक जीरो से एक जीरो काट दो, और ये 2π से 6 भी काट दो यार, मतलब आई नो आई शुड नॉट डू दैट बट हाँ काट दो, मतलब थोड़ा लगभग ऐसे काटो थोड़ा गंदा वाला कि हाँ ये आंसर शुड बी लगभग इक्वल टू 80 मिनट्स, हाँ मोर देन 80, बट मतलब मुझे दिख रहा है कि यार यही मैच कर रहा है, समझ रहे हो, मतलब ऑप्शंस देखो ना एक बार, ये जेई का सवाल है, मैं क्यों छेड़ू, मैं क्यों मतलब मैं क्यों लेके जाऊं तुम्हें वहां तक, तो जेई वाले भी सोचते हैं इसके बारे में। सो दैट वाज अबाउट इट, आई होप तुम्हें सेशन अच्छा लगा। इसके अलावा मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, ये तुम्हारा कमेंट होमवर्क है, प्लीज अंडरस्टैंड, ये तुम्हारा ये क्लास वर्क है, ये करना है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, ये पहला क्वेश्चन देख लो स्नैपशॉट, सेकंड क्वेश्चन स्नैपशॉट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये सब तुम्हारे लास्ट ईयर के आए हुए सवाल है, करने हैं। आर यू जेई रेडी, ये तुम्हारी DPP है। तो अब देखो फ्री में इतना सारा कंटेंट तुम्हें मिल रहा है, एक इतना अच्छा वन शॉट तुम्हें SHM का मिला जो शायद तुम्हें पेड प्लेटफॉर्म्स पे ना मिले, है ना, पहली चीज ये सोचने वाली है कि तुम्हें पेड प्लेटफॉर्म पे ना मिले। मैंने इतना अच्छा सेशन क्यों, मैंने इतना मेहनत क्यों करी, मैंने क्यों अपनी कमर तोड़ी, तीन दिन से कमर तोड़ रहा हूं कि तुम्हें ये एक्सपीरियंस आज के सेशन में मिले, तुम्हें लगे कि हाँ यार ये SHM का सबसे बढ़िया लेक्चर है ऑन YouTube पे ये रैंक करे, इंग्लिश में इससे बेटर लेक्चर ना हो उसके लिए नमो सर ने काम किया, उसके बाद तुम्हें DPP दी। क्यों मैं बताता हूं कि तुम्हें ये यकीन हो जाए कि हाँ यार ये वो टीम है, तुम्हें ये यकीन हो जाए कि हाँ यार अगर हम जीनियस और जीवन बैच में इनके साथ पढ़ेंगे तो हमारा निहाल हो जाएगा, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट, ठीक है। सो आई एम श्योर दिस चैनल विल डेफिनेटली डू वेरी वेल बेटा, है ना, बहुत अच्छा करेगा ये चैनल, मेरे को पूरा भरोसा है, ऐसा मतलब तुम बोल रहे हो ये और हमारा हौसला बढ़ता है, दैट इट दिस चैनल विल बी नंबर, इट्स ऑलरेडी नंबर वन। अगर आप देखोगे इतने कम सब्सक्राइबर में भी सबसे ज्यादा लाइव वॉचिंग अगर किसी जेई चैनल पे आ रही है तो वो तुम्हारे 11 सपोर्ट की वजह से जेई 1 पे आ रही है। सो थैंक यू सो मच, इसको लाइक कर देना, ये सारे क्वेश्चंस एक बार देख लो, इन सबके आंसर की भी तुम्हें दिए, इसका PDF मैं शेयर कर दूंगा, हमारा अब हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है,
व्हाट्सएप ग्रुप भी आ चुका है ना, ठीक है, व्हाट्सएप चैनल भी आ चुका है, ठीक है, व्हाट्सएप चैनल भी आ गया है, इंस्टाग्राम चैनल भी आ चुका है ना, तो ये सारी चीज़ें देख लेना, ये सारी देखो इतने सारे सवाल 21, 22, 23 ये कर लोगे इट्स मोर देन इनफ। और बट टेस्ट जरूर करना बेटा, ये तो फिर भी आप कभी भी कर लो, मैम मुझे मतलब नहीं है, ये तो आप कभी भी कर लो, यू कैन डू दिस इन इन द वीकेंड ऑल्सो, है ना, कल संडे है ना, वीकेंड संडे है, बट अभी आप एक चीज करो प्लीज, वो टेस्ट करने की कोशिश करो, आज रात तक वो टेस्ट कर लेना जो जेई वन की ऐप पे, जो जेई वन की ऐप पे टेस्ट है ना, वो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग सारे के सारे बच्चे उस टेस्ट को कर लो, उस टेस्ट को कर लो। उसके अलावा बताना चाहता हूँ बच्चों, एक और चीज बताना चाहता हूं कि जो तुम्हारा जीवन बैच है, ठीक है, एक मिनट, जस्ट गिव मी वन सेकेंड, है ना, तो मैम अभी जीवन बैच के बारे में इन्फॉर्मेशन तुम्हें दिखाएंगी, तब तक है ना मैं एक काम करूंगा, है ना, मैं तुम्हें ऐप में दिखा दूंगा कि जीवन और जीनियस बैचेस कैसे दिखते हैं, ठीक है, तो मैम एक बार उनको एक्सपीरियंस के लिए, वो एक टाइनी URL मैंने दिया था ना, वो आप यहाँ पे खोल देंगे तो बहुत सही रहेगा, ठीक है, तो उसको अपन सेव कर लेते हैं, कीप कर लेते हैं, ठीक है। सो जस्ट अ मिनट बच्चों, एवरीवन जस्ट गिव मी वन सेकेंड, हाँ हाँ मैम उससे बेटर है कि अपन हाँ रुको एक मिनट बच्चों, ठीक है, ओके ओके ओके, तो बेसिकली अब अपन मैम इसको एक फुल स्क्रीन कर दीजिए, हाँ तो अब जल्दी से मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, ध्यान से सुनना, तो यार ये वो बैच है, दिस इज द जीवन बैच, इसमें 200 लाइव क्लासेस हैं, है ना, इसका प्राइस चला के मैंने लिखा नहीं है, ऐप पे जाके आप देख लेना, क्योंकि इट इज अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट, इससे बेहतर मतलब 200 क्लासेस 300 घंटे, मुझे लगता है तुम्हारे 200 नंबर तो डेफिनेटली आएंगे अगर तुम ये 200 क्लासेस देख लोगे, तुम इसके साथ जो 10 टेस्ट सीरीज फ्री में मिल रही है एग्जैक्टली NTA के UI में, NTA के UI में, ऐसा प्लेटफॉर्म तुमने पहले देखा है क्या मुझे बताओ, जहां पे स्मार्ट बोर्ड पे तुम्हारी क्लासेस हो रही है, लाइव चैट है वहां पे लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड अभी रिसेंटली बिल्ड हुआ है जस्ट, और आई मीन समथिंग आई हैव नॉट सीन बिफोर, तो यार आप डेफिनेटली देखिए, ये सारे एक्सपीरियंस आपको मिलेंगे विद द नंबर वन टीम, ऐसा नहीं कि कोई भी, विद द नंबर वन टीम, टेस्ट सीरीज फ्री विद दिस बैच, DPPs फॉर एवरी चैप्टर, इसमें पूरा मतलब आपका ये सोचो कि 3 महीने के अंदर अंदर, 3 महीने से भी कम में आपका पूरा सिलेबस जेई का करा दिया जाएगा बाय द अमेजिंग टीचर्स ऑफ JEE1, बाय द अमेजिंग टीचर्स, इन्होंने इतने सारे सिंगल डिजिट रैंकर्स, रैंक वन्स इतने सारे निकाले ओवर द ईयर्स, 12 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है ऑन एन एवरेज हमारी टीम का, रिकॉर्डिंग्स PDF आपके आपको नोट्स के मिलेंगे, DPP हर चैप्टर के मिलेंगे, टेस्ट सीरीज आपको NTA पैटर्न में मिलेगी, तो बेसिकली ऐसा नहीं होगा कि तुम JEE पहली बार दे रहे होगे, तो ये एक बहुत बढ़िया चीज है, और ये जीनियस है 11th वालों के लिए, आधी क्लासेस है इसमें, है ना, ऑब्वियसली बात है 100 नहीं है, इसमें 150 आवर्स की लर्निंग है, इसमें 300 आवर्स की लर्निंग है, इसमें भी वो सब कुछ मिलता है, तो ये दोनों बैचेस आपको मिलेंगे हमारी ऐप पे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, JEE1 की ऐप वैसे भी होनी चाहिए क्योंकि इस पर बहुत सारा फ्री कॉन्टेंट भी है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इस पर बहुत सारे आप टेस्ट दे सकते हो टेस्ट सीरीज सेक्शन में, और ऐसे आपके टेस्ट होंगे, ये वैसे हमारे टेस्ट का एग्जैक्ट स्नैपशॉट है, खाली NTA का नहीं लगाया, ये हमारे ही प्लेटफॉर्म का स्नैपशॉट है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, ये देखो पहला सवाल आपको दिखेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, और ये देखो एग्जैक्ट सेम UI, सेव एंड नेक्स्ट, और ये सारे ऑप्शन आपको वहां पे मिलते हैं, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। एक काम करता हूं मैं एक बार यू नो ऐप को दिखा देता हूं, सो हाउ डज द ऐप लुक लाइक, है ना, सो इट विल बी रियली ऑसम टू लुक एट, देखो हाँ इतने सारे बच्चे, देखो हर सेकेंड रजिस्ट्रेशन होता है बच्चों, तो अगर आप देख सकते हो यार यहाँ पे एक मिनट, यार ये क्या हो गया, है ना, तो अगर आप यार यहाँ पे देखोगे ये ऐप में ये JEE1 है यहाँ पे, है ना, तो आप इस JEE1 को खोलिए, यहाँ पे जल्दी से देखिए, JEE1 को आपने जैसे ही खोला तो आप देख सकते हैं यार यहाँ पे जीनियस बैच इंस्टेंट, ये आपकी ऐप ऐसे खुलेगी पहली बार, है ना, ये तो पॉपअप है, आपकी ऐप ऐसे खुलेगी, इट्स सो क्लीन, तो इसके जो भी है ना इस पर भी क्लिक करके आप बैच पे जा सकते हो, नहीं तो आप बैचेस में जाओ यार, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बैचेस आपको मिल जाएंगे, सारी डिटेल आप देख सकते हो, जैसे जीवन की पूरी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी, व्यू स्केड्यूल, एक एक स्केड्यूल पहले से आपकी सारी क्लासेस देखो स्केड्यूल्ड है यहाँ पे, 300 क्लासेस आपको सारी मिल जाएंगी, है ना, और उसके बाद रिकॉर्डेड में आपके लिए अवेलेबल होंगी है, ठीक है, उसके साथ साथ इसमें ऑलरेडी एक टेस्ट सीरीज आपको मिल जाती है, अब मैं आपको इसका टेस्ट टेकिंग एक्सपीरियंस दिखाता हूँ, बहुत अमेजिंग है, आपको जैसे आज के नोट्स यहाँ पे मिलेंगे, यूट्यूब के नोट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, और टेस्ट सीरीज ये पूरा फ्री सेक्शन है बेटा, ये पूरा फ्री सेक्शन है, हर चैप्टर के आपको टेस्ट मिल जाएंगे, बट अगर आपको पेड टेस्ट सीरीज जीवन वाली चाहिए तो आपको जीवन बैच के साथ वो फ्री मिल जाएगी, आप अलग से भी ले सकते हो जीवन और जीनियस, तो ये तो सबको लेनी लेनी चाहिए, मैं तो बोलूंगा बैच के साथ लोगे तो और ज्यादा सोने पे सुहागा हो जाएगा, सो आई होप मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको ये बताया, इट इज अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट फॉर योर ओन लाइफ, ठीक है ना, तो मैं आपको ये बताना चाहता था, इट इज ओनली फॉर योर जीवन, और ये एक्सपीरियंस हमारे लिए भी एक सिग्नेचर स्टेटमेंट होगा ऑफ दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म, जिसको हमने बहुत कम टाइम में बट बहुत ज्यादा मेहनत से बनाया है, और मैं बहुत प्राउडली कह सकता हूँ कि इतने कम टाइम में इतना क्लीन UI वाला ऐप बनाए थे, अमेजिंग बच्चों ने चीज़ें लिखी हैं इसके लिए, टेस्टिमोनियल लिखे हैं, सच में मतलब दिल भर आता है, माय हार्ट इज़ रियली फुल,
ऐसा एक्सपीरियंस आपको देना। पहली बार आई थिंक एक पेड बैच में आप नमो सर को या हमारी पूरी टीम को ऐसे पढ़ाते हुए देखोगे स्मार्ट बोर्ड पे विद पोल्स एंड लीडर बोर्ड्स एंड एनटीए टाइप यूआई। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा और कुछ भी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस एवरीथिंग एल्स इज नॉइज और बैकग्राउंड नॉइज, ठीक है। उन सारी चीज़ों को अवॉइड करना है और आपको वही चीज़ें करनी है जो इंपॉर्टेंट है एंड वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ठीक है। आप हो तो हम हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड स्टे अपडेटेड। आपको हम एंड तक लेके जाएंगे, पूरा रगड़ देंगे, बट वो उससे आप चमकोगे, ठीक है ना। सो दैट्स अबाउट इट। थैंक यू सो मच, लव यू।